हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आवाज़ आ रही है क्या हाँ आवाज़ आ रही है कि भाई सब लोगों को मेरी आवाज़ आ गई क्लियर है सब कुछ यस 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 अरे भैया नई शुरुआत करने में थोड़ा टाइम लगता है हाँ पाँच बजे का मतलब कि हाँ थोड़ा सा एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशूज़ थे इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था हाँ हाँ सॉरी लेट हो गया पाँच मिनट तुम्हारे ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट पाँच मिनट मैं चैट में देख रहा हूँ काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे थे चैट में ठीक है तो अब अब नई उम्मीद नई सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं ठीक है आज हम लोगों के पास केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है अब डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और डेली की डेली ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी आ, क्लास इलेवेंथ वाले भी कर सकते हैं क्लास जो रिपीटर्स है मेनली अपने पास नीट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ठीक है चौबीस वाले भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन हाँ वो इतने लंबे टाइम तक खींच पाए एक होता है ना कि भाई इसमें इसमें एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे मोटिवेशन बहुत हाई रखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी बहुत हाई रखनी पड़ेगी हर एक शाम को पांच बजे बैठना पड़ेगा आपको सर नए चैप्टर को पूरा थोरली करने के लिए अभी भी सिलेक्शन हो सकता है एकदम हो सकता है कोई दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है हाँ थैंक यू अलग सर को बोलना चाहिए हम लोगों को क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं का ये विजन है कि ये सारे बच्चों को फ्री में आपको सबको एक होता ना कि उम्मीद जगाई जाए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी बच्चे जिनको भी लगता है कि हाँ यार अभी भी सिलेक्शन में कुछ कमियां रह गई हैं कुछ दूरियां रह गई हैं वो सब कुछ करने वाले सर यस सर बेसिक से ये स्टार्ट करेंगे बेसिक से ये स्टार्ट करेंगे लेकिन आ, एक होगा कि हाँ इतने दिनों में थोड़ा सा स्पीड अपने आप ही आगे जाते जाते जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा एक दिन में चैप्टर एंड होगा तो ऑब्वियस है जब चैप्टर के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे उस टाइम तक आपको बार बार रिवाइज़ करते रहना है

कहीं काफी भी बैकलॉग है ठीक है कहीं काफी बैकलॉग है वो सब कुछ सब कुछ क्लियर करने का टाइम है यहां पे ओके अच्छा चलो अब एक काम करते बहुत बढ़िया अब शुरू करते पाछे हाँ ठीक है तो सबका स्वागत है इस नई सीरीज में नई जोश के साथ नई उमंग के साथ हम सब लोग एक दूसरे को बस आज पहली बार इस सीरीज में मिल रहे हैं और कोशिश करते कि इस सीरीज के बाद सर सेवेंथ मई को ऐसे ही शाम को मिले हम लोग ऐसे ही शाम को पाँच बजे हम लोग इतनी खुशी से मिले और एक दूसरे को बोल रहे हों कि हाँ सर इस सीरीज का फायदा हमने उठाया सबको ऑब्वियस से विश्वास दिवस आने वाला है भाई उस दिन बहुत कुछ होगा और विश्वास दिवस के दिन अगली छुट्टी आपकी जो इस बैच की होगी वो ट्वेंटी एट को है विश्वास दिवस के दिन इंडिया का एजुकेशनल फेस्टिवल के ओके किताब क्लास कब तक चलेगा भाई अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई अब तो स्टार्ट होगी ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक सा चैप्टर जिससे फिजिकल केमिस्ट्री का ट्वेल्थ का सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का और वो चैप्टर लेके मैं आपके सामने आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट

ठीक है ये चैप्टर हमारी एनसीआर में पहला चैप्टर है मतलब सर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत है तो वो इसी की जरूरत है सबसे पहले किस चीज की जरूरत है तो इसकी जरूरत है इस बेसिक कॉन्सेप्ट की आज जो चीजें होंगी उसमें कोई चैप्टर का बॉर्डर नहीं है अगली क्लास में जैसे लो एटोमिक स्ट्रक्चर आएगा थर्मोडाइनमिक्स आएगा उसमें वो चैप्टर वहीं पे होगा ज्यादा से ज्यादा एक दो चैप्टर तक आगे पीछे जाएगा लेकिन लेकिन सर अगर मैं बताऊं इस चैप्टर की तो ये सर इलेवेंथ से लेकर ट्वेल्थ के किसी भी पोर्शन में ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक हर एक जगह आता है ठीक है तो सर अब शुरू करेंगे अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे बेसिक सी चीज क्या है अपने पास आज उम्मीद सीरीज में क्या करने वाले है? अगर मेरे से कोई पूछे कि आज क्या करने वाले तो आज मैं सीधा बोलने वाला पूरा चैप्टर करने वाले अगर किसी भी बैच में जाते हो वहां टॉपिक्स मिलते हैं कि सर ये टॉपिक करना है आज ये टॉपिक करना है आज हमारे पास सारा टारगेट क्या है आज का सर सारा का सारा मूल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट फिनिश करना है यस सर आपको आज साथ में बने रहना है और साथ में देख भाई कंसिस्टेंसी किसी को चेक करनी हो ना अपने को लगता हो कि सर मैं डिसिप्लिन हूं मैं बहुत मेहनत करता हूं मेरे रिजल्ट नहीं आता कंसिस्टेंसी चेक करने का ये बैच है आपको अभी जितने बच्चे लाइव दिख रही है जितने बच्चे यहां दिख रहे हैं ना जितने कमेंट्स ये जोश ना भी पांच घंटे बाद चार घंटे बाद जब चैप्टर अपने एंड पे पहुंचेगा तब देखेंगे कि हाँ सर यहाँ पे कैसी हालत हो रही है तब आपको रियलाइज होगा कि यस सर डॉक्टर बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा ठीक है हाँ भाई टेस्ट वेस्ट में होगा आपको बैच के ओरियंटेशन में बता चुके मैंने पंकज सर सब लोगों ने मिलकर बताया है आपको हाँ क्लास भाई चलेगी जब तक होता है ना कि पांच बजे शुरू होने का टाइम था लेकिन हाँ फिनिश होने का टाइम जब तक आप चैप्टर और क्वेश्चन के ऊपर जब तक आपका कॉन्फिडेंस आके नहीं बोलता कि यस सर हो जाएगा कॉन्फिडेंस से तब तक हम लोग क्लास लेके चलेंगे अरे अपनी रात है अपनी शाम है अब शाम अपनी है यही पांच बजे हमें सारा सारा इंजॉय करना है ठीक है यस सर नाइट स्टडी आपके पास डेली एक चैप्टर करना है इसके बाद अगले दिन इसके डीपीपी आ जाएगी 40-50 क्वेश्चंस का सेट आ जाएगा उसको टेस्ट के फॉर्म में कर लीजिएगा ओके okay, तो चलो आज एक चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर फिनिश भी करना है तो आज का टारगेट बहुत सिंपल सा है ठीक है आज का चैप्टर बहुत सिंपल सा है मूल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो अब हमारे साथ शुरू करते हैं यस yes, सर जीरो से हीरो बनने की कहानी इसी बैच से शुरू होगी जीरो से हीरो बनने की कहानी इसी बैच से शुरू करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं अब अपनी कहानी मैं स्टार्ट करने वाला हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया की सबसे नाइन्थ क्लास में जब आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था वहां से स्टार्ट करने वाला हूं वहां से चीजें दिखाने वाला हूं कि सर सबसे पहले चीजें केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं कि सर किसी भी चीज को बार बार हम बार बार बोलेंगे सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है मैटर मैटर क्या होता है क्लास नाइन्थ से बेटा इससे बेसिक से नीचे नहीं जा सकते आज देख इतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक तक देख कहां कहां पहुंचेंगे सर मैटर मैटर से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास में जो पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैटर होता क्या है सर जिसके पास क्या हो अपने पास सर जो क्या करे जिसके पास मास हो और जिसके पास क्या हो रहा हो वॉल्यूम हो रहा हो मतलब सर जो ऑक्यूपाई स्पेस अब पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑब्वियस है चैप्टर आपके पास पूरा चैप्टर पाँच से चार घंटे में ख़त्म करना है चार से पाँच घंटे में तो इसलिए हम ऐसे काम चलाएंगे जिसके पास मास हो जिसके पास वॉल्यूम हो उसी को क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं और मैटर को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग केमिकली तो मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक को बोलते हैं मिक्सचर्स एक को बोल देते हैं हम लोग मिक्सचर्स और एक को बोल देते हैं हम लोग प्योर सब्स्टांसेज एक को बोल देते हैं मिक्सचर्स और एक को बोल देते हैं प्योर सब्सटांसेज सर देखो सर नाइन्थ क्लास में जो आपने पढ़ा था ना क्लास में जो पढ़ा था वहां से स्टार्ट किया मैंने कि सर नाइन्थ क्लास में आपने जो मिक्सचर्स पढ़ा है जो मैटर को दो पार्ट में तोड़ा है वो मिक्सचर्स के फॉर्म में और प्योर सब्सटांज के फॉर्म में सर प्योर सब्सटांसेज जो होंगे प्योर सब्सटांसेज जो होंगे वो दो पार्ट में टूट जाते हैं एक होता है एलिमेंट्स के फॉर्म में एक होता है एलिमेंट्स के फॉर्म में और एक हो जाते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में एलिमेंट्स के फॉर्म में और एक हो जाते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में सर मिक्सचर्स में बात करें तो ये दो पार्ट में टूट जाता है ये अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है और एक अपने पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो उसके बारे में बात करने वाला हूं सबसे बेसिक सी क्लास सबसे बेसिक सी चीज सर इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको उम्मीद ऐप आप में आपको मिल जाएगा डोंट वरी ठीक है आपको उम्मीद ऐप आप में सब कुछ मिल जाएगा पीडब्ल्यू के ऐप में जाइए उम्मीद बैच को बाई कीजिए वहां नोट्स मिल जाएंगे लिखने की टेंशन मत लो पहले बता रहा हूं ये सारे नोट्स मिलने वाले सारे नोट्स मिलने वाले ठीक है सारे नोट्स मिलेंगे लिखने की टेंशन मत लो बस समझने की कोशिश करो होमोजीनियस का मतलब क्या था सर यूनिफॉर्म ये होमोजिनियस का मतलब क्या रहता है कि सर जो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द थ्रू आउट द मिक्सचर सर सब कुछ शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ यूनिफॉर्म रहे आपका यूनिफॉर्म रहे उसी को क्या बोल देते हैं होमोजिनियस हेट्रोजीनियस मतलब क्या रहे नॉन यूनिफॉर्म रहे नॉन यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द मिक्सचर इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस थ्रू आउट मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म रहता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब आते हैं बात करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये भाई नाइन्थ में पढ़ी थी ये चीजें हमें नाइन्थ में ही जाननी थी आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर मिक्सचर्स में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ठीक है जो यूनिफॉर्म रहेगा वो करने वाले सर प्योर सब्सटांसेज में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इसको भी बेसिक में तोड़ना शुरू करें इसको भी बेसिक में तोड़ना शुरू करें तो यहां पे बेसिक जब तोड़ना शुरू करेंगे अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को तो हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं और वो क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबसे बेसिक सी चीज़ जहां से ये चैप्टर अब शुरू होने वाला है बेटा अब सर बहुत सारे लोग ठीक है अब यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है बहुत अच्छे लेवल पे तो प्लीज़ ट्राई करना कनेक्ट करने की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत बेसिक सी चीज़ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या

सबसे ये ये कर सकता है individually exist करता है है करता क्या क्या होता है? क्या होते हैं ध्यान से देखना क्या क्या होते होते हैं 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 किसको बोलते है? sir, है? what, atom. एक से ज्यादा एटम को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं मॉलिक्यूल्स बोलना शुरू कर देते हैं एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस देख लो एटम सर अकेला कुछ ऐसा लिए?

एटम क्या है अकेला बंदा मॉलिक्यूल क्या है सर एक से ज्यादा एटम्स उसको क्या बोल देंगे मॉलिक्यूल अब यहां पे कहानी सुनना क्योंकि अब यहां से मैं तोड़ना शुरू करता हूं और यहां से एटम्स को देखना शुरू करेंगे प्लीज देखना अपने पास क्या बोला जाएगा अगर एस टू एसओ फोर दिया है H2SO4 दिया है तो H2SO4 में सर कौन कौन से लोगों के एटम्स हैं ध्यान से देखना एक मॉलिक्यूल अगर मैं H2SO4 के बारे में बात करूंगा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इसके पास कितने हाइड्रोजन के एटम्स एटम्स होंगे सर टू ऑफ हाइड्रोजन होगा सर दो एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा वन एटम ऑफ सल्फर होगा और चार एटम होंगे किसके सर चार एटम होंगे किसके ऑक्सीजन के यही होने वाला है सर यही होने वाला है एक एच को तोड़ के

अगर मैं बोलना शुरू करता हूं अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि अगर मैं ऐसा बोल दूं H2O है H2O में एक मॉलिक्यूल लेते हो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 लेते हो H2O लेते हो तो इसके पास एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स होंगे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा और वन एटम ऑफ क्या होने वाला है ऑक्सीजन होने वाला है अगर आप किसी मॉलिक्यूल को देख के ये सोच सकते हो मेरा काम यहीं से शुरू हो जाएगा यहीं से शुरू हो जाएगा मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होने वाला है मॉलिक्यूल भी दो टाइप का होने वाला है एक होमोलिक्यूल को कहते हैं हम लोग होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूलोएमिक मॉलिक्यूल होमो 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 सर होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है होमोएटोमिक मतलब सेम टाइप के एटम्स सेम टाइप ऑफ एटम्स उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर जैसे फॉर एग्जाम्पल ओजोन है ओजो ओजोन है सर ओजोन है एसेट है पी फोर है ये सब क्या है होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक मतलब जहां डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो जाए मतलब अलग अलग लोगों के एटम्स हो जाए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो जाए उसको हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे जैसे सी टू है एसओ so टू है सर ये सब कुछ क्या कहलाएगा हेट्रोटोमिक्ट्रोटोमिक सेम टाइप के एटम्स नहीं होते डिफरेंट टाइप के एटम्स हो जाएंगे और एक और वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे एटोमिसिटी एटोमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एटोमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल बेटा ये सब कुछ अभी यूज़ करूंगा ध्यान रखना जो लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ सर इतना बेसिक भैया यही सब क्वेश्चन में जब एक बार आएगा तो वहाँ परेशान हो जाओगे सर एटोमिसिटी में एटोमिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा एटोमिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स एटोमिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स इन मॉलिक्यूल इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग एटोमी देख भाई सबसे बेसिक से चल रहे सबसे बेसिक से चीज़ चल रहे सबसे बेसिक से चीज़ चल रहे हैं ठीक है सर ये देख लो सबसे बेसिक चीज़ आइटम क्या है

जाता है दूसरी बात आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि सर अगर किसी एटम के बारे में बात करें तो सर एटम एटम इज कैरेक्टराइज बाई एटम को हम जब भी कैरेक्टराइज करते हैं एटम को कैरेक्टराइज करने चलते हैं तो तीन चीजों से करते हैं पहला उसका सिंबल होता है पहला उसका क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा फर्स्ट वन उसका क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा दूसरा क्या कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर दूसरा क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर एंड तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास थर्ड वन क्या होने वाला है थर्ड वन क्या होने वाला है मास नंबर थर्ड वन क्या होने वाला है मास नंबर किसी भी एटम को कैरेक्टराइज गर करना है किसी भी एटम को अगर कैरेक्टराइज़ करना है किसी एटम के बारे में कुछ जानना है किसी एटम के बारे में कुछ जानना है तो सर क्या होगा उसके तीन चीजों को हमें पढ़ना होता है उसकी तीन चीजों को पढ़ना होता है एक तो उसका सिंबल दूसरा एटॉमिक नंबर तीसरा मास नंबर सिंबल हर एक एलिमेंट का सिंबल हर एक एलिमेंट का सिंबल हर एक एलिमेंट का ठीक है सिंबल हर एक एलिमेंट का क्या होता है फिक्स्ड हो जाता है आप सबसे पीरियड टेबल बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप सबको पता है लेकिन 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 एटॉमिक नंबर और मास नंबर थोड़ा यहाँ रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर व्हाट इज मास नंबर एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से पक्का तो सर एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर के बारे में बात करोगे तो एटॉमिक नंबर ये किसके बारे में बात करता है एटॉमिक नंबर है पहली बात नंबर है ये किसको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक एटम के न्यूक्लियस में कितने एट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके बारे में क्या बत्ता? बात करेगा एटॉमिक नंबर पक्का एटॉमिक नंबर इज नथिंग एटॉमिक नंबर के बारे में बात करोगे तो वो क्या होने वाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आ जाओ आ जाओ अरे बच्चों आ जाओ एक सरप्राइज अपने पास एक उम्मीद में एक सरप्राइज है ये रहे हमारे साथ ठीक है आज सर का बर्थडे है सबको हमारी थ, सर को सब लोग बर्थडे का सेलिब्रेशन लाइव क्लास में करते हैं ठीक है हैप्पी बर्थडे हमारे साथ हमारे साथ मनोज वैष्णव सर हैं ठीक है, है. योगेश जैन सर आज यहाँ पे एक नई उम्मीद की शुरुआत हो रही है बच्चों को थैंक यू ठीक है सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार के लिए केक सर, केक सर, सर, केक सर, केक सर, केक अरे क्या बात है यार मैं हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday, dear Pankaj sir. Thank you. Thank you, thank you. अरे. Thank you, sir. Thank you, sir. बच्चों का आज जन... आज बच्चों की नई शुरुआत हो रही है आपके बर्थडे के दिन थोड़ा सा सर बस मैं तो भाई यही कहना चाहता हूँ एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ाई करो जोरदार तरीके से और क्या आप चालू हो गए आप लोगों के लिए सब किया जा रहा है और बस ये ध्यान रखो जितनी भी अभी इस समय मेहनत आप कर लोगे ये आपको बहुत याद रहेगी ठीक है तो एकदम जोरदार लग जाओ और दिन रात एक कर दो जमीन आसमान एक कर दो फाड़ दो एकदम पेपर को ठीक है <laughs> मजा आ जाए एकदम ठीक है मिलते हैं बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन में थैंक यू चलो भाई देखो तुम्हारे बैच को लेके कितनी एक्साइटमेंट है सर को मौका मिला केक काटने का तो सर ने बोला नहीं हम अपने बच्चों के साथ काटेंगे ठीक है तो सबको हाँ चलो भाई हाँ अभी आवाज क्लियर है ठीक है आवाज क्लियर है सबको ना चलो भाई बहुत बढ़िया हाँ हाँ बहुत बढ़िया सही है अरे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टेंशन मत ले यार ठीक है तो वह अभी शुरू हो रहा है ठीक है अभी तो शुरू हुई है कहानी हमारी अभी पंद्रह बीस मिनट हुए नहीं तो अभी से ही टेंशन ले रहा है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है अभी तो स्टार्टर स्टार्ट हुआ है भाई साहब ठीक है हाँ देखो बीच में अपने टीचर्स के बीच में एक्साइटमेंट देखो कितना एक्साइटेड है कि यार ये बच्चे अब करेंगे यार ये बच्चे अगर इस टाइम पे आके पढ़ने की कोशिश कर रहे तो बहुत बड़ी बात होती है ठीक है ना तुम्हारे अंदर जोश है बाकी कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अभी से ही ये सर्च मारे होंगे नीट दो कब होने वाला है ठीक है तुम कम से कम लगे तो हो कि दो में ही करना है कोशिश कर रहे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा ओके चलो मैं बात कर रहा था एटॉमिक नंबर की एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है ये देख ले भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अब देखना अपने पास एटॉमिक नंबर के बाद अपने को मिलता है मास नंबर ये क्या मिलता है मास नंबर और मास नंबर इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे ये क्या बताता है सर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोटॉन्स प्लस क्या बोल देगा न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम सर जो भी होगा ना एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात किया जा रहा है सर एटम को तीन ही लुक डिफाइन करते हैं किसी एटम को तीन ही लुक डिफाइन करते हैं या तो उसका सिंबल या उसका एटॉमिक नंबर या फिर उसका मास नंबर सर अपने पास सिंबल होगा एटॉमिक नंबर होगा, या फिर मास नंबर नंबर होगा। एटॉमिक लिखना नहीं है हाँ, नंबर इसके बारे में यहाँ देखो प्रोटॉन्स को पूछ रहे हैं न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं इलेक्ट्रॉन कहा रहता है बेचारा बाहर किसी एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स यही केमिस्ट्री में पढ़ते भाई प्रोटॉन को इज्जत दी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को इज्जत दे रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये बेचारा इलेक्ट्रॉन को हम लोग छोड़ देते हैं क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन घर का सबसे छोटा बच्चा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है इधर से उधर कूदता रहता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा होता ये देख लो कोई भी एलिमेंट है लिखने का तरीका देखना अगर ये इसका सिंबल है किसी एलिमेंट का अगर सिंबल ऑफ एलिमेंट है तो पता है इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखना है ये हमेशा ऊपर आएगा ये हमेशा नीचे आएगा तुम जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो बस ये ध्यान रखना जो ऊपर लिखा हुआ है सर जो ऊपर लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही क्या होने वाला है जो ऊपर होगा वही अपने पास क्या हो जाएगा सर एटॉमिक ऊपर वाला क्या होगा मास नंबर और नीचे वाला क्या होगा एटॉमिक नंबर पक्का एटॉमिक नंबर और मास नंबर से सर दो चीजें मिल जाती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन्हीं को क्यों लेते हैं इसका रीजन भी पता चल जाएगा एक्चुअली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है मेरे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करूंगा तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से अगर मैं पहले की बात करूं प्रोटोन की सर और दूसरे की बात करूं इलेक्ट्रॉन की तीस की बात करूं न्यूट्रॉन्स की तो फटाफट रिवाइज करते चलते हैं सर ये देख लो सर ये देख लो आज चैप्टर बहुत बेसिक से चल रहा है भाई साहब कोशिश यही करनी है कि आज सीख के आज ही के आज खत्म करेंगे इस चैप्टर को इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं सर ये देखना अपने पास इसका मास लोगे तो इसका मास 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम हो जाता है इसका मास लोगे तो नाइन पॉइंट की पावर माइनस सर के जी में लेना चाहते हो के जी में ले लेते हैं सबको ट्वेंटी सेवन के जी ये थर्टी वन के जी ऐसा ही यूनिट में ले लेते हैं न्यूट्रॉन्स का मास भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही लेते हैं सर ये देख लो अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं चार्ज के बारे में बात करूं तो यहां चार्ज जो होगा यहां पे कितना होगा प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम यहाँ चार्ज की बात करूंगा तो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कुलम और यहां पे चार्ज के बारे में बात करूं तो यहां चार्ज कितना हो जाएगा जीरो यहां चार्ज कितना हो जाएगा जीरो तो so, so, देख लो अपने पास प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन्स हैं सर तीन लोग होते हैं तीन लोग होते हैं अपने पास तीन लोग होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स चार्ज अपने पास प्लस इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव चार्ज अगर बात करना शुरू करूं रिलेटिव चार्ज अगर बात करना शुरू करूं ऐसे लिख देता हूं ये याद रखिएगा अगर रिलेटिव चार्ज बोला जाए तो रिलेटिव चार्ज मतलब सर आगे से इतना बड़े चार्ज को हम लोग क्या करेंगे सर इसको प्लस वन लेंगे इसको कितना ले लेंगे माइनस वन और ये तो जीरो है ही है अगर कोई बोले रिलेटिव मास ले लो तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे इसको हम लोग क्या ले लेते हैं इसका मास वन हो जाता है इसका मास जीरो हो जाता है इसका मास वन हो जाता है ये मेरे पास ये मेरे पास एक पूरा टेबल बन जाता है किसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अब इसको मैं यूज करने वाला हूं बार 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 यूज करूंगा देखूंगा कैसे कैसे चीजें बन रही हैं किस तरह की चीजें आ रही हैं पक्का सर ये देख लो अपने पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे यहां बात अभी नहीं करेंगे तो मेरे पास तीन चीजें आ गई किसी भी किसी भी एटम के अंदर जाते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है मास नंबर होता है और सर आपको बता दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके इक्वल होते हैं तो सर नंबर ऑफ प्रोटोन की इक्वल होता है लेकिन इसकी एक कंडीशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इक्वल होता है लेकिन इसकी एक कंडीशन है लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि न्यूट्रल एटम होना चाहिए फॉर न्यूट्रल एटम या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए आइसोलेटेड एटम या फिर उसके ऊपर सर क्या होता है अनचार्ज एटम होना चाहिए उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक दूसरे का जस्ट अपोजिट अगर न्यूट्रल एटम है अगर न्यूट्रल एटम है तो उस केस में न्यूट्रल एटम या आइसोलेटेड एटम के केस में देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटोन के। लेकिन सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लक्चुएट करते हैं क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है ये फ्लक्चुएट करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस हो सकता है प्लस हो सकता है प्लस हो सकता है चार्ज के प्लस हो सकता है चार्ज के, है, चार्ज के कब सर फॉर फॉर For anions. Anions के केस में क्या हो जाएगा सर एनायंस केस में हम लोग चार्ज ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है माइनस चार्ज कर देंगे माइनस चार्ज कर देंगे फॉर कैटाय सर आप सोचो अभी तक जितना पढ़ा अभी दस पंद्रह तो जो भी पढ़ा जिनको लगता हो कि भैया ये चीज बहुत ही बेसिक सा है इसके लिए बता रहा हूं 2020 का क्वेश्चन जाके देखो तो 2020 का क्वेश्चन जाके देखो डायरेक्ट डायरेक्ट जो अभी पढ़ा ना उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया है एक चीज और बोला गया है एक चीज और सर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं चाहे एटोमिक नंबर हो चाहे मास नंबर हो दे आर ऑलवेज क्वांटाइज ऑलवेज क्वांटाइज दे आर ऑलवेज ऑलवेज इन होल नंबर कभी भी एटोमिक नंबर नंबर कभी भी अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा हाफ नहीं आएगा सर कभी आधा अधूरा नहीं आने वाला है याद रखना काम की चीज देखो अपने पास नोट करके देखो एक चीज लिख रहा हूं नोट करके एक चीज लिख रहा हूं कि सर नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैन नेबर बी कैन नेबर बी सर कैन नेबर भी निगेटिव सर ये क्या हो जाए सर नेबर नेबर भी निगेटिव और फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता पक्का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख लो अपने पास दूसरा एटॉमिक नंबर और मास नंबर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ये भी हमेशा क्या हो सकते हैं ऑलवेज आर ऑलवेज अगर इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये भी क्या होते हैं आर ऑलवेज एन होल नंबर कभी भी ये कभी भी भी ये नहीं आने वाले कभी भी क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर कभी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता आप कभी ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई मैं आधा एग्जिस्ट कर रहा हूं नहीं इलेक्ट्रॉन किसी घर का सेम्बर है एटम के घर में जाते उसके घर में तीन लोग मिलते हैं इलेक्ट्रॉन मिलता है प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं तो वो कभी आधा अधूरा नहीं हो सकता तुम कभी ये नहीं बोल सकते घर पर कि सर छोटा भाई ये अभी सर पांचवीं क्लास में पढ़ रहा है मैं सर ट्वेल्थ क्लास में हूँ तो उसको आधा काउंट कर लेते हैं ऐसा नहीं बोलते हम लोग ना हम लोग क्या बोलते हैं कि यार घर में चार लोग हैं तीन लोग हैं कुछ पूछेगा तो तुम ये बोलते हो ना ऐसे थोड़ा ना बोलते सर भाई बहुत छोटा है पतला दुबला है तो उसको सर काउंट कर लो ऐसा नहीं होता है पक्का वैसे ही इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम हो जाता है आपको देखो तो यहां नोट कर करके कुछ पॉइंट बता रहा हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन पक्का मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाता है सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हालत ये होती है कि सर ये मास ऑफ प्रोटॉन के सर 1837 टाइम्स के आसपास पहुंच जाता है 1837 टाइम्स के आसपास पहुंच जाता है पक्का सर ये देख लो अपने पास अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करूं तो चार्ज क्या होगा सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होते हैं इक्वल लेकिन अपोजिट होंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज काम का है इलेक्ट्रॉन का चार्ज काम का है मास उसका क्या है एकदम ही बेकार इलेक्ट्रॉन का मास लेते ही नहीं है अगर किसी एटम का मास लेने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ देख लेना अपने पास ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ मास ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एन एटम ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एन एटम वो क्या हो जाता है वी नेगलेक्ट वी नेगलेक्ट द वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से सर अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई नोट्स नहीं बनाने बार बार सुन लो नोट्स नहीं करना है क्यों क्योंकि नोट्स ये सारा कुछ पी आपको मिल जाएगा अब आपके पास लिखने का टाइम नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आप सीखो और यहीं पे ही पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो यही यही पे क्वेश्चंस करो करो प्रैक्टिस करने की कोशिश ठीक है है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों आता है? बताता हूं। देखो अगर किसने बोला कि सर किसी का, कोई आटम, कोई आटम है, तो अगर मुझे कि सर मास ओफ, देखो अब एक -एक चीज, कैसे निकालूंगा मान लो एक सिंपल चीज कर लेते हैं सिंपल चीज कर लेते हैं कार्बन ले लेते हैं सबसे आज के रेफरेंस में यही होता है कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे सर प्रोटॉन कितने होंगे उसका एटॉमिक नंबर कितना है सिक्स सर प्रोटॉन कितने होंगे सिक्स न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों क्या हो गए सिक्स अगर किसने बोला कि सर मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकाल दो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व निकालो कितना हो जाएगा सर सर मास ड्यू टू मास ड्यू टू सर मास ड्यू टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सर मास ऑफ वन एटम सर मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर एक बात बताओ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन ये टर्म हम लोग क्या कर दें नेग्लिजिबल कर दें ये टर्म हम लोग क्या करते हैं नेग्लिजिबल मान लेने को ले सकते हो लेकिन इसकी वैल्यू का, काफी कम आती है टेन की पावर कितनी हो जाती है माइनस थर्टी वन माइनस थर्टी वन क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल तो इसको क्या हो जाएंगे हमेशा हटा देंगे और ये देखना अपने पास सर एक बात बताओ मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाता है क्या तो सर इसको कॉमन ले लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स याद रखना एक लाइन लिखना चाहता हूं मैं मास ऑफ किसी भी एटम का मास निकालना चाहते हो एक एटम का मास निकालना चाहते हो किसी एलिमेंट का तो पता है क्या करना है क्या करना है सर कुछ नहीं ये क्या है सर ये इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मास नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को और इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ प्रोटॉन से या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से ये ध्यान रखना अपने पास सर सीधा सीधा क्वेश्चंस जो होंगे ना सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे आप सीधा सीधा ये यूज करना शुरू करो सर आपको जैसे ही बोला जाए मास ऑफ एक एटम निकालना है वन एटम ऑफ एलिमेंट निकालना है याद रखना याद रखना अपने पास मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अगर एक एटम निकालना है क्या करना है मास नंबर इन टू या एम पक्का तो ये मास ऑफ वन एक आइटम किसी भी एक आइटम का करना है तो ऐसे निकाल दो एक आइटम ऑफ एनी एलिमेंट निकालना है मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन यहीं से एक कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है यहीं से एक चीज डिफाइन होनी शुरू होती है ध्यान से सुनना यहीं से एक चीज डिफाइन होनी शुरू होती है और वो होती है ए यहीं से एक चीज डिफाइन शुरू होती है वो होती है ए ध्यान से सुनना अपने पास एक आइटम का किसी एलिमेंट का मास कितना होगा मास नंबर इंटू एम और एम ध्यान से देखना अपने पास जब भी क्वेश्चन देगा दिया जाएगा सर देख लो किसी को अपने पास लगता हो तो मैं यहाँ पे बार बार ये बता रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैन नेवर बी नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं आ सकता एटॉमिक नंबर मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास क्लोरीन का 35.5 आता है वेट कर बेटा आएंगे उस पार्ट में भी उस बारे में भी याद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लोग क्या मान लेते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर मान लेते हैं पक्का हो जाएगा ठीक है अब देख लो अपने पास यहां पे मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज नथिंग मास नंबर इनटू टू एम पी अपन अब ये बार बार एक चीज आने वाली है जैसे हम लोग यहाँ पे एक चीज डिफाइन करने वाले एंड दैट इज व्हाट वन ए एम यू वन एम यू या इसी को बोलते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट वन एटॉमिक मास यूनिट क्योंकि हर एक एलिमेंट का निकालने जाऊंगा तो एटॉमिक मास यूनिट या फिर अपने पास इसको हम लोग लिख देंगे वन यू भी लिख देते हैं यू मतलब यूनिफाइड मास इसको हम लोग क्या लिख देते हैं यूनिफाइड मास एक्चुअली ये वन ए एम यू कैसे डिफाइन होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लेना इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ डिफाइंड एज वन एम यू कैसे डिफाइन करते हैं वन बाई ट्वेल्थ ऑफ़ वन बाई ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन बाई ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्थ मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व वन ए एमयू का डेफिनेशन देख लो भाई साहब वन एम यू का डेफिनेशन क्या होता है वन बाई ट्वेल्थ ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन वन बाई ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व तो वन एमयू कैसे डिफाइन करोगे वन ए एमयू इज नथिंग वन बाय ट्वेल्व मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व सर कार्बन ट्वेल्व का एक ऐटम उसका मास कितना होगा सर कार्बन ट्वेल्व के एक आइटम का मास कितना होगा कार्बन का मास नंबर कितना दिया हुआ है ट्वेल्व इंटू क्या लिख दूंगा मास ऑफ प्रोटॉन सर ये ट्वेल्व चला गया वन ए एम यू वन एम यू इज नथिंग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस ट्वेंटी सेवन के जी हो जाती है यही हो रहा होता है पक्का ये देख लो अपने पास कार्बन ट्वेल्व ही क्योंकि सर आज के टाइम पे सबसे बेटर स्केल यही होता है कार्बन ट्वेल्व सबसे बेस्ट स्केल होता है पहले हम हाइड्रोजन को लेते थे लेकिन वहां पे मास नंबर फ्रैक्शन में आ जाता था आज के टाइम पे सबसे बेस्ट स्केल जो होता है ऑक्सीजन भी नहीं होता सबसे बेस्ट स्केल कौन सा है कार्बन ट्वेल्व होता है इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं देख लो अपने पास मैंने बोला वन ए कैसे डिफाइन करोगे तो वन ए डिफाइन करने के लिए तुमने सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया कि सर इसको करेंगे इस को करेंगे वन एमयू मतलब ये हो जाएगा और उसके अंदर ये चीजें कर लेंगे वन एमयू कैसे डिफाइन होता है वन एमयू कैसे डिफाइन होता है ये देख लो अपने पास वन एमयू कैसे डिफाइन हो रहा है वो देख लो पक्का सर क्या हो रहा है एक मिनट देखना अपने पास फिर से बात करते वन ए एम यू की वैल्यू वन एम यू की वैल्यू कितनी आ गई मास ऑफ प्रोटॉन के या मास ऑफ न्यूट्रॉन के और ये क्या हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी या फिर वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम हो जाएगा ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और इसी को यूज़ करता रहूँगा मैं पक्का तो ये वन ए एम यू हो गया पक्का सर एक एटम का एक मिनट देख लो अपने पास एक एटम का एक एटम का मास कैसे निकालते हैं मास नंबर इन टू और एम यहां से मैंने क्या डिफाइन कर दिया वन ए अच्छा कोई बोले सर वन ए की डेफिनेशन चेंज कर दे तो चेंज कर देना भाई कोई दिक्कत नहीं वन ए की डेफिनेशन चेंज करना है ये ले भाई वन ए को कल हो होकर कोई बोल दे कि नहीं सर एक काम करता है मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए देख लो अपने पास क्वेश्चन जिन लोग क्वेश्चन का वेट कर रहे थे वन ए एम यू इज डिफाइंड एज अगर वन ए एम यू की वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दी जाए वन बाई सिक्स्थ ऑफ वन बाई सिक्स्थ ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ऐसा लिख दिया जाए तो सर वॉट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ 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 amu क्या होने वाला है क्या होगा खुद से सोच लो क्या हो रहा होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया नहीं ऐसा कर दिया अपने पास अगर मैंने ऐसा कर दिया कि सर amu की बात करना शुरू करूं अगर मैं 1 amu को डिफाइन कर रहा हूं अगर 1 amu को ऐसे डिफाइन किया जाए अगर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1/6 ऑफ मास ऑफ 1/6 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 अगर ऐसा दे दिया जाए मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 अगर ऐसा दे दिया जाए वन बाई सिक्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व सर क्या होने वाला है वन एम की वैल्यू पहली बात बताओ एक आइटम का मास कितना होता है एक आइटम का मास कितना होता है किसी एलिमेंट का एक आइटम का मास कितना होता है मास नंबर इंटू एम पी और एम एन पक्का मास नंबर इंटू एम पी और एम एन तो ये क्या हो जाएगा सर मास नंबर इन क्या हो जाएगा एम पी सर ये कितना हो जाएगा सर अब जो आपकी डेफिनेशन होगी सर ये ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू टाइम्स वन पॉइंट की पावर माइनस ट्वेंटी तो देख लो नई डेफिनेशन के हिसाब से ए एम यू की, की वैल्यू क्या हो जाती है चेंज हो जाती है याद रखना ये सब चीज़ें ना देखो कोई भी पैरामीटर फिक्स नहीं होता है ए एम यू चेंज कर सकता है ए एम यू चेंज कर सकता है नॉर्मल केस में नॉर्मल केस में अपने पास नॉर्मल केस में नॉर्मल केस में क्या होता है ए एम यू की वैल्यू ये होती है नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं ए एम यू को ऐसे डिफाइन करते हैं लेकिन कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है और एक चीज़ और एक चीज और ए जब डिफाइन कर लिया तो हमारे पास दो चीजें और आने वाली हैं ध्यान से देख लेना अपने पास ठीक है ध्यान से देख लेना क्योंकि अब मोल कॉन्सेप्ट किया एटम 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 से स्टार्ट किया आटम से स्टार्ट किया का का मास मास निकालना शुरू एक निकालने जाओगे एक एटम का मास निकालने जाओगे एक्चुअल एक कोई मास बोलेगा तो मास नंबर इन टू या फिर एम करने वाले लेकिन अगर कोई बोले कि सर एम और एम क्यों लिखे जैसे देखना अपने पास अब मेरे पास दो चीजें आ गई जैसे मुझसे किसने बोला ऑक्सीजन है एट और सिक्सटीन दिया हुआ है एट और सिक्सटीन दिया हुआ है तो सर कोई बोले कि सर एक्चुअल एटॉमिक मास बताओ एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ध्यान से देखना वन एटम ऑफ ऑक्सीजन किसने बोला सर एक एटम ऑक्सीजन का एक्चुअल मास बताओ एक बात बताना ऑक्सीजन का मास किसके कारण होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कारण होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो होगा ही नहीं इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कारण होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो होगा ही नहीं तो कितना होगा 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर क्या हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 16 इंटू यह क्या लिखूंगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के ये बार बार इतना बड़ा वर्ड ना लिख के मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिक्सटीन ए भी तो लिख सकता हूँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ सिक्सटीन ए भी तो लिख सकता हूँ इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार ये कौन लिखेगा मैं क्या लिख सकता हूँ ए

सर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 पॉइंट ये वैल्यू फिक्स रखनी है 1.66 पॉइंट रखनी है आप उसके हिसाब से कर लेते हो ठीक है आप उसके हिसाब से कर लेते हो मुझे किसने बोला सर अगर देखना आप अब देखो ध्यान से अगर कोई एटम मिल जाता है अगर कोई एटम अब मिलता है मुझे अगर कोई एटम अब मिलता है तो मैं क्या करने वाला हूँ एक मिनट देखना अगर मुझे कोई एटम मिल गया मान लो ये है कार्बन सिक्स और ट्वेल्व है सर देखना ध्यान से सर इसके नंबर ऑफ चलो कुछ और निकालते हैं अगर कैल्सियम ही है ट्वेंटी और कितना है फोर्टी दो तीन चीजें निकाल देते हैं सर इसका प्रोटोन कितना होगा डायरेक्ट बताओ कितना होगा प्रोटॉन कितना होगा ट्वेंटी पक्का ट्वेंटी सर इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर कोई चार्ज नहीं तो ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स कितना होगा अगेन कोई चार्ज नहीं सर न्यूट्रॉन्स कितना होगा ऊपर माइनस नीचे कर दो फोर्टी माइनस ट्वेंटी कितना हो गया आपने पास ट्वेंटी हो गया

एक आइटम का मास कितना होगा ठीक है फटाफट बताओ क्या होगा सर कितने होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं चालीस हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ प्रोटॉन से या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो काउंट ही नहीं करना ना इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट अब सर इसको या तो तुम ऐसे लिखो अब या तो भाई पूरी मेहनत करो कि अरे सर ये देखिए ये मैं ऐसे लिखूंगा या फिर तुम क्या कर सकते हो इसको डायरेक्ट भी डायरेक्ट क्या लिख दोगे फोर्टी क्या लिख दोगे 40 एम कोई बोले सर आपने तो डेफिनेशन चेंज करी थी अरे भाई जब तक क्वेश्चन में बोल नहीं रहा तब तक डेफिनेशन वही रखनी है किसी भी के बारे में पूछेगा तो आप उसका एक ऐटम का मास बताओगे बताओगे 40 40 एक एक का का मास बताओगे? 40 एक का मास पक्का कितना बताओगे फोर्टी एमयू तो ये आ गया अपने पास किसी एटम को देखा एटम के अंदर हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया एटम स्टार्ट किया एटम के बाद क्या देखना शुरू किया सब एटोमिक पार्टिकल्स देखे मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है से मिलके बना होता है अब देखो कहानी जो लोग बोल रहे थे ना कि अरे सर क्या हो रहा है कितना बेसिक सा। अब कहानी को रिलेट करो बेटा इसीलिए बोलते हैं इसी को वन शॉर्ट लेक्चर बोलते हैं कहानी सोचो कहां शुरू हुई मैटर शुरू हुई थी मैटर से कहा आए थे एलिमेंट कंपाउंड पे आए थे एलिमेंट कंपाउंड से आए एटम मॉलिक्यूल्स में एटम से कहां आए इलेक्ट्रॉन पे आए प्रोटॉन पे आए न्यूट्रॉन्स पे आए फिर किसका मास देखना शुरू किया मास देखना शुरू किया सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स का सर इलेक्ट्रॉन के मास की जरूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रॉन के मास की जरूरत हमें नहीं पड़ती है अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमें देखना अब मेरे पास क्या आने वाला है एक्चुअल एटॉमिक मास ये आ गया एक्चुअल एटॉमिक मास आ गया अब यहाँ पे देख लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स काउंट करना शुरू कर दिया एक्चुअल

आइसोटोप्स क्या होते तो सर कुछ नहीं आइसोटोप्स क्या होते जिनका सेम एटॉमिक नंबर रहे सेम सॉरी सेम अपने पास क्या रहे एटॉमिक नंबर रहे सेम एटॉमिक नंबर रहे बट डिफरेंट क्या रहने वाला है डिफरेंट क्या रहने वाला है मास नंबर सर आइसोटोप्स हम सबको पता होता है लेकिन ये जरूरी नहीं सर देख लो ध्यान से यही था आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप्स में देखोगे तो आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो आइसोटोप्स को मैं लिखना चाहूँ और आज से ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब इनके अंदर प्रोटॉन्स क्या होगा सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे सर देख लो अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे कैसे डेफिनेशंस मिलेंगी ध्यान से देख लीजिए आइसोटोप्स को आप सब लोग जानते हो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में पक्का अच्छा सर ये देखना अपने पास आइसोटोप्स में जैसे ये दिया सर अपने पास ये देख लो हाइड्रोजन है सर इसका ये वाला इसोटोप क्या कहलाता है प्रोटियम कहलाता है सर ये वाला आइसोटोप प्रोटियम कहलाता है ये वाला आइसोटोप क्या कहलाता है ड्यूट्रियम कहलाता है और ये वाला आइसोटोप क्या कहलाता है ट्रिटियम कहलाता है अभी आप सब लोग पढ़ोगे अभी ऑर्गेनिक में भी तो यहां पे टी से डिनोट करेंगे इसको डी दी से डिनोट करेंगे और इसको एच से डिनोट करेंगे सर इसके नंबर ऑफ प्रोटोन्स निकालोगे वन इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन इसके भी नंबर ऑफ प्रोटोन वन सर सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा वन क्यों क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा वन लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालने जाए याद रखना दुनिया का

देख लो सर ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये हाइड्रोजन है के आइसोटोप्स हैं आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे हाइड्रोजन सर ये देख लो अपने पास क्या होने वाला है सर डीप्रोटियम प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम में देख लो प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बिना किसी न्यूट्रॉन के एग्जिस्ट कर जाता है इन सब में डिफरेंट क्या है सर प्रोटॉन सेम है प्रोटॉन सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब किसने पूछ दिया कि सर हाइड्रोजन का मास किसको लेंगे हाइड्रोजन का मास लेंगे हाइड्रोजन का मास कैसे हमेशा होल नंबर आने वाला है कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा लेकिन जहां पर ऐसी लड़ाई होनी शुरू हो गई कि सर इसका मास कितना बोल रहा है एक इसका मास क्या बोल रहा है दो इसका मास कितना बोल रहा है तीन जहां ऐसी लड़ाई होनी शुरू हो गई आइसोटोप्स में उस केस में हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे वहां पे हम लोग क्या बोलना शुरू करेंगे के लिए? वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं एंड दैट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ध्यान से देख ले एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप या एलिमेंट आइसोटोप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट जिसके पास क्या होगा अपने पास आइसोटोप्स होंगे एन एलिमेंट हैविंग आइसोटोप्स इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना शुरू करते हैं और इसके लिए सिंपल सी चीज फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला लगता है भाई साहब देख लो बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हो इस चैप्टर का कोई मोरल वो नहीं है कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ आ रहा होगा क्या एवरेज आइसोटोप एटॉमिक मास कैसे निकालोगे किसी का तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं समेशन इसको बोलते हैं समेशन समेशन कहा से कहा तक, तो सर देख लीजिए आपका जो भी एटॉमिक मास है आपका जो भी एटॉमिक मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज एबंडेंस से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज एबंडेंस से और आपके हो सकते हैं बहुत सारे हो कितने आइसोटोप्स हो आपके एन आइसोटोप्स हो और सबको किससे डिवाइड कर दीजिएगा हंड्रेड से ध्यान से देख लो एवरेज एटॉमिक मास जब निकालते एवरेज एटॉमिक मास जब निकाल रहे होते तो उस केस में हम लोग क्या करते उस केस में हम लोग क्या करते उस केस में हम लोग क्या करते हैं ये देख लो क्या करने वाले एवरेज एटॉमिक मास जब भी किसी एलिमेंट का निकालते हैं आइसोटोप्स का निकालते हैं तो कुछ नहीं जैसे ये देखना अपने पास मान लो कोई एक्स एलिमेंट है एक्स के तीन आइसोटोप्स हैं ध्यान से देखना अपने पास एक्स के तीन आइसोटोप्स हैं एक्स ट्वेंटी है एक्स ट्वेंटी फाइव है और एक्स कितना है थर्टी है सर इसका मास ट्वेंटी एक्स का एक आइसोटोप इसका मास थर्टी मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है एक्स का एटॉमिक एक नंबर से मुझे कुछ लेना देना नहीं इसका कुछ लेना देना नहीं लेकिन सर एक ध्यान रखना अपने पास अगर यहाँ परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है अगर परसेंटेज एवेंडेंस दिया हुआ है कि सर इसकी परसेंटेज एवेंडेंस कितनी है थर्टी परसेंट है इसकी परसेंटेज एवेंडेंस कितनी है थर्टी परसेंट है तो इसकी कितनी हो जाएगी अगर दुनिया में ये सर एक्स तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी इन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो सर इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास ट्वेंटी थर्टी थर्टी अपने पास इसका कितना आ जाएगा फोर्टी परसेंट और इसके लिए मैं परसेंटेज एवं जैसे ही मिला अब मैं क्या निकाल सकता हूँ एवरेज एटोमिक मास एवरेज एटोमिक मास जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे आम लिख देते एवरेज एटोमिक मास ऑफ एवरेज एटोमिक मास ऑफ एक्स निकालना है तो कैसे आएगा कुछ नहीं सर इसका मास 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 कितना कितना है 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 आइसोटोपिक 20 ठीक पे एटॉमिक मास ना लिख के किसी को लगता है तो मैं यहां लिख देता हूं आइसोटोपिक मास भी लिख देता हूं किसी को लगे सर आप एटॉमिक मास बोल रहे थे आइसोटोपिक मास 20 उसका मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से इसका मास इसके अबंडेंस से प्लस समेशन का मतलब क्या होता है ऐसे सबके लिए करते चले जाओ 25 को किससे कर दो 30 से और 30 को किससे कर दो सर 30 को किससे कर दो 40 से डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 सर ये क्या हो गया 600 ये कितना हो गया 750 और ये कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 2550 फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड सर आंसर निकालेंगे ट्वेंटी आ जाएगा टॉमिक मास कितना आ जाएगा ट्वेंटी सर किसने बोला फोर्टी परसेंट कैसे आ जाएगा एक बात बता अगर दुनिया में तीन ही फॉर्म में तुम एग्जिस्ट कर सकते हो तुम्हारा ये एक फॉर्म तीस परसेंट है दूसरा फॉर्म तीस परसेंट है तो बाकी बचा हुआ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना और बाकी बचा हुआ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा ट्वेंटी फाइव का ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी इंटू थर्टी ट्वेंटी थर्टी इंटू फोर्टी पक्का हो जाएगा सर पक्का हो जाएगा तो ये देख लो अपने पास कैसे निकाल रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास किसी एटम के अभी मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया भाई साहब अभी तो मूल कॉन्सेप्ट बाकी है अभी तो सिर्फ एटम एटम पढ़ रहे कि एटम क्या क्या होता है एटम के अंदर क्या होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन्स है एटॉमिक नंबर है मास नंबर है सर उसके बाद अगर आपका एटॉमिक नंबर मास नंबर में एटॉमिक नंबर आस नंबर में अगर सर कहीं फ्रैक्शन में दिख रहा है तो उस केस में फ्रैक्शन क्यों आता है देख लो इसका मास नंबर क्या है

फ्रैक्शन में मास नंबर तभी आ सकता है जब वो क्या कैलकुलेट किया जा रहा है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जा रहा है एवरेज एटॉमिक मास किया जा रहा है पक्का तभी हो सकता है फ्रैक्शन में एवरेज एटॉमिक मास ही हो सकता है कभी भी आपको एटॉमिक मास आइसोटोप्स आइसो बार्थ में आइसोटोप्स में ही एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है कोई बोल रहा है आइसो बार में क्यों नहीं किया जाता अरे भाई आइसो बार में तो मास इक्वल होता है ना यार तुम्हें तो अब तीन चीजें बता ही देता हूं आइसोटोप्स अब ये सब ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये देख लो बस थोड़ा फास्ट लिख लेते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सर आइसोबार्स में बात करेंगे ये सब चीजें अभी फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएंगी आइसोबार से बात करेंगे तो इसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स मतलब सर मास नंबर क्या होगा सेम सेम नंबर ऑफ क्या हो जाता है इसका मास नंबर क्या हो जाता है सेम हो जाएगा मास नंबर क्या हो जाएगा सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक तो सर इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है जैसे देखोगे सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिय जैसे ये लिखा हुआ है कि सर नाइट्रोजन है सेवन और फोरटीन है कार्बन है सिक्स और फोर्टीन है ये लोग क्या हो जाते हैं आइसो हो जाते हैं ये लोग क्या हो जाते हैं आइसो हो सकते हैं सर आइसो के बाद हमारे हमारी लाइफ में आता है एक आइसोटोन्स आइसोटोन्स क्या बताता है ये क्या बताता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देता है ये क्या होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ सेम नंबर ऑफ क्या बताएगा न्यूट्रॉन्स बताएगा अगर आपके न्यूट्रॉन्स सेम है तो उसको क्या बोलेंगे आइसोटोन्स अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होगा सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करूं क्वेश्चंस आते हैं सर सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया जाएगा सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया जाएगा और एक आइसो स्टर्स होते हैं आइसो स्टर्स क्या होते हैं जहाँ पे एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज एज़ वेल एज़ सेम नंबर ऑफ़ एटम्स इन सबको हम लोग एक एक नाम दे देते हैं सेम नंबर ऑफ़ एटम्स तो ये देख लो अपने पास सर अपने को मूल कॉन्सेप्ट में एटम्स के बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर रहे बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर रहे ठीक है कि भैया एटम के अंदर क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन्स होता है और इसके बारे में कहानी कर रहे आपको जो लगता है सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा भाई रुक जा थोड़ा सा वेट कर अभी तो शुरू किया एक घंटा हुआ है अभी क्वेश्चन जब आएंगे तो खुद ही क्वेश्चन देखना हो तो क्वेश्चन तो भाई भरे पड़े क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं लेकिन हाँ उस तक पहुंचने से पहले बेसिक कहानी कर लेते हैं ताकि उसके बाद जब क्वेश्चन कर लेंगे ना तो उसके बाद ब्रेक लेंगे अभी नहीं क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद सात बजे करीब ब्रेक लेंगे अभी एक घंटा भी और पढ़ेंगे उसके बाद जब क्वेश्चंस हो जाए मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होने शुरू मैंने क्या बोला आपको दो चीजें बता दी कोई एलिमेंट है कोई आइटम है तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर मास नंबर ये सब बातें कर ली अब आते हैं कि सर मूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है मूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है या उससे पहले की बात ये मूल वर्ड आया कहाँ से होगा ये मूल एकाएक सर एक, एक, एक मूल कहाँ से आ गया होगा कैसे आ गया होगा ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं कैसे डिफाइन कैसे होता है आइसोटोप्स आइसोटोन्स आपने ये सब चीज़ें कहानी कर ली हुई है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ से करते अब यहाँ से करते नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपके पास ऑलरेडी पी में मिल जाएगा अगर आप लिखोगे तो फिर आप क्लास का ड्यूरेशन बढ़ चला जाएगा कि मुझे साइड होना पड़ेगा फिर आप लिखना पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूं ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है जो लोग हाँ भाई जो अब टाइम वेस्ट करने हैं उसका क्या ही करेंगे ठीक है छोड़ दो तुम उसके लिए सफाई मत दिया करो यहाँ पे ठीक है

सर अगर आपको बोलता हूं कि मूल है क्या या मूल चीजें होती क्या है सर कोई एक चीज बताना अब एक चीज बताना शुरू करता हूं मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं एक क्वेश्चन करवाता हूं अगर मैं सी टू लेता हूं सीओ टू लेता हूं तो आप इसके अंदर देख लो सी टू लेता हूं तो आपसे कोई पूछ दे कि सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सीओ टू के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे आप निकाल सकते हो क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे कितने प्रोटॉन्स होंगे ये निकाल सकते हो क्या ठीक है परसेंटेज अबंडेंस दी होती है आपके पास परसेंटेज अबंडेंस दी जाती है अभी क्वेश्चन करेंगे ठीक है हाँ क्वेश्चन आएंगे लेकिन प्लीज ट्राई करो अभी थोड़ा सा पहले एक बार वो करते हैं सर क्या होगा कार्बन के अंदर कितने होंगे सीओ टू कैसे मिलके बना होगा सीओ टू एक मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होगा एक एटम कार्बन का होगा सर एक दो एटम किसके होंगे टू एटम्स किसके होंगे ऑक्सीजन के होंगे सर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने जाएं तो कार्बन के अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर एट प्लस एट कितने हो जाएंगे सर कितने हो जाएंगे ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स काउंट करने जाएंगे कार्बन के सिक्स ऑक्सीजन के कितने एट प्लस एट कितने हो जाएंगे ट्वेंटी टू न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये भी

प्लस एट प्लस एट कितने हो गए ट्वेल्व इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो ये कितना हो गया सेवन प्लस सेवन प्लस एट कितने हो गए अपने पास ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए और यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स इसकी अटोमिसिटी कितनी है इसकी अटोमिसिटी कितनी होती है आइसोस्टर्स के एग्जाम्पल इसकी अटोमिसिटी कितनी होगी थ्री और इसकी भी अटोमिसिटी कितनी हो जाती है थ्री यहाँ अटोमिसिटी क्या हो गई सेम तो CO2 टू और एन टू ये क्या हो जाएंगे आइसोस्टर्स पक्का हो जाएगा यहां देखो मैंने ये क्यों करवाया इसका रीजन बताता हूँ लेकिन उससे पहले अब थोड़ा शुरू करता हूँ एटम हो चुका है क्लियर अब हमारा एक घंटा हो गया तो एटम हम लोग फिनिश कर चुके हैं अब आते हैं काम की चीज पे और वो है मेरा मूल कॉन्सेप्ट वो है मेरा मूल कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना अपने पास वो है मेरा मूल कॉन्सेप्ट ठीक है वो है मेरा आइसोडाइफर्स हम लोग जब अल्फा डीके करेंगे तब कर रहे होंगे आइसोडाइफर्स अभी यहां बात करने की लॉजिक नहीं बनता ठीक है आपको आता है अच्छी बात है मोल कॉन्सेप्ट में देखो तो मोल होता क्या है एक्चुअली मोल क्या है मोल क्या है जब हमने स्केल फिक्स किया कार्बन ट्वेल्व का ना हमने बोला क्या दुनिया में दुनिया में हमेशा कार्बन ट्वेल्व के रिस्पेक्ट में बात करेंगे सी ट्वेल्व के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी कोई भी दुनिया का स्केल होगा तो कार्बन के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी एएमयू हमने उसके ऊपर डिफाइन कर दिया अब यहां पे एक बात की गई बोला गया कि सर एक बात बताओ एक बात बताओ ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिंपल सी चीज़ बतानी शुरू की गई मूल का नंबर कहाँ से आता है मूल ओरिजिन कैसे होता है किसने बोला कि सर वन मूल को अगर डिफाइन करने चलते हैं तो वन मूल कैसे डिफाइंड होता है वन मूल इज़ डिफाइंड एज अगर मैं बात करूँ तो वन मूल इज़ डिफाइंड एज क्या लिखा जाता है वन मूल इज़ डिफाइंड एज सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज़ प्रेजेंट इन थोड़ा ध्यान से देख लेना नंबर ऑफ एंटिटीज या पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सर ट्वेल्व ग्राम ऑफ ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व आइटम यही होगा शायद ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व मतलब बारह ग्राम में जितने एटम्स होंगे उसी को क्या बोलेंगे मोल बोलेंगे ये बेसिक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया गया किसने बोला सर नंबर नंबर सबको पता होता है कि आ गया, कितना आ गया कैसे आया देख लो अपने पास सर किसने बोला सर बारह ग्राम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मोल बोलेंगे याद रखना डिफाइन डेफिनेशन चेंज भी हो सकती है कार्बन के अंदर डेफिनेशन चेंज भी हो सकती है इसीलिए ध्यान से सुनना कहानी क्या है सर एक बात बताता हूं अगर आपको देखा जाए तो मास ऑफ वन एटम है जो होगा, C12, ये अपने पास आता है वन पॉइंट नाइन नाइन टू इंटू 10 की पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम आता है कहां से आता है तो ये एक्सपेरिमेंट से आता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट या हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी सर ये लाइट को हम लोग बहुत छोटा सा एक वो चीज़ है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं याद रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये चीज़ ध्यान रखना अपने पास ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एटम का मास कितना होता है इतना देखना मैं एफगैड्रो नंबर डिराइव कर रहा हूँ भाई साहब श्यान से सुन लेना और एफगैड्रो नंबर देख लेना कहीं चेंज ना हो जाए सर ये देखो वन पॉइंट पॉइंट की पावर माइनस ग्राम ऑफ कार्बन हैज कितना लिख दूँ एक आइटम लिख दूँ सर एक आइटम है सर इतने ग्राम में कितना एटम है एक एटम है तो एक के पास कितना हो जाएगा 1.99, 1.99 नाइन 10 टू की पावर कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एटम हो जाएगा अगर मैं एक के बारे में बात करूँ तो एक ग्राम के अंदर बात करूं तो और मुझे मोल किसके कितने ग्राम में डिफाइन करना है ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन में डिफाइन करना है तो सर इसको क्या करूंगा वन पॉइंट नाइन नाइन टू इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू किससे डिवाइड कर दूं? सर ट्वेल्व से 12 अपॉन देख लो अपने पास 1.992 पॉइंट नाइन की पावर माइनस ट्वेंटी इसीलिए अपने पास इसकी वैल्यू जो होती है 6.022 पॉइंट की पावर 23 और यही नंबर जो होता है यही नंबर जो होता है ये एटम्स होंगे और इसी नंबर को आज से हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं

पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसमें बारह ग्राम कार्बन में ध्यान से सुनना बारह ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसी को क्या बोलते हैं सर बारह है? है. है. ग्राम में अपने पास कितना आ रहा है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी सर कार्बन के अलावा एलिमेंट्स लेने में दिक्कत नहीं थी उसके कारण क्या होगा बाकी एलिमेंट्स का स्केल डिफाइन सही से नहीं हो रहा था कार्बन इज द बेस्ट सुटेबल मोस्ट लेके चल रहे ठीक अच्छा। है कैसे ध्यान से देखना अगर मैं बोल देता क्वेश्चन में ऐसा लिख दे बारह ग्राम के बदले अगर मैं बोल देता कि सर बारह ग्राम के बदले चौबीस ग्राम कार्बन लेंगे तो सर एफगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती अगर 12 ग्राम के बदले 24 ग्राम कर देता तो क्या बोल देते सर 24 ग्राम कर देता तो क्या बोलते सर ये डेफिनेशन मैंने नहीं बताई ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है तो ये ध्यान रखना ठीक है प्लीज देख लो अपने पास अगर 12 ग्राम के बदले यहाँ 24 ग्राम करता तो ये डबल हो जाता ये वैल्यू भी क्या हो जाती डबल हो जाती पक्का वैल्यू भी क्या हो जाती डबल हो जाती श्योर sure हो सर देख लो अगर 12 ग्राम के बदले डेफिनेशन में ये मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है भाई साहब ये डेफिनेशन मेरी नहीं है ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड एसआई आई यूनिट के थ्रू डिफाइन की गई है अगर सर 12 ग्राम के बदले वहां 24 ग्राम कर देता है तो एवगैडर नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती आपको ही पता है आज के टाइम पे आप रट लेके आप अभी मैं बोल भी दूंगा एवगैडर नंबर हर एक जगह यूज करूंगा जैसे एएमयू की वैल्यू हर एक जगह वही यूज करने वाला हो लेकिन सर जैसे ही आ गया ना अपने को याद रखना एक चीज और ध्यान रखना एक चीज और ध्यान रखना यहाँ बारह ग्राम कार्बन लिया हुआ है ठीक है अगर एक चीज ध्यान रखना एक सिंपल चीज एफ नंबर का वैल्यू कितना है यार्स 6.022 10 की पावर 23। सर amu एम यू की वैल्यू कितनी आती है amu एम यू की वैल्यू 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी या फिर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एक बात बताऊं एक लाइन याद रखना एफगैड्रो नंबर इंटू ए एम यू नंबर इन ए एम यू हमेशा किसकी इक्वल होता है वन ग्राम की इक्वल होता है एफ गैड्रो नंबर इंटू कर दोगे एफ गैड्रो नंबर इंटू एएम कर दोगे तो ये फिक्स रहता है दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा फिक्स रहेगा वन ग्राम दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा फिक्स रहेगा वन ग्राम चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना एग्जैक्ट आंसर आता है अगर एफगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज होगी अगर एफगैड्रो नंबर की वैल्यू चेंज करी तुमने अगर एफगैड्रो नंबर को तुमने टू किया दो लोगों का अगर मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट है तो सर ए एम यू क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी डिवाइड बाई क्या आ जाएगी टू आ जाएगी ध्यान से सुनना अपने पास ये दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन जिंदगी में याद रखना एफगैड्रो नंबर इंटू ए एम यू की वैल्यू हमेशा वन ग्राम होगी अगर आपने किसने डेफिनेशन चेंज करी मान लो एफगैड्रो नंबर की डेफिनेशन चेंज हुई तो एएमयू खुद को क्या करेगा एडजस्ट कर लेगा खुद को क्या कर लेगा एडजस्ट कर लेगा अगर मैं यहां बोल दूं कि सर यहां पे ना एवगाड्रो नंबर को मैं कितना कर एन एनए बाई फोर कर दूं उस केस में उस केस में सर ये पता है कितना हो जाएगा अगर मैंने एफगैडो नंबर को फोर से डिवाइड कर दिया तो एएमयू की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर एएमयू हो जाएगी ये याद रखना ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या रहती है कॉन्स्टेंट दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या रहती है कॉन्स्टेंट ये ध्यान रखिएगा एफगैड्रो नंबर इंटू एएमयू हमेशा क्या होगा वन ग्राम अब यहां से मूल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है मेरे पास एक चीज आ गई मेरे पास एक चीज आ गई मेरे पास एक चीज आ गई क्या कि सर एवगाड्रो नंबर का डेरिवेशन आ गया ये नंबर हर एक जगह प्रेजेंट होगा केमिस्ट्री में इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं इसीलिए हम लोग यूज करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है एक्चुअली एक नंबर है सेप्ट इज नथिंग अ नंबर जो किसी को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है ध्यान से सुनना अगर कहीं पे कहीं पे मोल आया वन मोल का मतलब कुछ नहीं एक नंबर है ये पावर ट्वेंटी थ्री ये एक प्रीफिक्स है, है, है इसको बार बार कहीं और शॉर्टकट में लिखना हो तो सिक्स इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री सर जिंदगी में जहां भी आएगा सर जिसके सामने आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या कर देगा इतनी कर देगा हो गया ये इतनी वैल्यू कर देगा कैसे सर अगर मैं बोलता हूं कि एक मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल ऑक्सीजन एटम तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब कितने एटम के बारे में बात कर रहा हूं जिंदगी में जहां भी आएगा जिसकी भी आगे आएगा उसकी वैल्यू क्या कर देगा इतनी ज्यादा कर देगा इसकी वैल्यू क्या कर देगा इतनी ज्यादा कर देगा ये देख लो अगर मैं बोलता हूं पांच मोल पांच मोल कार्बन एटम पांच मोल कार्बन एटम इसका मतलब सर एक मोल की वैल्यू कितनी थी एक मोल की वैल्यू इतनी थी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी सर इतनी वैल्यू हो जाएगी सर ये कार्बन के एटम्स ये ऑक्सीजन मोल किसी के आगे आया अगर मैं बोलता हूँ दस मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बोलता हूँ टेन मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोल मतलब कुछ नहीं ये नंबर छुपा हुआ है वो एक्चुअली इतने बड़े नंबर को बार बार ना लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स सर अगर मैं कहीं लिख देता हूं सेवन मोल प्रोटॉन्स सर मोल कहीं भी आएगा सेवन मोल प्रोटॉन्स वो क्या कर रहा होगा सेवन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहा तो देख लो अपने पास ये ऐसे मोल्स का मतलब क्या हो रहा होता है मोल्स का मतलब क्या होता है सर मोल्स का मतलब क्या होता है कि सर कुछ नहीं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन के आगे लगा तो इलेक्ट्रॉन के आगे प्रोटॉन के आगे एटम्स किसी के आगे लगाओ मॉलिक्यूल्स के आगे लगाओ याद रखो कुछ लोग बोल रहे हैं सर येस सर बहुत बढ़िया आप चाहें तो इसको एन ए भी लिख सकते हैं इतना बड़ा ना लिख के आप एन ए भी लिख सकते हैं अगर कहीं वो लिखा हुआ है थ्री मोल H2SO4 अब देखना कहानी में ट्विस्ट क्या आता है 3 मोल ऑफ H2SO4 देखना भाई साहब ये देखो अब क्या लिखने वाला हूं 3 6.022 10 की पावर सर H2SO4 एटम होता है या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अब देखो भाई साहब ये आएगा कहानी में ट्विस्ट और कोई इतना बड़ा ना लिख के कोई ऐसा भी लिख सकता है और इसी के लिए आज हम लोग शुरू से अभी तक ये देख रहे है. अब आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा देखो सर थ्री मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिखने वाले हैं ये लिखने वाले थ्री मोल ऑफ एस टूस को क्या लिखने वाले हैं थ्री एन ए मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं या फिर या फिर किसी को बोलना हो कि सर एक बात बताओ इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं कितने आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे कितने आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा एक मॉलिक्यूल एसटीएस को खोल के देख लो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन बोला जाए एक मॉलिक्यूल को खोल के देखो हाइड्रोजन में कितने आइटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में दो हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे सर कुछ नहीं टू टाइम्स थ्री एन ए सर टू टाइम्स क्या हो जाएगा थ्री एन ए क्योंकि एक मॉलिक्यूल में टू है तो थ्री एन ए में कितने हो जाएंगे टू टाइम्स किसने बोला सर किसी एटम्स को पकड़ लो किसी एटम्स ऑफ सल्फर को ले लो तो ये क्या हो जाएगा वन टाइम्स थ्री एन ए सर किसने बोला कि सर किसी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को ले लो तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा सर फोर टाइम्स थ्री एन ए फोर टाइम्स क्या आ जाएगा थ्री एन ए तो ये सब चीजें हो जाएंगे पक्का हो जाएगा सर श्योर है पक्का तो ये सब चीजें कर सकते हो अब यहां से मोल्स निकालने की कैलकुलेशन आ जाएगी और मोल्स निकालने से पहले एक चीज और मोल अपने पास जिसको रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर इतने एटम्स इतने मॉलिक्यूल्स सर देख लो एटम कर लिया मॉलिक्यूल्स कर लिए एटम मॉलिक्यूल्स के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कर लिया अब अपने पास एक नंबर डिराइव कर लिया हम लोगों ने एफगैड्रो नंबर वो ए एम और एफगैड्रो नंबर अपने पास ये चीज़ें हमने देखनी शुरू कर दी है एफगैड्रो नंबर इंटू ए क्या रहेगा कॉन्स्टेंट एफगैड्रो नंबर को डबल करोगे ए एम अपने आप को हाफ कर लेगा ये सब छोटी छोटी चीजें कर ली कोई मोल दिया हुआ है तो कर चुके। अब हम लोगों के पास देख लो अब हम लोगों के पास देख लो ठीक है अब हम लोगों के पास देखो तो क्या मिलने वाला है सर एटम्स आ गए ये सारी चीजें हो गई अब देखो क्या करते हैं यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं दैट इज व्हाट मोलर मास बोलते हैं मोलर मास या फिर मोलर मास बोल देते हैं या फिर ग्राम मोलर मास बोल देते हैं ग्राम मोलर मास बोल देते हैं ग्राम मोलर मास क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताता हूं जैसे मैंने ये लिखा था ऑक्सीजन एट और सिक्सटीन थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास सर अगर मैं क्या बोलता हूं सर एक्चुअल एटॉमिक मास एक एटम का मास बताना एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई पूछेगा एक एटम ऑक्सीजन का तो कितना होगा सिक्सटीन इन एम यू लिख दू या फिर इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी या फिर 16 इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम लिख सकता हूँ एक्चुअल एटॉमिक मास ये होता है लेकिन अब ध्यान से देखना अगर किसने बोला कि सर मास ऑफ वन मोल एटम का निकाल के दिखाओ तो वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे एक मोल एटम ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे तो कुछ नहीं एक एटम ऑक्सीजन का एक एटम का कितना है 16 पावर माइनस ट्वेंटी फोर ये एक एटम का है ये एक एटम का है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दू एफगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दू एफगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं सर अभी आपको बताया है ए एम यू इंटू एवगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है ए एमयू इन टू एव नंबर किसके इक्वल हो जाता है ग्राम के इक्वल हो जाता है पक्का 16 ग्राम के इक्वल हो जाएगा ये देख लो अपने पास अगर एक मोल आइटम का मास निकालना है तो क्या हो गया सेम सेम सब कुछ सेम सर देख लो आपको कोई भी आइटम लिखा हुआ है ये देखो अपने पास कोई आइटम लिखा हुआ है अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर इसका मास ट्वेल्व ए दिया हुआ है तो ट्वेल्व एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वेल्व ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक आइटम का मास एक आइटम ऑफ कार्बन का मास और यहां पे अगर कोई बोल रहा

ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर के इक्वल होगा और अगर 32 ग्राम लेते हो जैसे ही ग्राम लगाया ये किसके इक्वल होगा मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ सल्फर मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ सल्फर मतलब ग्राम लगाते ही ग्राम लगाते ही क्या हो जाने वाला है ग्राम लगाते ही क्या हो जाने वाला है कि सर एक मोल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं ग्राम मोलर मास मतलब अगर मास के आगे अगर मास के आगे आपने जैसे यूनिट चेंज किया एएमयू से

छोट छोट चीजें देख लो कहीं पे अच्छा आप कोई बोल दे कि मॉलिक्यूल का मास बताइए एक मिनट देखना अगर कोई बोल दे सीओ टू का मास सी टू का मास भी दो टाइप का होगा देखना इसका मास निकालेंगे तो कैसा आएगा कार्बन का कितना होता है ट्वेल्व सर ऑक्सीजन का कितना होता है सिक्सटीन इंटू टू क्या कैलकुलेट करके आ गया फोर्टी फोर अब अगर मैं फोर्टी फोर ए एम यू लिखता हूं ध्यान से देख लो फोर्टी फोर ए एम यू लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सी टू ध्यान से देख ले भाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सी टू और इसी के अगर मैंने ग्राम लगा दिया फोर्टी फोर ग्राम लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू सर देख लो कैसे बात कर रहा हो क्या चीजें रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हो अगर सर अगर सर अपने पास ठीक है अगर मेरे पास क्या बोल दिया जाए ए एम यू और यहां क्या लिख दिया जाए ग्राम लिख दिया जाए ए एम यू और ग्राम यूनिट का चेंज देख लो एक यूनिट कैसे कैसे लाइफ चेंज कर देता है कैसे याद करो ट्रिक क्या था मैंने क्या बोला एफगैड्रो नंबर इंटू ए एम यू एवगैड्रो नंबर इंटू ए एम यू हमेशा किसके इक्वल होता है ग्राम में ए एम यू की वैल्यू पुट कर दो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एफगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी वन के पक्का हो जाएगा तो ये चीजें अपने पास देख लो 44 फोर और 44 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास ये है एक ग्राम का मास अपने पास श्योर है हो जाएगा ठीक है अब देख लो ये चीजें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है एच है ये देखो H2O का बात करता हूँ एच में बात करते हैं H2O में क्या होना शुरू हो जाएगा अगर H2O में लिखते हैं तो हाइड्रोजन का कितना होता है वन और ऑक्सीजन का कितना होगा सिक्सटीन एटीन सर जैसे ही मैंने ए एम यू लगाया एटीन ए एम यू लगाया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ एटीन ग्राम के बारे में बात करूँ तो एटीन ग्राम लगाते ही क्या हो जाता है इसको हम

करने, इसी से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास पे भी आएंगे प्लीज अभी समझो अपने पास ठीक है देख भाई अपने पास मुझे पता चल गया कि सर किसी का एटॉमिक मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है एक मोल mole मॉलिक्यूल का मास क्या होता है डिफरेंस पता चल गया अब यहां से मेरे पास पहली बार क्लियर होगा अब पहली बार मेरे लाइफ में आएगी कुछ चीज़ें और वो क्या होने वाली हैं ध्यान से देखना अब मैं कुछ चीज़ें यूज़ करने वाला हूं क्या यूज़ करने वाला हूं तो यहां पर पहली नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं कि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है किसी के मोल्स निकालने हैं तो कुछ नहीं आप क्या कीजिए उसके गिवन मास को गिवन मास जो आपको ग्राम में दिया हुआ है किससे डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से मोलर मास किस में होता है ग्राम में ही होता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला सर पहला फॉर्मूला क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला क्या आ गया गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा मोलर मास गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा मोलर मास ठीक है हो जाएगा किसी का भी बोला जाए सर किसी का भी मोल्स निकालने को बोला जाए याद रखना अगर मोल्स ऑफ एक्स निकालना है तो अगर किसने बोल दिया कि सर मैंने उल्टा ले लिया तो अगर आपको किसने बोल दिया कि नहीं सर मैं तो ऐसा ले रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स ये देख लो दोनों में डिफरेंस एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ़ एक्स निकालना है अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ़ एक्स निकालना है तो आप क्या करते हो गिवन मास किस में ले लो गिवन मास आपको किस में दिया हुआ है ए में आप क्या कर दो सर उसका क्या लेना शुरू कर दो आप उसका क्या लेना शुरू कर दो एटॉमिक मास या फिर मोलर मास सॉरी मोलिकुलर मास उसको किस में ले लो मोलिकुलर मास इसको ए एम यू में ले लोगे ये दोनों चीजें अगर ए एम यू एम यू में है तो दोनों में डिफरेंस देखना दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस देखो और दोनों के उसमें डिफरेंस देखना अगर आपका मास एएमय यू में दिया है और डिवाइड बाई एएमय यू किया तो क्या आएगा एटम है तो एटम आएगा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आएगा लेकिन इसके केस में एक ही चीज आएगी अगर ग्राम को ग्राम से डिवाइड किया तो मोल्स आता है इसीलिए इसीलिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कभी कभी बोलना शुरू कर देते हैं कि मोल मॉल्स कॉन्सेप्ट इज नोन एज ग्राम कॉन्सेप्ट जहां आपकी लाइफ में ग्राम का मॉल आया वहीं पे क्या आना शुरू हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट को क्या बोलना शुरू करते हैं ग्राम कॉन्सेप्ट पक्का तो नंबर ऑफ आइटम्स मिलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स निकालते चले जाओ नंबर ऑफ कहीं पे ऐसा दिया हुआ ये देखो अपने पास कैलकुलेट अब ये देखो अपने पास क्या मिला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग निकालो जल्दी जल्दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग निकालते चलो सर किसी ने बोला ये देखिए 4.4 ग्राम ऑफ़ सी ओ टू फटाफट नंबर ऑफ़ मोल्स निकालिए नंबर ऑफ़ मोल्स निकालिए अब फटाफट नंबर ऑफ़ मोल्स निकालिए 98 ग्राम ऑफ एच टू एस फोर सर ये मोल्स कैसे आएंगे 90 ग्राम ऑफ एच टू ओ सर अगर मुझसे किसने बोल दिया 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम सर 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने फटाफट निकाल के देखो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने चारों ऑप्शन एक साथ ठीक है चारों ऑप्शन एक साथ देना शुरू करो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया मोल्स निकालना है मैंने नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दे दिया हुआ है ठीक है हाँ बहुत बढ़िया क्या बात है वेरी गुड सबसे शानदार क्या बात है ओके okay. बहुत बढ़िया ग्रेट चलो ये होता है ये होते हैं ओरिजिनल बच्चे बाकी तो अपने पास टाइम पास करने आए हुए हैं लेकिन सोचो यार उनका टाइम पास भी कितना खतरनाक है ना मतलब सोचो कितने कितने विले इंसान होंगे यार दुनिया में इतनी सारी वीडियोस पड़ी हो तुम्हारी क्लास में बैठे हुए हैं ठीक है बहुत बढ़िया गुड 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 सब लोगों का निकल के आ गया सब लोगों का वेरी गुड हम्म पहले वाले का निकालने जाएंगे तो सिंपल सी बात है पहले वाले केस में क्या आ जाएगा पहले वाले केस में मेरे पास क्या आ जाएगा तो इसके केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू निकालने आएंगे तो सर इसका मास डिवाइडेड बाई सर टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा 0.1 मोल सर 0.1 मोल ऑफ सीओ टू हो जाएगा सर इसके केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे का तो ये कितना हो जाएगा 98 अपॉन इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे जिन लोगों को मास याद नहीं है भाई अब तैयारी तो इतने लेवल पर तो लेके आओ कि मास आ जाए ठीक है तो नाइनटी एट अपॉन नाइनटी क्या हो जाएगा वन मोल ऑफ एच टू एस ओ फोर वन मूल ऑफ क्या हो जाएगा एच टू एस ओफ फोर सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू सर 90 अपॉन 18 करेंगे सर ये क्या जाएगा ग्राम बाई ग्राम क्या जाएगा? Five moles of, five moles of H2O आ जाएगा 5 मोल्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ एच टू आ जाएगा और अगर मैं बात करता हूं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम तो सर इसका मास कितना दिया हुआ है इसका मास कितना दिया है 200 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 40 तो सर यहां पे भी कितना आ जाएगा 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम तो आंसर जो हम लोगों के पास आ रहा है बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है जीरो वेरी गुड बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है हाँ बहुत सारे लोगों ने एक बार में ही देने की कोशिश करी कुछ लोगों का थोड़ा सा

ठीक है कुछ तो ऐसे करे सोर यी जी चल रहा अभी रुक जा बेटा अभी क्वेश्चन आने वाले ठीक है हम पहले नहीं भुखाल बनाते ना यार हमें पता है कि अभी जब कहानी मज़ा तब है ना मुझे भी तो पता चल जाए फिल्टर तो होने दो तो कि हाँ भाई इतने ही बच्चे अब पढ़ने वाले हैं क्योंकि यार सबका सिलेक्शन नहीं होता अठारह लाख में से यार सारे बच्चे यूट्यूब फ्री है सब पढ़ लेंगे तो फिर किस सबका सिलेक्शन हो जाएगा ना यार ठीक है तो इसलिए हाँ ओके चलो ये देखो अपने पास हाँ सिलेक्शन अपने को डिसाइड यही से होता है ओके अरे यार अब पक्का बोलते हैं इसलिए ताकि हमें लगता है कि पक्का कर चुके चलो ये देखो कैल्सियम है ठीक है जिसकी गलती हुई कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देखना एक सिंपल चीज मैं तुमसे पूछने वाला हूँ अब देखो सिंपल चीज़ क्या आने वाली है ये सिंपल चीज़ क्या आने वाली है जैसे मैं तुमसे ये पूछ दूँ कैलकुलेट अब देखो अगला क्वेश्चन करके देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ध्यान से देखना अपने पास कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन द फॉलोइंग सर ऑप्शन दिया हुआ है आपको आपको हर एक ऑप्शन में निकालते चलना है अगर मैं ऐसा बोल देता हूं नंबर ऑफ एटम्स निकालना है अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है एटी ग्राम ऑफ सबके ऐटम्स निकालने 88 ग्राम ऑफ़ और अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कार्बन, कार्बन, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी हाँ भाई हम कोटा वाले हम लोग अटेंडेंस लगा रहे ठीक है ना कोटा वाले हम यहाँ बैठे हुए बहुत बढ़िया ठीक है मोलर मास याद नहीं करना होता वन टू ट्वेंटी तक सर अब याद होना भी चाहिए ठीक है

इतने क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स आएंगे ये क्या होगा मॉलिक्यूल्स जो शुरुआत में बोल रहा था ना भाई बहुत बेसिक्स है उन्हीं के लिए है अब टू एन एमोल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन की पावर ट्वेंटी थ्री सर नोट्स आज रात को ही मिल जाएगा आप टेंशन मत लो जब खत्म होगा उसके जस्ट कुछ देर बाद ही मिल जाएगा सर अगर किसने पूछ दिया एटम्स ऑफ कार्बन बताओ तो सर एक सी ओ टू में कितने एटम्स हैं सर टू एन ए को किससे मल्टीप्लाई कर दू वन से और अगर सर ऑक्सीजन के बारे में बात किया जाएगा तो ऑक्सीजन के केस में कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के सर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे इतने हो जाएंगे पक्का तो सर इसके आइटम

टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू सर टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू क्यों क्योंकि सर आपका मास का स्केल कौन सा है आपके मास का स्केल कौन सा है सर आपके मास का स्केल कौन सा है ये हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर ये यह देख लो अपने पास टू इन टू सर टू मॉलिक्यूल्स हैं तो टू एटम्स होंगे किसके कार्बन के सर दो एटम कार्बन के और सर फोर एटम्स कितने हो जाएंगे फोर एटम्स किसके हो जाएंगे ऑक्सीजन के चार एटम किसके हो जाएंगे ऑक्सीजन के पक्का तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए आपको पी मिलेगा पी के ऐप में जाइए उम्मीद कोर्स परचेज कर लीजिए वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ ठीक है ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा लेकिन अभी के लिए आप बस क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अब भाई क्वेश्चन के अभी तो स्टार्ट किया आप तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देख भाई अब फिल्टर आउट हो गए जो पढ़ने वाले वही बचे तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी ठीक है जैसे आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर ये मूल्स का निकालने का तरीका बताओ मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ पहले एक चीज बता देता हूँ अगर आपको मास दिया हुआ है अगर मास गिवन है किस में ग्राम में ध्यान से देखना ये एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर बाद और कंप्लीट हो जाएगा अगर मास गिवन है तो आप पहले कोई भी चीज़ कभी भी निकालनी है अगर मास गिवन है और आपसे कोई पूछ दे कि सर नंबर ऑफ एटम्स बताइए नंबर ऑफ एटम्स बताइए नंबर ऑफ एटम्स बताइए या फिर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो ध्यान से देख लो अगर मास गिवेन है नंबर ऑफ एटम्स पूछे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो कभी नहीं निकलेगा पहले आप क्या निकालने वाले हैं मास गिवन है तो सर आप क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे कैसे सर गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन मास अपॉन क्या लिखोगे मोलर मास गिवन मास अपॉन क्या लिखोगे मोलर मास यहां से आप क्या निकालने वाले हो यहां से आप क्या निकालने वाले हो पहले ये नंबर ऑफ मोल्स ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं अपोजिट देगा तो भी ऐसे ही निकालना भाई साहब ध्यान से देखना ये देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गया तब जाके आप किसको निकाल सकते हो एफगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एफगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर हो सकता है कि डायरेक्ट भी आ जाए यहां पे डायरेक्ट भी अगर आपका हो सकता है किसी किसी केस में इन सम केसेस ये भी डायरेक्ट आ जाए या फिर अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो हो हो सकता सकता है है आपको आपको ऐसा ऐसा भी भी करना पड़े आपको ये देख लो ध्यान से सर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम से निकालना है तो मॉलिक्यूल्स में किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें उसकी से मल्टीप्लाई करना पड़े तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने ध्यान से देखना अगर एग्जाम हॉल में मास गिवन है तो आप कभी भी डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते डायरेक्ट कभी नहीं निकाल सकते ध्यान रखना अपने पास जब भी निकालना होगा पहले क्या निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स निकल रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली अपने पास इससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई क्या करो इस. अच्छा उल्टा करना हो तो उल्टा करना हो तो क्या करेंगे जहां जहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर एटम्स दिए हैं तो डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो एप नंबर से पक्का तो सर यहीं पे एक कहानी आती है यहीं पे एक दूसरी कैलकुलेशन आती है एक दूसरा फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालने जाते हो तो यहीं पर एक दूसरी कहानी आ जाती है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिव Number of particles, given number of particles of X, रुक जाओ मैं मैं एक मिनट, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ये देख लो अपने पास। कभी भी ऐसे निकालना है। जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक तो इक्वल हो गया नहीं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एक्स वो एक्स मॉलिक्यूल्स का हो सकता है किसका कि भी हो किससे डिवाइड कर देना एफगैड्रो नंबर से किससे डिवाइड कर देना एफगैड्रो नंबर से तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा तरीका हो जाएगा पक्का पक्का हो जाएगा सर तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ग्राम मोलर मास ग्राम मॉलिकुलर मास सब कुछ निकाल चुके तो हैं।, मतलब हैं।, हैं।, हैं तो अब चलो क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस करते हैं अब डेढ़ घंटे होने को है तो अब सर आधे घंटे अगले आधे घंटे में इतने क्वेश्चन कर लेंगे इतने क्वेश्चन कर लेंगे फिर सात बजे ब्रेक लेंगे भाई दो घंटे में ब्रेक लेंगे ऐसा नहीं चलेगा आप एग्जाम तीन घंटे बैठ के देने वाले हो यार यारगर तो ऐसे कैलीबर के साथ बैठे हो तो काहे का उम्मीद फिर उम्मीद छोड़ दो ठीक है उम्मीद छोड़ दो ठीक है कुछ भाई है कोई है एक दो आए हुए हैं देखो यार एक दो इस पैमर कितनी मतलब कितना अच्छा लगता होगा यार सोचो उसके जिंदगी में तो कोई भी सोचता हो मुझे कुछ भी बोलता है उसको तो कितना बेचारा कितना बेला इंसान होगा कि एक तो साइंस की क्लास मतलब न्यूटन फोर्थ लॉ उसको समझ में नहीं आ रही कि आपने मजे मजे में साइंस ली है अब साइंस ले रही है फिर भी बेचारा बैठा हुआ है ठीक है वो सिर्फ एक कमेंट करने के लिए ताकि तुम लोग उसको देख के डिमोटिवेट हो जाओ या तुम लोग देख के वो हो जाओ ठीक है सोचो कितना वेला इंसान है मतलब उसके इतनी वीडियोस पड़ी है भाई मूवीज पे मूवीज रिलीज पड़ी हुई है ठीक है तो जाके उधर टाइम वेस्ट कर लेना यार कहाँ यहां पे क्यों ये सोच रहा है कैसी बातें चल रही हैं एफ गार्टर नंबर इसको समझने के लिए भी टाइम चाहिए भाई ठीक है चलो हाँ बहुत बढ़िया तुम लो हो मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं मैं देख रहा हूँ कभी कुछ कुछ रिप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन मुझे तो उस बंदे पे तरस आ रहा है मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है मुझे उस बंदे से तरस आ रहा है कि सोच वो बंदा कितना तू तो मतलब तेरे लाइफ में अगर कुछ नहीं होता आज तू तो नाइट नीट की तैयारी नहीं कर रहा होता तो तू तो ऐसे कहीं जाता क्या किसी वीडियो पे तू तो एक कॉमर्स की वीडियो पे जाता क्या कभी नहीं जाता क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है भाई इंस्टाग्राम पे रील्स हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं जहां जिंदगी बर्बाद करने का बहुत मतलब खजाना है अंबानी जी ने कुछ किया वो किया जियो के थ्रू यही किया है तो तू वहां से कर ले भाई ठीक है लेकिन वो सोच कितना फ्रस्ट्रेटेड इंसान होगा कि उसकी जिंदगी एक काम बचाए यहाँ पे मैसेज डालूंगा यहाँ यह स्पैमिंग करूंगा यही स्पैमिंग करूंगा सोच और फिर बोलता है कि मतलब होता है ना कि हाँ उसके चक्कर में क्या होता है तुम लोग के इमोशंस बढ़ते जाते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हैं ठीक है हम टीचर्स सोचो हम टीचर्स कितने मतलब तुम साथ में सोचो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो एक मोबाइल के ऊपर लगे पड़े हो ठीक है एक मोबाइल एक लैपटॉप के ऊपर लगे पड़े हो कि यार इस दिन आज के दिन पूरा खत्म करेंगे आज मैं सोच के हूँ कि हाँ भाई आज रात के चाहे दस बजे चाहे ग्यारह बजे जब भी बचे इन बच्चों का सर बेसिक से लेकर लास्ट तक खत्म कर दूंगा ठीक है कोई बात नहीं हाँ अरे कोई नहीं दिक्कत हो अब मैं तो ऐसे बस देख रहा हूँ मैं उस बंदे का सोच रहा हूँ कितने पैसे मिलते होंगे इसको इस काम के लिए ठीक है जो ये काम कर का। अब तो ये बिना पैसे का तो कोई नहीं करे मतलब मुझे नहीं देखूंगा यार हटा दूंगा लेकिन बेचारा लगा पड़ा है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब चलो यहां से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ये मेरे पास ये मेरी पूरी ट्रिक रही कि सर कुछ नहीं मास गिवे है आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स फिर इसमें फिर इसमें अगर उल्टा जाना हुआ तो उल्टा जाने का भी एरो बना सकता हूं मैं उल्टा जाने का एरो देख लो अपने पास ये क्या करूंगा इसको डिवाइडेड बाई क्या करूंगा एफ गैड्रो नंबर करूंगा सर लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि वो ना फिर आपको क्या करेगा पजल करना शुरू करेगा एग्जाम हॉल में आप एक फ्लो बना लीजिए दूसरा फ्लो अपने आप ही आ जाएगा ठीक है पक्का हाँ चलो भाई चलो देखते हैं। ये देख अब क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस देख तुम्हारे सामने क्या क्या पड़ा हुआ चलो भाई अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स बेटा देख अब अगले आधे घंटे ना मुझे दे दे अपने पास अगले आधे घंटे मुझे दे दे और देख अब एंजॉय करना शुरू कर अब तेरे लिए क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें आई है ठीक है अगले आधे घंटे की बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन जीरो पॉइंट वन मूल ऑफ अ ट्राई ट्राइटोमिक गैस कोई पल्ले नहीं ट्राई ट्राईटोमिक क्या है ट्राई ट्राइटिक क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं करना भाई ठीक है ट्राई ट्राइटिक का मतलब क्या हो जाता है सर ट्राई ट्राईटोमिक कोई गैस होगी मुझे नहीं पता सर कौन सी गैस है लेकिन उसके नंबर ऑफ एटोमिस दी हुई है क्या ट्राई बात पॉइंट वन मोल ऑफ अगर कोई बोल देता है ट्राइटोमिक गैस है तो एक्स मान लो एक्स गैस दिया हुआ है पक्का जो लोग कर सकते हैं फास्ट निकालो बहुत बढ़िया सर ट्राई एटोमिक गैस दिया है मतलब अटोमिसिटी कितनी हो गई इसकी 3 हो गई एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं तीन एटम्स हैं पहले यह तो निकाल लूं सर किसके कितने होते हैं इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे क्या इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने होंगे क्या और अगर एटम्स निकालने की बात आएगी सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाऊंगा अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एक्स निकालने जाऊंगा तो भाई साहब एक मॉलिक्यूल में कितना दिख रहा है तीन इतने में कितना हो जाएगा सर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्री से सर क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री इंटू सिक्स जीरो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने पास सर ये कितना हो जाएगा इसको थ्री कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1 1 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा टेन की पावर ट्वेंटी थ्री आ जाएगा कितने आइटम्स आ जाएंगे अपने पास कितने आइटम्स आ जाएंगे चार हो गए वन पॉइंट एट जीरो जीरो इंटू टेन की पावर कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन डेसिमल में नहीं डेसिमल कुछ लोगों ने डेसिमल में गलती कर दी है यहीं पे सोचना है ठीक है यहीं पे सोचना है क्वेश्चन नंबर देख लो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है और यहां पे कुछ लोगों का आंसर फोर आया है वो थोड़ा सा टेन की पावर्स में गड़बड़ कर गए वाले वाले बुरा मत मानना एग्जाम हॉल में ये गलती एक्सेप्ट कर लेना आज ही एक्सेप्ट कर लो कि कैलकुलेशन में जब करने जाऊंगा थोड़ा आराम से करूंगा बहुत बढ़िया तो चलो अब शुरू करते हैं फिर से अब क्वेश्चन पे आते भाई साहब अगले डेढ़ घंटे में जो हमने किया है पिछले डेढ़ घंटे में आधे घंटे में क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक हुई कोई दिक्कत नहीं तू मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहा है ये अच्छी बात है लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं करना है चलो अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन क्या है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन सर एक बात बताओ मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं सर देख लो नंबर ऑफ एटम्स कब निकल के आएगा कैसे निकल के आएगा सर पहले क्या निकालोगे पहले क्या निकालोगे जब भी मास दिया है तो पहले क्या निकालोगे मोल्स मोल से क्या निकालोगे मीथेन एटम है या मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल है तो पहले क्या करूंगा अपने पास मैं पहले क्या करूंगा चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो जो लोग ट्राई कर सकते हैं साथ साथ आंसर देने की कोशिश करो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालूंगा, 16 कर दूंगा सर पॉइंट हो जाएगा 0.001 टेन की पावर माइनस थ्री मोल्स आ गए किसके सी एच फोर के इससे क्या एटम्स आ जाएगा क्या नहीं इससे एटम्स नहीं आएगा सर अब क्या करूं सर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो सर मॉलिक्यूल्स पहले निकालूंगा सर ये क्या हो जाएगा इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सर उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा है उसके बाद कैसे करूंगा तो सर क्या करूं नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं एक एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं कार्बन का एक है हाइड्रोजन का चार है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे टेन की पावर माइनस थ्री इंटू क्या कर दिया सबने बहुत बढ़िया देख ले बार बार बोल रहा हूं डायरेक्ट आप एटम्स नहीं निकाल सकते इस केस में क्योंकि हम मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना पड़ेगा पक्का ओके चलो दे बढ़िया 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 अब देखो अगला क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखो अपने पास कितना सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन देखिए उस टाइम से लोग पढ़े हुए थे यार सर क्वेश्चन क्वेश्चन की भरमार है भाई साहब हाँ अपने क्वेश्चन है इस चैप्टर में आप देखो तो सही लेकिन हाँ ट्राई करेंगे सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे ठीक है अच्छा चलो बहुत बढ़िया तीस सेकंड का टाइम दे दिया किसने बोला सर तीस सेकंड का आप टाइम दे दिया करो हमें टाइम दे दिया करो फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते बहुत बढ़िया हाँ, चलो हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो देखते रेशियो ऑफ ऑफ ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 4x एक्स ग्राम हो जाएगा और अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का रेशियो मानना है सर ये मैंने क्या कर लिया है लेट मास मान लिया है मास ऑफ ऑक्सीजन मुझे बोला जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालो पहले क्या निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्स सपोर्ट क्या करूंगा थर्टी टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या करने वाला हूँ अपॉन क्या करूंगा सर सर ये X क्या आ गया 7. Sir, number of molecules of O2 निकालूंगा और कर दूंगा एक्स बाई थर्टी टू इंटू क्या लिख देंगे नंबर और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू करूंगा तो एन टू क्या, हो जाएगा? सर, x by 7 क्या जाएगा? ये हो जाएगा जैसे ही अब मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 टू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स टू रेशियो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू एक्स बाई थर्टी टू इंटू एन ए डिवाइड बाई सर क्या हो जाएगा एक्स बाई सेवन इंटू एन ए सर एन ए से एन ए कैंसिल एक्स से एक्स कैंसिल सेवन बाई क्या आ जाएगा थर्टी टू तो दैट इज द आंसर क्या हो रहा होगा सेवन बाई थर्टी टू क्या आंसर आ जाएगा सेवन बाई थर्टी टू क्या बात है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है भाई साहब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा आपको खुद ही करना पड़ेगा कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बार बार देख लो बार बार एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ये जो ये जो हमने बनाया था ना सर ये

हो जाएगा बहुत बढ़िया सर आपको मास का रेशियो लेना दिया हुआ है मुझे नहीं पता मास क्या है बट इतना पता है ऑक्सीजन का मास अगर एक्स है तो इसका मास कितना होगा नाइट्रोजन का फोर एक्स कोई दिक्कत नहीं मास आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए पक्का ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ट्राई करो ठीक है एक क्वेश्चन और सब अपने पास ट्राई करने की कोशिश करो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ओके हाँ सर सात सौ बीस लेके आना है ट्राई कीजिए सात सौ बीस कहने में आसान लगता है लेकिन कोई क्वेश्चन आते हैं तब पता चलता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स सबके लार्जेस्ट नंबर मॉलिक्यूल्स कोई पूछ ही नहीं रहा सर मॉलिक्यूल्स कोई पूछ ही नहीं रहा पहले तो सर क्या करना शुरू करोगे पहला ऑप्शन एग्जाम हॉल में बैठे हो तो फटाफट निकालो 11 बाई फोर्टी सर 1 बाई फोर कितने आ गए मोल्स आ गए किसके सर CO2 के 1 बाई फोर मोल्स आ गए तो 1 बाई फोर इंटू एन ए इतने मॉलिक्यूल्स आ गए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आ गया और एक मॉलिक्यूल CO2 में सर कितने होते हैं तीन तो थ्री इंटू वन बाई फोर इतने एटम्स हो जाएंगे इतने एटम्स हो जाएंगे सर सेकेंड ऑप्शन में देखोगे तो क्या होगा नंबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 अपॉन क्या कर दोगे 2 2 मोल्स ऑफ एच टू आ गए 2 मोल्स ऑफ एच टू आ गए तो ये क्या हो जाएगा टू एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे एच टू के टू एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे एच टू के और यहाँ पे बात करेंगे तो फोर एन ए एटम्स हो जाएंगे सर फोर एन ए एटम्स हो जाएंगे ये अभी इनसे बड़ा है ठीक है बहुत बढ़िया सर फाइव ग्राम एन तो फाइव एन ये तो कम लग रहा है Upon हो जाएगा और इसका मतलब upon हो जाएंगे किसके NS3 के upon के upon 17, से करोगे तो ये क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इतना और अगर मैं बात करूं तो सर एटम्स कितने होंगे तो एटम्स के लिए कितना करने वाले हैं फाइव बाई से इन टू फोर मतलब ट्वेंटी बाई सेवनटीन एन एटम्स आने वाले हैं इतने एटम्स अभी भी कौन डोमिनेट कर रहा है सर सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन पे देख लो सर एट ग्राम एस टू ये भी अपने कम ही दिख रहा है लेकिन फिर भी निकालेंगे हम लोग एट अपॉन क्या लिख देंगे सर एसो टू का मास कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर वन बाई एट मोल्स ऑफ वन बाई एट मोल्स ऑफ एसओ टू और वन बाई एट मोल एसओ टू मतलब इतने मॉलिक्यूल हो गए अगर इतने मॉलिक्यूल हो गए एसओ टू के अगर इतने मॉलिक्यूल हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एटम्स के बारे में बात करेंगे तो थ्री इंटू वन बाई एट एन ए एटम्स हो जाएंगे सर सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा नंबर अभी भी कौन सा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा सेकेंड ऑप्शन वाला जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे बहुत बढ़िया जिन लोगों ने अभी कर लिया गुड वेरी गुड सर ऐसे ही लगे रहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए डेली के डेली ज्यादा दूर नहीं जाना एक दिन में एक चैप्टर को कर देंगे अपने पास ठीक है ओके तो ये देख लो अपने पास जिसमें मोल की जरूरत नहीं उसमें नहीं निकालना है भाई पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है ठीक है आइस दे दिया तो आइस के ऊपर भाई आइस का मास भी वाटर ही तो है ठीक है वहां गैस में अभी जाएंगे गैस के बारे में बात कर रहे गैस के बारे में बात करेंगे ओके

ये किसकी आए ऑक्सीजन के आए ऑक्सीजन अकेला है ना एटम है ऑक्सीजन क्या है अकेला है ऑक्सीजन एटम है तो सर इस केस में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं वन बाई थर्टी टू वन सॉरी थर्टी टू रहा हूँ यार क्या हो गया वन बाई सिक्सटीन और ये कितना हो गया वन बाई सिक्सटीन इंटू एन एटम्स लिख सकता हूँ देख लो कैसे सर याद करो इसी ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाता है डायरेक्टली एन से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस केस में पहले क्या निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू वन अपॉन थर्टी टू मोल ऑफ ओ टू आएगा और जैसे ही इतने मोल ओ टू आएंगे सर पहले क्या आएगा ये मॉलिक्यूल्स निकाल के लाएगा क्योंकि ओ इज नॉट अ एटम इस केस में पहले मॉलिक्यूल आएगा और फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे टू इन टू वन इतने एटम्स हो जाएंगे किसके ऑक्सीजन के अगेन कितना हो गया वन 16. यहीं पे मेरा आंसर आ जाएगा लेकिन किसने बोला नहीं सर थर्ड पार्ट का भी निकाल दो तो थर्ड पार्ट का भी निकाल के चेक कर लेता यह क्या, क्या हो जाएगा इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ओजोन के और अगर मैं बात करूं तो इसके केस में सर कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स वन अपॉन फोर्टी एट इन टू एफ एटम्स हो जाएंगे किसके ऑक्सीजन के इसके एटम्स हो जाएंगे तो ये सारे के सारे सबके सबके पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स है सबके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है सबके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो निकालते रहो पक्का हो जाएगा तो अब चलो अब चलो एक काम करते हैं अब चलो एक काम करते हैं हम लोगों के पास सब कुछ हो गया एटम्स मॉलिक्यूल सब लोग निकाल सकते हो तो फटाफट एक चीज एक दो क्वेश्चन सब फास्ट फास्ट निकाल के दिखाओ जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है ये नीट दो का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करके दिखाओ ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी जल्दी क्या होगा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ क्या हो रहा होगा इस क्वेश्चन का करके दिखाओ इसमें क्या हो रहा होगा अगर इसका आंसर आप रट के नहीं बैठे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पी वाई क्यूब है आपके पास ये क्वेश्चन पी वाई क्यूज में आ रहे होंगे विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिम नंबर ऑफ एटम्स कौन से मैक्सम नंबर ऑफ एटम्स दिखाएंगे तो सर इसके केस में नंबर ऑफ एटम्स दिखना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन वन जीरो एट नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाओगे तो इसके केस में नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली क्योंकि सर आटम है तो इसके केस में डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे से. मैग्नीशियम में भी कितना करने वाले? में कोई नहीं चाहता बस आपसे मजे लिए जाएंगे ना डॉक्टर वाला दिमाग लेके जा रहे हैं या नहीं एग्जाम हॉल में ये जरूर चेक किया जाएगा सर इसके केस में देख लो थर्ड केस में पहले निकाल दू थर्ड केस में नंबर ऑफ मोलो टू वन अपन थर्टी टू मोल ऑफ

और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन सेवन इन टू एफ गैड्रो नंबर सर इन तीनों में इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बड़ा 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 नहीं 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 होगा 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 सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाके देखो किसी को लगता हो अरे सर आपने ये बेसिक बेसिक इतना क्यों करा रहे थे बेटा जाके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल जाएगा क्यों ये बेसिक्स इतने जरूरी होते हैं क्यों ये बेसिक्स इतने जरूरी होते हैं हाँ भाई पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए पचास क्वेश्चन का असाइनमेंट आपको रात कल सुबह मिल जाएगा या आज रात को मिल जाएगा ऐप में आप करते रहिए पक्का हो जाएगा बहुत बढ़िया चलो भाई ये क्वेश्चन देखो बहुत सुंदर सा क्वेश्चन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अब देखना ध्यान से यहां गलती क्या होने वाली है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन लीटर ऑफ वाटर ध्यान से देखना बहुत सारे लोग बहुत तेजी से गलती कर रहे होते हैं वन लीटर मॉलिक्यूल्स ठीक है वन लीटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा होता है सर आप क्या करोगे एक लीटर पानी में कैसे निकालोगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सर आपने तो बताया ही नहीं पानी क्या है लिक्विड गैस मत लगा देना हम पहले बता रहा हूं कितने लोग क्या करते हैं पानी के अंदर गैस का फॉर्म नहीं नहीं नहीं, नहीं के अंदर गैस का फॉर्मुला नहीं आएगा सीधा सीधा याद रखो सर एक लीटर पानी है एक लीटर वाटर है एक लीटर वाटर मतलब क्या क्या होता है वाटर और वाटर वाटर और को क्या लिख देते हैं लोग ग्राम ऑफ़ क्यों क्योंकि डेंसिटी ऑफ़ जो उसका वॉल्यूम है वही उसका क्या हो जाएगा मास बीड अपॉन एटी 18 ग्राम 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम कितना आ जाएगा 55.55 .55 और ये मोल्स आ गए ये मोल्स ऑफ वाटर आ गए क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 55.55 इन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इतने क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा पक्का ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया शानदार क्या बात है यार ऐसी क्लास हो, ये होती है ये होता है कि सर क्वेश्चन दिया आंसर्स आने शुरू है ये दिखता है कि अपना स्पिरिट कि हाँ यार करना है और मैं लिख के दे रहा हूँ पचहत्तर दिन है ना अपने पास तू साठ दिन पचास दिन बस फॉलो कर ले पचास दिन के बाद ना कॉन्फिडेंस दस दिन के बाद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया सर एक लीटर पानी है तो एक लीटर पानी में क्या करोगे एक हज़ार और वही उसका क्या हो जाएगा हज़ार ग्राम पक्का हो जाएगा सर चलो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन देखो लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंटेंट इन अब लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एक चीज बस ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना हाइड्रोजन जब लिखा हुआ है अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो एग्जाम हॉल में इतना कॉमन सेंस लगा लेना कि सर ये होगा ये मत बोलना कि सर ये तो एटम दिया हुआ है नहीं भैया अगर मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहा है अगर मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहा है तो उस केस में मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहा है तो उस केस में क्या होगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन और क्या होगा ऑक्सीजन ओ गैस पक्का कर लो देख लो अपने पास क्या करने वाले ये देख लो कैसे निकलेगा जल्दी जल्दी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल दो सर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया टू बाई टू एक मोल हो गया वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब एन ए मॉलिक्यूल ऑफ एच टू हो गया एन ए मॉलिक्यूल ऑफ एच टू हो गया और अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की तो कितना हो जाएगा एट अपॉन कितना हो जाएगा थर्टी टू एट अपॉन थर्टी टू एंड दैट विल बी वन बाई फोर मोल ऑफ सर ओ टू हो जाएगा एंड दैट विल बी एन ए बाई फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए बाई फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू हो जाएगा एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू निकालने जाओगे तो वो कितना हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेंटी एट वन अपॉन सेवन मोल एन टू हो जाएगा इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एन ए बाई सेवन हो जाएंगे एन ए बाई सेवन हो जाएंगे एन ए बाई सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन टू हो जाएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ओ टू निकालने जाओगे सिक्सटीन अपॉन फोर्टी फोर आएगा और सिक्सटीन अपॉन फोर्टी फोर मोल ऑफ सी ओ टू हो जाएगा और इसके अंदर सिक्सटीन बाई फोर्टी फोर इन टू क्या आ जाएगा एफ गैड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अब यहां पे एक चीज फंसती है इन तीनों में तो डिराइव करना आसान है इन तीनों में क्या सब में सबसे ज्यादा किस में होगा सबसे ज्यादा आंसर किसका आ रहा होगा सबसे ज्यादा किसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे ये मॉलिक्यूल बड़ा है एन ए बाई फोर मॉलिक्यूल बड़ा है एन ए बाई सेवन मॉलिक्यूल बड़ा है या एन ए बाई सी फोर कौन सा बड़ा होगा तो सर सीधा सीधा आप देख लो कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा दिख रहा होगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें है सर सब लोग डिवाइडेड बाई कुछ है ये सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन बहुत बढ़िया चलो अब जल्दी जल्दी कुछ कुछ क्वेश्चन छोट छोटे छोटे क्वेश्चन निकालो फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं एक बार बस मूल्स के तीनों फॉर्मुले कंप्लीट कर लिए फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी खत्म करो क्या हो रहा है हमने पाँच चार पाँच पाँच पे स्टार्ट किया था पाँच मिनट और लेते हैं दस मिनट फिर ब्रेक लेंगे दस मिनट का ठीक है पांच पांच पे लेंगे दस मिनट का ब्रेक लेंगे पाँच सात पाँच पे लेंगे सात पंद्रह पे स्टार्ट करेंगे ओके डोंट वरी अच्छा सॉरी उल्टा पूछा था क्या अरे रे 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 ओ हो बहुत बढ़िया अरे सॉरी 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 बहुत बढ़िया क्या बात है यार किसने मुझे हाँ देखो इसी को बोलते ये होता है क्लास ये होती है क्लास बहुत बढ़िया सबसे कम बोल रहा है सबसे कम कौन सा होगा क्या बात है यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड 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 ये होता है मतलब सब सोए नहीं है अच्छा है अच्छी बात है हाँ लिस्ट बोला है बहुत बढ़िया ठीक है हाँ लिस्ट पूछ रहा है तो लिस्ट में कौन सा हो जाएगा एन ए बाई क्या हो जाएगा इसमें भी डाउट है क्या अब एक बार भाई ऐसे मत कर यार मैं कैलकुलेट कर दूंगा फिर ठीक है ऐसे करेगा तो कैलकुलेट ही कर दूंगा लिस्ट बोल रहा है तो लिस्ट वाले में कुछ नहीं आपको देख लो सिंपल सी कहानी करनी है, ये कितना हो जाएगा ये तो जीरो हो गया ये दोनों में तो सर कौन सा बड़ा है ऑब्वियस है एन ए बाई फोर बड़ा है एन ए बाई सेवन कम हो गया और अगर सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फोर करता हूँ सिक्सटीन बाई फोर्टी फोर करता हूँ तो ये कितना हो गया जीरो पॉइंट थ्री सिक्स थ्री सिक्स एन ए होगा और एन ए बाई सेवन करता हूँ तो सर वन बाई सेवन जो होगा ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट वन फोर टू एन ए आ जाएगा तो सबसे छोटा तो थर्ड ही होगा ना ठीक तो है गुड गुड बहुत बढ़िया क्या बात है वेरी गुड थर्ड होगा वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है थर्ड वन वेरी गुड

टू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एच एन ओ थ्री आएगा और उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं तो सर इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए टू एन ए को कितने से मल्टीप्लाई कर दो थ्री से तो ये क्या हो जाएगा सिक्स एन ए हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सिक्स एन ए हो जाएगा बहुत बढ़िया सर अब ये क्वेश्चन कीजिए अब आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए विद इन सेकेंड अगला क्वेश्चन विदिन सेकंड होना चाहिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो विदिन सेकेंड कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ सीओ टू सर जिन लोगों को शुरुआत में लग रहा था कि अरे सर यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ये देख ले भाई ये देख ले अपने पास क्या है अपने पास क्या होगा ठीक है क्या होगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ सी टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 88 ग्राम ऑफ सी टू क्या निकल के आएगा तो कुछ नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू कितना आ गया 88 एट अपॉन फोर्टी कितना हो जाएगा टू मोल ऑफ सी टू आ जाएगा और टू मोल ऑफ सी टू आया मतलब ये कितना हो जाएगा टू इन टू इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और सर इतने मॉलिक्यूल्स अगर सी टू के हो गए तो एक मॉलिक्यूल को खोल के पकड़ लो कि सर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के छः ऑक्सीजन के कितने एट प्लस एट कितने हो गए ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो सर ये ट्वेंटी टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए पक्का सर एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ट्वेंटी इंटू टू एन इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितना हो जाएगा सर फोर्टी फोर एने इलेक्ट्रॉन्स फोर्टी फोर एन ए हो जाते हैं फोर्टी फोर एन हो जाएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार शानदार क्या बात है क्या बात है चलो एक काम करते अरे कहाँ गया भाई चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट करते फिर अब मूल से मुक्ति पाएंगे और अगली ब्रेक के बाद हम लोग एक छोटी चीज करेंगे मूलर वॉल्यूम ठीक है मूलर वॉल्यूम ठीक है मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं मोलर वॉल्यूम क्या है ध्यान से आप ब्रेक दे रहा हूं भाई दो मिनट ब्रेक दे रहा हूं मोलर वॉल्यूम कर लेते हैं तीनों फॉर्मूला हो जाएगा तो ब्रेक के बाद दस मिनट के ब्रेक के बाद मिलेंगे सात पांच पे ब्रेक दूंगा ना सात एक हो रहा तो, है अभी तो ठीक है मोलर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा था मोलर वॉल्यूम क्या होता है तो ध्यान से सुनना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट या बोल सकते हैं जब होता है, तो सर गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं तो हम लोग ये देखना अपने पास आज से एक मोल का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस कोई भी गैस हो एट सर एट सर कितना ले लूं अपने पास ध्यान से देखना अपने क्या ले रहा हूं 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर सर इस पे कितना हो जाता है 22.4 लीटर या फिर इसी को लिखना चाहूँ तो 22400 एमएल या फिर इसी को लिखना चाहूँ 22400 सेंटीमीटर क्यूब या इसी को हम लोग सीसी भी लिख देते हैं एक मोल का वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा एक मोल का वॉल्यूम एट 273 सेवेंटी थ्री कैलिवेन एंड वन ए याद रखना आज के टाइम पे स्टैंडर्ड नहीं होता है स्टैंडर्ड नहीं होता है ठीक है ये आज के टाइम पे स्टैंडर्ड नहीं होता है आज के टाइम पे एन में ये चीज चेंज कर दी गई है कैलकुलेशन हम सारी की सारी इसी से करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन हम इसी से कर रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन सर आज के टाइम पे इसको एन पढ़ोगे तो आज के टाइम पे वन एम जो है वन ए एम जो है वो प्रेशर सही नहीं है आज के पे सर एसटीपी कोई बोलेगा तो वन मोल ऑफ एनी गैस ध्यान से देखना अपने पास एट 273 कैल्विन 273 कैल्विन एंड वन बार प्रेशर अगर एक बार प्रेशर पे लेते हैं तो सर वो पता है कितना होता है 22.7 लीटर या 22,700 मल या फिर 22,700 सेंटीमीटर क्यूब या फिर सीसी आज के टाइम पे आपसे कोई बोल दे तो सर ये याद रखिएगा ये याद रखिएगा एस पे अगर एक मोल का वॉल्यूम कोई पूछ देगा तो एक मोल का वॉल्यूम क्या हो रहा होता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है ट्वेंटी लीटर लेकिन प्रेशर कितना होता है वन बार ये कितना होता है इसी को आज के टाइम पे एस बोलना शुरू करते हैं लेकिन एन में एक लाइन लिखी हुई है एन में एक लाइन लिखी है कि एन में एक लाइन लिखी हुई है क्या कि सर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको भी यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर किसी ने और बोल दिया कि सर ये सारा जीरो डिग्री सेल्सियस पे किसी ने और बोल दिया कि सर वॉल्यूम ऑफ अब देख लो मोलर वॉल्यूम देख रहे हो कितना हो सकता है कोई भी गैस हो सर कोई भी गैस हो बड़ा छोटा कोई भी गैस हो अगर ये 298 केल्विन पे चले गए और अपने पास 1 एटीएम प्रेशर पे हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 24.7 लीटर या 22000 24000 ये याद रखिएगा अलग अलग जगह पे अब ये देख लो अपने पास लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन बस एक वैल्यू बताना चाहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली पोर्सनल टू नंबर ऑफ वो कब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे अगर आपने कहीं भी चेंज किया सब कुछ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो यहां से भी 298 केल्विन एंड वन बार पे देख लो 298 केल्विन एंड वन बार पे क्या हो जाएगा 24.7 फोर पॉइंट सेवन लीटर पक्का हो जाएगा हाँ सर किसी का एसटीपी और एनटीपी भाई भाई लिए अभी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं आज के टाइम पे एसटीपी और एनटीपी का डिफरेंस हटा दिया गया है एसटीपी और एनटीपी का डिफरेंस खत्म कर दिया गया है पक्का हो जाएगा तो चलो एक काम करते हैं अब दस मिनट का ब्रेक लेते हैं सात पाँच हो रहा है सात पाँच हो रहा है दस मिनट का ब्रेक लेते हैं सब लोग थोड़ा सा आराम कर लो ठीक है सब लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और दस मिनट के ब्रेक पे बाद मिलते हैं हम लोग कितने बजे सात पंद्रह पे मिलेंगे ठीक है सात पंद्रह पे मिलेंगे दस मिनट का ब्रेक लेते हैं यहीं पर हम लोग ब्रेक लेना शुरू करते हैं ठीक है यहीं पे ब्रेक लेते हैं ठीक है दस मिनट का ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से क्यूब पे आएंगे फिर से सारी चीजें कर रहे होंगे ओके चलो तो भाई अपना टाइम आ गया है यस 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 अपना टाइम आ गया है ठीक है डिनर भी अभी अभी कौन डिनर कर रहा है भाई सात बजे कौन डिनर कर रहा है यार कहाँ पे है ठीक है इतने पे तो अभी कोई नहीं कर रहा है डिनर यार चलो बहुत बढ़िया शुरू करते अब हम लोग की लाइफ में

273 अपने पास क्या हो जाएगा 273 सेवेंटी थ्री कैलविन एंड वन ए टी एम पे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स दस मिनट काफ़ी होते हैं भाई तू तो घर पे बैठ के कर रहा है घर पे बैठ के आराम से सोफे बैठ के लेट के पढ़ रहा होगा मुझे पूरा भरोसा है ठीक है कुछ तो ऐसे होते हैं जो बेड पे लेट के हाथ देख रहे होते हैं टीचर ठीक है ठीक करवा रहा है यार कुछ तो लग रहा है कुछ करवा रहा है लिख रहा है ठीक ठाक ठीक है हाँ लेकिन हाँ यहाँ देख मैं खड़े खड़े क्लास ले रहा हूँ तेरे सामने हूँ और मैं हिम्मत कर रहा हूं कि भाई नहीं यार करवानी है तुमसे ही करवाना है तो फिर तो यार कोई दिक्कत ही नहीं तू तो, तो करता ही चल ठीक है मैं ये बोल रहा हूं वन मोल किसी भी गैस का लेके चलते हैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी चेंज होगा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो आपका मोलर वॉल्यूम क्या होता है चेंज करता है मोलर वॉल्यूम क्या करता है चेंज करता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है चेंज करता, करता है जैसे ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट इसको यूटिलाइज करते हैं इसको यूटिलाइज कर रहे थे तो कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे और इसके केस में देखेंगे ये वैल्यूज याद रख सकते हो एनसीआरटी में गिवेन है ये डेटाज गिव है इसीलिए एनसीआर में हमें देखनी है एनसीआर करनी है बाकी इसके अलावा सर इसको नहीं कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। कैलकुलेशन के सिर्फ इस वैल्यू को यूज करना है इस कैलकुलेशन में सिर्फ इस वैल्यूज को यूज़ करना है ट्वेंटी लीटर 22400 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ट्वेंटी इसको यूज करना है ठीक है ओके पक्का चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं अब स्टार्ट कर लेते हैं अब अब इसके बाद सीधा ब्रेक दो घंटे बाद हाँ खाने के लिए ब्रेक मिलेगा उस टाइम बीस मिनट का ब्रेक मिलेगा चलो अभी स्टार्ट करते हैं अभी स्टार्ट करते हैं चीजों को देखना शुरू करते हैं जैसे ही मुझे बोला गया अब यहां पे मेरे पास एक मोल का वॉल्यूम पता चल गया एक मोल का वॉल्यूम पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स देखो भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अगर निकालना है याद रखना गैस होना चाहिए एक्स तो ये फॉर्मूला आ जाता

ऊपर अगर लीटर दिया है अगर ऊपर लीटर में है तो 22.4 लीटर, अगर ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब और अगर ऊपर में, में है, अगर एम में है तो यहां पे क्या ले लेंगे 22,400 टू ले लेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स आ जाएगा पक्का हो जाएगा श्योर sure हो तो ये देख लो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तीसरा तरीका आपके पास और अब तीन ही तरीके होते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई भाई साहब मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ तीन ही तरीके हैं जहां पे मोल्स को कनेक्ट किया जाता है सिंपल सा तीन ही लोग होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स या तो आप वॉल्यूम से निकाल सकते हो या फिर नंबर ऑफ मोल्स मास से निकाल सकते हो या नंबर ऑफ पार्टिकल से निकाल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकाल सकते हो पक्का जैसे ये देख लो अपने को अगर मैं एक मैप बनाता हूँ ये ध्यान से देखना इस मैप को वाई मैप क्या बोलते हैं वाई मैप क्या बोलते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है इस नंबर ऑफ मोल्स को सर्कुलर बना देता हूं और ध्यान से देखना अपने को क्या होगा अगर मास गिवन है गिवन मास है ये देखना गिवन मास है तो गिवन मास से एक बार में तीनों फार्मूले को खत्म करते हैं कनेक्ट करते गिवन मास है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप किससे डिवाइड करते हो किससे डिवाइड कर देते हो सर गिवन मास को किससे डिवाइड करते हो मोलर मास से ध्यान से देखना एक फॉर्मूले में सब कुछ हो जाएगा एक फॉर्मूले में सब कुछ हो जाएगा गिवन मास से गिवन मास को किससे डिवाइड कर दोगे मोलर मास पे इवन आप क्या करने वाले हो अगर आपको उल्टा जाना

क्यूस निकालने को बोला गया तो देखो ध्यान से सर ये वाई मैप याद रखना यही आपको काम दिलाएगा यही आपको आज की क्लास को समराइज कर रहा होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकालना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या निकालना है अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो किससे डिवाइड करते हो एफगैड्रो नंबर से किससे डिवाइड करते हो एफगैड्रो नंबर से ठीक है किससे डिवाइड करते हो एफगैड्रो नंबर से और अगर अपोजिट जाना है अगर अपोजिट जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हो एफगैड्रो नंबर से अगर मोल्स पता है मॉलिक्यूल्स निकालना है या एटम्स निकालने हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो एफगैड्रो नंबर से ओके यहां पे लास्ट वन फॉर गैस अगर मैं बात करता हूं फॉर गैसेस, गैसेस के केस में सर गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है अगर दिया हुआ है, के लिए, गलती से भी इसको लिक्विड सॉलिड के लिए मत लगा देना ये दो फॉर्मूले सबके लिए वैलिड हैं लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है तो देख लो अपने पास गिवन वॉल्यूम है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किससे डिवाइड करोगे मोलर वॉल्यूम से और अगर अपोजिट जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दो मोलर वॉल्यूम से सर ये अपने को यही चार्ट याद रखिएगा एग्जाम हॉल में ये वाई मैप ध्यान रखिए इसी से आपका सारा कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स की सारी चीजें अपने पास फिनिश होने वाली ये चीज ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है गैस के लिए ये जो टर्म है गैस के लिए ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए जिंदगी में किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे वो क्या होने वाला है अपने पास गिवन वॉल्यूम

अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो किसने बोला सर एटोमिसिटी कहाँ गया भाई इसके आगे अगर निकालना होगा मॉलिक्यूल से एटम निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल से एटम निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे पक्का हो जाएगा सर श्योर हो चलो अब देखो इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं जब भी कुछ दिया हुआ है देखना अगर मान लो वॉल्यूम दिया है क्या पूछ दे मास तो वॉल्यूम से डायरेक्ट मास नहीं निकाल सकते वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा मोल्स निकालना पड़ेगा वॉल्यूम से क्या निकालना पड़ेगा मोल्स और फिर क्या निकालना पड़ेगा मास अगर कहीं पार्टिकल्स दिए हुए और कोई बोलते सर वॉल्यूम बताओ पार्टिकल्स दिए हुए कोई बोल रहा है वॉल्यूम बताओ तो क्या करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करोगे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो और फिर क्या करोगे अपने पास गिवन वॉल्यूम निकाल दो हो जाएगा सर श्योर sure हो तो चलो अब देखो अपने पास क्वेश्चंस देखते हैं सर क्या बोला जा रहा है सर मास दिया हुआ है दो ग्राम ओ टू का मास दिया गया है टू ग्राम ओ टू का मास दिया गया है और बोला जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं सर क्वेश्चन देखो अपने पास दो ग्राम वॉल्यूम है ओ टू का एट एन टी पी कितना वॉल्यूम अकोपाई करेगा टू ग्राम ओ टू कितना वॉल्यूम अकोपाई करता है इसके बारे में बात करेंगे टू ग्राम ओ टू कितना वॉल्यूम अकूपाई करता है तो इसके बारे में देख लो सर पहले क्या निकालेंगे डायरेक्ट

कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 1.4 लीटर आंसर कितना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर 2.8 तो नहीं होगा 16 का डबल तो नहीं होगा 3 नहीं होगा 11 टाइम्स नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा वन ऑप्शन क्या बात है ठीक है क्या बात है बहुत बहुत बढ़िया सब लोगों के सही आंसर आए हैं यार ठीक है सब लोगों के सही आंसर आ गए बहुत बढ़िया सर सीधा सीधा आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते इसीलिए ये वाई मैप याद रखना है वॉल्यूम दिया है मास निकालो मोल्स निकालो फिर मास निकालो इस तरह का चीज ध्यान रखना ओके चलो अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है 4.44.8 लीटर वेज हाउ मच ग्राम कितना ग्राम होने वाला है 44.8 लीटर ऑफ SO2 सर पहली चीज जैसे ही आपसे मास पूछा गया क्या करने वाले हो 44.8 डिवाइड बाय 22.4 ये क्या करोगे टू मोल ऑफ SO2 लोगे पहले मोल्स आ गया फिर आपसे पूछा जा रहा है मास बताओ मास ऑफ SO2 कितना आएगा एक मोल का मास पता है आपको एक मोल का मास पता है कितना होता है 64 सर, निकाल के कितना आ जाएगा 128 ग्राम कितना आ जाएगा 128 ग्राम तो आंसर क्या आ जाएगा 128 ग्राम ये मेरा आंसर आ जाएगा पक्का तो 44.8 लीटर को क्या लिख देंगे 128 ग्राम लिख देंगे हो गया सर ये क्वेश्चंस छोटे छोटे मगर बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है ये देख लो अपने पास अब की बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा एक चीज दिमाग में रख लो कि भैया दुनिया में कनेक्शन अगर स्टेब्लिश करना है चाहे वो सर वॉल्यूम का मास के साथ चाहे मास का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ हमेशा एक रूल याद रखो कि क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा मोल्स निकालने पड़ेंगे आ कितने मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होंगे तो सर क्या कर दें? Number, कर दें नंबर इतने अपने पास सेकेंड ऑप्शन हो, हो जाएगा वो थोड़ा वो गलती से स्लैश था छोटा सा टू था एन ए बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा श्योर हो तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इतने ही होता है आप ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हो ऐसा नहीं ठीक है बट हाँ क्वेश्चन है अब हो रहे हैं। कैसे कैसे मिक्स होंगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ट्राई करके देखो और देखो अपने पास ट्राई करके देखो सेवन पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ अ गैसाइज फाइव पॉइंट लीटर एज एस टीपी पॉइंट फाइव ग्राम फाइव पॉइंट सिक्स लीटर एस भी बना रहा है गैस कौन सी होगी कौन सी गैस होगी तो एक बात बताना सर ऐसा लिख सकता हूं फाइव लीटर ऑफ गैस कि मास कितना है उसका मास कितना हो गया उसका मास कितना हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ग्राम सर ये फाइव पॉइंट सिक्स लीटर की बात कर रहा हूँ एक लीटर में कितना हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फाइव पॉइंट सिक्स लीटर सर अपने पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स के बारे में बात कर लूँ तो सेवन पॉइंट फाइव अपॉन 5.6 पॉइंट इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये कितना हो गया फोर और ये कितना हो गया थर्टी ग्राम मैंने ये क्यों निकाला बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है एक मूल को ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक मूल को तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा अगर वो एक मूल का वॉल्यूम है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एक मूल के मास को सर एक मूल वॉल्यूम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एक मूल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा एक मूल के मास को और क्या आना होगा, तो सर इसका थर्टी ग्राम किसका आंसर आएगा थर्टी ग्राम सबका मूलर मास कैलकुलेट करके देख लो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा कौन सी गैस होगी थर्टी ग्राम वाली पक्का तो सर नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला नाइट्रोजन मोनो हम लोग आंसर निकाल देंगे श्योर हो बहुत बढ़िया अब चलो देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे जैसे अब इस तरह के क्वेश्चन दे दिए गए इस तरह के क्वेश्चन दे दिए गए सर मैक्सिमम नंबर ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने कहाँ होंगे ध्यान से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए जाए कहां पे होंगे तो कैसे निकालोगे तो सर सिंपल सिंपल चीज है कि नंबर ऑफ पहला ऑप्शन निकालना चाहते हो फटाफट निकालो थोड़ा फास्ट निकालने की कोशिश करो सर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत तो ऐसे नहीं है लेकिन हाँ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप करके निकालना चाहो तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पहले वाले में पहले वाले में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे दूसरे वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू निकालने जाओगे टेन अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये क्या हो जाएगा टेन अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये क्या हो जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स इसके हो जाएंगे और अगर मैं बात करता हूं थर्ड की तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अच्छा ही है ये भी यहाँ पे सर, by, हो तो mass, तो ये कितना हो गया थ्री बाई फोर ये इतने मोल्स हो गए तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3 बाई फोर एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इसके इसके मॉलिक्यूल्स इतने हो जाएंगे एंड वन अगर मुझे बोला जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू फाइव अपॉन फोर्टी फोर तो सर इसके कितने मोल्स हो जाएंगे और इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे फाइव अपॉन फोर्टी फोर एन ए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे फाइव अपॉन फोर फोर्टी फोर एन ए मॉक्यूल जाएंगे तो सर ये चारों में अब देख लो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके आ रहे होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने जाओगे तो सर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे जीरो पॉइंट कौन सा हो जाएगा सेवन फाइव जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा सेवन फाइव किसी को लगता हो कि नहीं सर मैं एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ लेकिन यार उसकी जरूरत है नहीं अगर किसी को लगता हो तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसकी वैल्यू निकालोगे जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन आ जाएगा जाएगा सिक्स सिक्स नाइन इंटू एन आ जाएगा इसकी वैल्यू निकालेंगे टेन अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर फोर लेकिन ये ऐसे एग्जाम हॉल में आप कर सकते थे बट हाँ किसी को आंसर चाहिए तो इसलिए मैं इस तरह निकाल रहा हूँ कि अगर कोई ये ना बोले सर आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया फाइव अपॉन ऐसे एग्जाम हॉल में मैं आंसर ऐसे ही बता सकता था क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई यही होगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा थर्ड वन कौन सा होगा थर्ड वन कौन सा आंसर आएगा थर्ड वन बहुत बढ़िया कौन सा हो जाएगा थर्ड वन हो जाएगा सर तो ये देख लो अपने पास ठीक है ये देख लो क्वेश्चंस देखो अपने को कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे अब दो क्वेश्चन आपके सामने हैं इसको मैं एक टेस्ट के फॉर्म में दे रहा हूं ये दो क्वेश्चन फटाफट कर जाइए ये दो क्वेश्चंस कर जाइए अपने पास इसके पास इसका ऑप्शन जीरो पॉइंट वन मॉलिक्यूल लेते हैं ठीक है अब अपने पास देख लो क्या बोला जा रहा है इसके दोनों के ऑप्शन देख लो दोनों के ऑप्शन देखो दोनों क्वेश्चन को आप एज टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए आप दस सेकेंड बीस सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो क्या होगा अपने पास पहले वाले का आंसर क्या होगा पहले वाले का आंसर क्या होगा पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा पहले वाले का आंसर निकालने चलेंगे तो सर पहले वाले का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सर टू मोल्स है तो टू मोल्स का सॉरी टू मोल्स दिया है वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ एच क्या हो जाएगा डायरेक्टली एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है सर ये कैलकुलेशन भी करना हम लोग गुना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं इस तरह क्वेश्चन फटाफट निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालना है सर मीथेन का हो चाहे कोई भी हो 4.48 डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं सॉरी ट्वेंटी 22.4 करने वाले तो ये कितना हो गया 1 बाई फाइव मोल्स ऑफ सी एच फोर वन बाई फाइव मोल्स ऑफ सी एच फोर मतलब 0.2 पॉइंट टू मोल ऑफ़ सी एच फोर हो जाएगा मॉलीक्यूल्स में बात करूँ तो 0.2 पॉइंट टू इंटू एन ए हो जाएंगे 0.2 पॉइंट टू इंटू एन ए ऑफ सी एच फोर हो जाएगा और अगर कोई पूछे मास के बारे में तो सिक्सटीन इंटू जीरो पॉइंट टू तो ये कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू ग्राम ऑफ मीथेन हो जाएगा देखो कौन सा अपने लोगों का गलत हो रहा है ये देख लो पक्का इसकी डीपीपी पीडीएफ सब कुछ आज शाम को मिल जाएगा शाम को कह रहा हूं अब तो रात को ही मतलब आज रात को अपने को सबको डीपीपी इसका मिल जाएगा चलो कितने लोगों के दोनों के दोनों सही हुए फटाफट हैंड्रेस करके बता दो कमेंट में कितने लोगों के दोनों के दोनों सही हो रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है ये देख ले भाई अपने पास क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि सर कुछ नहीं दो मूल्स का वॉल्यूम डायरेक्ट पूछ रखा है डायरेक्ट निकाल दिया सीधी सी बात है क्या बात है यार हैंड्रेज कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है एक ही सही हुआ कोई दिक्कत नहीं यहां वॉल्यूम दिया था आपसे क्या पूछ रहा है सर मोल बताओ ग्राम बताओ मॉलिक्यूल बताओ आपको वॉल्यूम से क्या आ गया पहले आपने क्या निकाल दिया मोल्स मोल से क्या निकाल दिया सर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से क्या कर दिया आपने मास निकाल दिया बहुत बढ़िया बहुत सही ठीक है बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया चलो तो अब देखो छोट छोटे छोटे क्वेश्चंस को अब फिनिश करते और अब हम लोग के पास आएगा अब सर देखो एक नई चीज निकालने की कोशिश करते हैं और नई चीज क्या है थोड़ा सा देखते हैं अब मैं मूल कॉन्सेप्ट में देखो स्टेट्स ऑफ मैटर की एक चीज लेके आना चाहता हूं और आज देखना अपने पास अब देखो इसीलिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्यों नाम ले रहा हूं क्योंकि ये यहां भी आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आने वाला है आइडियल गैस इक्वेशन यहां भी आएगा और स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आने वाला है सर क्या होगा इसके में तो देख लो क्या होने वाला है सबको पता होता है अरे बताता हूं देखो ध्यान से और आज से एक चीज क्लियर कर लेना एक चीज क्लियर कर लेना इक्वल्स टू एनआरटी सर यहां पर प्रेशर कोई दिक्कत नहीं वी क्या होता है वॉल्यूम पी क्या है प्रेशर प्रेशर का यूनिट बहुत सारे अलग अलग होते प्रेशर का यूनिट अलग अलग होंगे कौन कौन सा होता है सर पास्कल बोल देते हैं या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हो जाता है और यही मेरा एसआई SI यूनिट होता है सर एसआई SI यूनिट यही होता है फिर अगर बात करें तो पास्कल के बाद अगर प्रेशर का यूनिट बोले तो एम एम ऑफ एच जी हो जाता है या फिर सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो जाता है और जो एक दो कॉमन होने वाले होते हैं एक टॉर हो जाता है इधर एक और देखें तो ए टी एम हो जाता है और क्या हो जाता है बार इसके कन्वर्जन की बात करेंगे इसके कन्वर्जन की बात हम लोग करेंगे ठीक है इसके कन्वर्जन की बात हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में करेंगे लेकिन हाँ अगर कहीं पूछ दिया तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि वन ए टी एम इज़ वन ए टी एम इज़ अगर वन ए टी एम पूछ दिया गया तो सर 1 एटीएम के बारे में बात करें तो 760 एमएम mm ऑफ 1 एटीएम इज नथिंग 760 एमएम ऑफ एचजी या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या फिर 1 एटीएम के बारे में बात किया जाए तो 1.013 अपने पास बार आ जाएगा और 1 एटीएम इज 1.013 10 की पावर 5 पास्कलस आ जाएगा ये क्या आ जाएगा पास्कलस आ जाएगा 1 एटीएम की वैल्यू करें या फिर 760 टॉर आ जाएगा अगर ये बात कर रहे हैं तो वन ए के बारे में इस तरह की बातें हो रही होंगी श्योर हो तो यह छोटी छोटी चीज़ें अब किसने बोला सर वॉल्यूम के बारे में बात कीजिए तो वॉल्यूम ऑफ गैस जब निकालते तो वॉल्यूम ऑफ गैस का भी यूनिट अलग अलग होता है जनरली इसका एक कन्वर्जन याद रखिएगा एक कन्वर्जन जो आपको बार बार पूछा जाएगा वो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम का कन्वर्जन वन लीटर जो होता है वो टेन की पावर थ्री सेंटीमीटर क्यूब होता है और टेन की पावर माइनस मीटर क्यूब होता है जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो खूब मिलेगा ये और डेसीमीटर क्यूब होता है ये कन्वर्जन याद रखिएगा क्योंकि ये कन्वर्जन आपको बहुत ज्यादा यूज करने वाले ठीक है ये कन्वर्जन अपने पास ये ज्यादा ज्यादा यूज करने वाले ठीक है अभी देखो सर ये आर की नंबर ऑफ मोस्ट आपको पता है टेम्परेचर हमेशा लेंगे टेम्परेचर क्या लेंगे हमेशा इन कैल्विनचर की टेम्परेचर का भी आपको फॉर्मूला भूल चुके हो तो मैं आपको बस याद दिला देता हूं टेम्परेचर में फॉर्मूला होता है दिखे दिखे कि डिग्री सेल्सियस में टू ऐड कर देंगे तो कैलविन हो जाता है या फिर नाइन बाई डिग्री सेल्सियस में प्लस थर्टी कर दोगे तो डिग्री फैर हाइट हो जाता है तो ये कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए लास्ट वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आर की वैल्यू और आर की वैल्यू आज से अपने दिमाग में बिठा लो बेटा क्योंकि अब अगले कॉन्सेप्ट में या अगले स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आएगा तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की तीन वैल्यूज होती हैं ये देख लो 8.314 पॉइंट जूल्स पर कैलविन पर मोल ये वैल्यू कब लेनी है ये ध्यान रखना पहली बात इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे कैलकुलेशन में ट्वेंटी फाइव और ये वैल्यू कब ली जाती है जब प्रेशर किस में हो पासकल्स में हो या प्रेशर किस में हो न्यूटन मीटर माइनस टू में हो या वॉल्यूम किस में हो मीटर क्यूब में हो केमिस्ट्री में बहुत रेयर मिलेगा ले नहीं पाएंगे लेकिन केमिस्ट्री में ये वाली वैल्यू काफी मिलेगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन और इसको हम लोग लिख देते हैं 1/12 और ये कब यूज करते हैं जब प्रेशर किस में हो एटीएम में हो चाहे बार में हो और वॉल्यूम किस में हो जाए वॉल्यूम किस में हो जाए लीटर में और लास्ट वन सर आर की वैल्यू टू कैलोरी पर मोल पर कैलविन हो जाती है ये हम लोग केमिस्ट्री में बहुत रेयर यूज़ करते हैं ये कब होता है जब आपका सीजीएस यूनिट फॉलो हो रहा होता है मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट वन है वो है आर की वैल्यू और आर की वैल्यू सर आप जितना हो सकता है जितनी बार कर सकते हो जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिवाइज़ कीजिए रीज़न की आर की वैल्यूज़ आपको आर की वैल्यूज़ पुट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए पक्का ठीक है आर की वैल्यू में पुट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए आप देख लो शॉर्टकट आपके पास पड़ा है एट पॉइंट थ्री को एट पॉइंट थ्री वन फोर को ट्वेंटी फाइव बाई थ्री लिख सकते हो जीरो पॉइंट आइडियल गैस इक्वेशन क्यों लगा रहा हूं अगर आइडियल गैस इक्वेशन क्यों लगा रहा हूं तो ये देख लो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन क्यों लगा रहा हूं तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का यूज बता रहा हूं इस चैप्टर में क्यों होने वाला है ठीक है ये अपने पास क्यों होने वाला है क्योंकि आप देखो इसी चीज को अलग अलग तरीके से लिख सकते हो पी वी इक्वल्स टू एन तो सर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो भाई साहब गिवेन मास अपॉन मोलर मास इन लिख सकते हो और यहां से देखना यहां से क्या आ गया पी एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वी आर टी आइडियल गैस इक्वेशन को एक तरीके से और लिख सकता हूं और वो गैस के लिए क्या लिखूंगा पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी वेयर डी इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ़ गैस वेयर डी इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ़ गैस एम इज नोन एज मोलर मास ऑफ गैस सर देख लो डेंसिटी ऑफ गैस और ये क्या हो गया मोलर मास ऑफ गैस सर यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन को ल्यूज करके मैं डेंसिटी ऑफ गैस भी निकाल सकता हूँ दैट इज़ वॉट पी एम अपॉन आर टी डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा पी एम अपॉन आर टी पक्का डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा पी एम अपॉन आर टी

ऑटिक प्रेशर में क्या हो जाता है पाई सी आर टी तो आइडियल गैस इक्वेशन की तीन इक्वेशंस मेरे पास आ गई एक से क्या आ गया डेंसिटी एक से क्या आ गया प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और लास्ट वाला पहला वाला तो आपको पता ही था पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पक्का अब एक नया कॉन्सेप्ट क्या है उसके फिर क्वेश्चंस पे आएंगे एक नया कॉन्सेप्ट क्या होता है दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी ध्यान से देख ले भाई वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी क्या होता है वेपर डेंसिटी क्या होता है किसी भी गैस का अगर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालने जाओगे तो इट इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड एज वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस विथ टू थ रेस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी डिफाइन करते हैं रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस सबसे छोटा गैस सबसे हल्का गैस कौन सा है हाइड्रोजन गैस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब वेपर डेंसिटी कुछ नई चीज है नहीं वेपर डेंसिटी क्या होती है यूनिटलेस होती है ये क्या होती है यूनिटलेस होती है यूनिटलेस होती है क्यों क्योंकि सर इसमें क्या हो रहा होता है इसमें क्या हो रहा होता है देख लेना ध्यान से वेपर डेंसिटी क्या होती है यूनिटलेस होती है इसमें कुछ होना नया ना है नहीं बस ये रेशियो है किसका सर वेपर डेंसिटी कोई पूछ रहा है किसी गैस का तो कुछ नहीं आप क्या कर रहे हो डेंसिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम एंड प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लॉस भाई हम लोग लास्ट में करेंगे रुक जाओ अभी लॉज नहीं करने वाले ये देख डेंसिटी को कैसे निकालते हो प्रेशर मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय आरटी लिख दूं, डिवाइड बाय डेंसिटी में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय आरटी लिख दूं। सर आर कॉमन है टी कॉमन है प्रेशर प्रेशर कॉमन है क्या बच जाएगा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा और इसीलिए वेपर डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालने जाते हो तो वो दिस इज नथिंग मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा टू आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई क्या आ रहा होगा टू आ जाएगा पक्का तो ये अपने पास चीजें कर लो हो जाएगा सर अब देख लो मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गया उससे मैंने क्या निकाल दिया वेपर डेंसिटी निकाल दी वेपर डेंसिटी इज नथिंग मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय टू ये छोटी छोटी चीजें करते रहिए शिव अरे सिग्निफिकेंट फिगर सब आने वाला है पहले ये आइडियल गैस इक्वेशन पहले फिनिश करेंगे उसके बाद फिर छोटी छोटी चीजें खत्म करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मुझे बताना है राउंडिंग ऑफ भी बताना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही बताना है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्राइशमेट्री आज की रात सर आज पूरा पूरा आज फिनिश होने वाला है हाँ ठीक है ये देख क्या किया तो सर कुछ नहीं आपको आइडियल गैस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिखना सिखाया और उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया एक नई चीज निकाल दी वेपर डेंसिटी ये सब कुछ ये सब कुछ सर याद रखना ये सब कुछ अभी आएगा आपकी जिंदगी में स्टेट्स ऑफ मैटर में तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जब हम लोग आएंगे वहां पर भी ये सारी चीजें रिपीट हो रही होंगी कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा सर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टू सर ये सब चीजें वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा किसी भी गैस का मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा टू पक्का हो गया सर श्योर हो चलो ठीक है यहां देखो अपने पास क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं याद करो अब देखो क्वेश्चन क्या होता है आपने जैसे ही पढ़ा सामने वाला क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं तो परेशान करके रखूंगा जल्दी से जल्दी देख ले भाई ठीक है मोलर मास इज नथिंग वेपर डेंसिटी इंटू टू क्या होगा अपने पास किसके लिए होगा जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं अरे सर जल्दी जल्दी मेटल टिका नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ ये सब फॉर्मूला ये सब कुछ किसके लिए निकाला है भाई साहब आपने जिंदगी की सच्चाई ये पढ़ी क्यों है ये सब इसीलिए पढ़ा है ताकि आप किसके ऊपर गवर्न कर पाए सर आप न गैसेस के ऊपर बात कर पाए वेपर डेंसिटी जो निकाल के लाए है वो गैस के लिए होती है कभी भी मेटल नॉन मेटल्स इन सब के लिए नहीं होती गैस के लिए होती है पक्का हो जाएगा ग्रेट चलो बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखो बहुत सुंदर सा डेंसिटी ऑफ ओजोन रिलेटिव टू मीथेन अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होने वाला है डेंसिटी ऑफ ओजोन विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी अपने पास क्या होती है पीएम अपॉन आरटी होती है अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो उस केस में डेंसिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी मोलर मास हो जाएगी आप फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है आप डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या हो जाएगा डेंसिटी के लिए कुछ नहीं डेंसिटी का रेशियो बोल रहा है ना डेंसिटी का रेशियो बोल रहा है ना किसका डेंसिटी का रेशियो ओजोन विथ रिस्पेक्ट टू किसके मीथेन के यही बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं सर सीधा सीधा लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ ओजोन डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ क्यों क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है सेम है टेम्परेचर और प्रेशर जहां सेम हुआ टेम्परेचर और प्रेशर जहां सेम हुआ आर सेम है डेंसिटी डायरेक्टली पोर्सनल टू क्या आ जाएगा एम क्या हो रहा होगा ओजोन का मोलर मास कितना हो जाएगा 48, इसका कितना हो जाएगा 16, क्या रेशियो आ जाएगा थ्री इज टू वन क्या रेशियो आ जाएगा थ्री इज टू वन क्या रेशियो आ, आ रहा होगा थ्री इज टू वन हो जाएगा यही आंसर है क्या रेशियो आ जाएगा थ्री वन आप देख लो एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी सोचने की कोशिश करो कि सर ये कॉन्सेप्ट में कितना फास्ट सोच पाऊंगा ये कॉन्सेप्ट में कितना फास्ट सोच पाऊंगा पक्का हो जाएगा सर ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है सर ध्यान से देखो अपने पास क्वेश्चन को देखो ध्यान से वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस बी वेपर डेंसिटी ऑफ गैस वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी यही दिया हुआ है बोल रहा है कि एम, मासिकुलर मास ऑफ ए क्या होने वाला है मोलिकुलर मास बी क्या है एम है तो मोलिकुलर मास ऑफ ए क्या होने वाला है अरे कुछ नहीं भैया जो दिया है उसी में पुट कर दो वॉट इज वेपर डेंसिटी ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू यहाँ पे क्या लिख देंगे मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाई क्या लिख देंगे टू सर टू से टू चला गया वट इज एम ए एम ए कितना होगा टू टाइम्स क्या लिख दूं एम बी लिख दूं और यही क्या होगा टू टाइम्स एम हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा सेकंड वन क्या आंसर हो जाएगा सेकंड वन क्या आंसर हो जाएगा सेकंड वन हाफ नहीं होगा जिन लोगों का गलती से हो रहा है भाई गलती से एम बाई टू कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के भाई साहब ए बी की दी हुई है एम तो सर टू टाइम्स एम हो जाएगा पक्का जिन लोगों ने गलती से फोर ऑप्शन टिक कर रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए उसके हिसाब से कि भाई कभी भी इस तरह की चीजें ना कर दे इस तरह की चीजें ना हो पक्का चलो अब एक काम करते मोल्स हो गया मोल्स के ऊपर कैलकुलेशन हो गई अब एक चीज और देखना अब एक चीज और देखना ठीक है अब एक चीज भाई रिवीजन यही तो है अब रिवीजन अब इससे ज्यादा क्या करेगा भाई एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कर रहा है ठीक है अब इससे ज्यादा तो भाई तुझे फिर मतलब अब इसका उम्मीद से भी लास्ट में उम्मीद अब छोड़ दे फिर तो ये देख अब चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछता हूँ करना शुरू करेंगे हम लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस करना शुरू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भाई सोल्यूशन में भी आता है आप अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इलेवेंथ या ट्वेल्थ में नहीं हो तो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म वहां भी मिलेगा ठीक है देखो क्या होगा अमोनियम सल्फॉस्फेट है इसके पास कितने मोल क्या है हाइड्रोजन एटम है कितने मोल हाइड्रोजन एटम है थ्री पॉइंट वन एट मोल बोल रहा है ऑक्सीजन के एटम बताइए कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे अपने पास कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालोगे तो एक बात बताओ अगर एक मोल अगर या इस फॉर्मूले को देख लो कि सर एन एच फोर होल थ्राइस पी फोर ये दिया हुआ है एक बात बताना अगर हाइड्रोजन के आइटम देखें तो एक के अंदर कितने हैं बारह हैं हाइड्रोजन की अटोमिसिटी कितनी है बारह तो सर अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एच फोर होल थ्राइस पीओ फोर याद करो अपने पास जिन लोगों को याद हो मैंने क्या बोला था अगर सर एटम दिया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप किससे डिवाइड कर देते हो सर एवगैड्रो नंबर से नहीं आप किससे डिवाइड कर देते हो सर उसकी अटोमिसिटी से ये अटोमिसिटी से किसके मोल्स आ गए इसके मोल्स आ गए किसने बोला सर मुझे तो चाहिए ही नहीं था मुझे क्या चाहिए था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए था ऑक्सीजन के एटम चाहिए थे कोई दिक्कत नहीं कितने चाहिए सर ये इतने मोल्स हो गए तो so, ऑक्सीजन के आइटम्स कितने होंगे सर एक मोल में कितने होते हैं ऑक्सीजन के आइटम फोर होते हैं तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया थ्री पॉइंट वन एट डिवाइड बाई थ्री थ्री पॉइंट वन एट इंटू डिवाइड बाई थ्री मोल्स और इसी को क्या लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो सिक्स मोल्स वन पॉइंट जीरो सिक्स मोल्स क्या आंसर आ जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स मोल्स पक्का हो जाएगा सर आप कभी भी कुछ ऐसा कुछ मत सोचो ये देखो मैंने क्या बोला हाइड्रोजन के एटम्स दिए हुए थे तो हाइड्रोजन के एटम से अगर मोल्स निकालने हैं मॉलिक्यूल का एटम से मॉलिक्यूल निकालना है एटम से मॉलिक्यूल निकालना है एटम से अगर मॉलिक्यूल निकालना ध्यान से देखना अगर एटम है और आप क्या कर रहे हो मॉलिक्यूल निकालना चाहते हो एटम से मॉलिक्यूल जाना चाहते हो तो यहाँ पे किससे डिवाइड करते हो से किससे डिवाइड कर देते हो तो पार्टिकुलर बंदे के एटोम से और अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो किससे एटोमिसिटी से, से. किससे मल्टीप्लाई कर देते हो एटोमिसिटी से आप एक काम करो इसको जिसको भी डाउट आ रहा है ना जिसको भी लग रहा हो कि अरे सर कैसे आ गया तो ये ये अपने पास बॉक्स बना के रख लेना ये अपने पास बॉक्स बना के रख लेना अगर आपको लगता है तो ये देख लो अपने पास एटम से मॉलिक्यूल जाना है डिवाइड बाई, बाई एटोमिसिटी उधर से इधर आना है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एटोमिसिटी पक्का अरे क्या बात कर रहा है नीट के लिए क्या तुझे जेई मेन्स दे के आ जाएगा ये सब चीजें कर लेगा तो पक्का हो जाएगा सर अब देख अब चल तेरे पास तीन चार क्वेश्चन देता हूं फिर लॉस पे आऊंगा या बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट डायमेंशन इन सब पे आऊंगा ओके उसके बाद स्टर्चमेट्री वो खाना खाने के बाद हम लोग बात करेंगे ठीक है स्टर्शमेट्री और लिमिटिंग रिजल्ट एक साथ खाना खाने के बाद बात होगी लेकिन हाँ उससे पहले बेसिक बेसिक चीजें खत्म करेंगे जैसे मुझसे किसने पूछा अब प्लीज अपने पास कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं चार पांच क्वेश्चन है एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन है पांच ही क्वेश्चन है उसके बाद स्टार्ट होगा अपने पास थोड़ा सा एनसीआरटी की रीडिंग ये देख लो अपने पास कैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन देखना अपने पास सर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं आप आंसर देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो कोई कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर दे दो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो अपने पास क्या होगा ठीक है एक, एक कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए हाँ इंपेरिकल फार्मूला सब आएगा भाई इसीलिए तो बोल रहा हूँ लंच के बाद सीधा सॉरी डिनर के बाद हम लोग पे आएंगे सब कुछ अपने पास ठीक है

और अब किसी ने पूछ दिया कि सर नंबर ऑफ मोल्स बताओ तो सर अब कुछ नहीं सर क्वेश्चन का ट्विस्ट समझना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स थ्री गैस का पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा तो सर गिवन मास अपॉन कितना हो जाएगा उसका गिवन मास अपॉन कितना हो जाएगा क्या आंसर आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा क्या ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो भाई साहब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और वहां से सीखने करो. की वहां सीखने करो. की 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 कोशिश कोशिश करो करो क्वेश्चन क्वेश्चन लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ के वहां से कि यार इस में क्या अलग था था एक एटम का मास दिया हुआ मॉलिक्यूल का मास नहीं दिया था मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला थ्री से मल्टीप्लाई करके एटोमिसिटी इसीलिए किया गया था एटोमिसिटी इसीलिए किया गया था तो क्या हो जाएगा सर नंबर ऑफ क्या निकालना है मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स गिवेन मास अपॉन मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास पक्का हो जाएगा श्योर हो ये देखो अगला क्वेश्चन देखना अगला क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन हाँ सामने वाले को अब दिमाग लगाना है कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो ये चीजें देख लो मैंने आपको एक्स का मास नहीं दिया है आप मैंने आपको एक्स का मास नहीं दिया है ठीक है मैंने एक साथ अपने पास x का मास आपको नहीं दिया है मैं क्या बोल रहा हूं मुझे आपको एक्स एच टू का मास दिया गया है एक्स एच टू का मास दिया गया है तो उस केस में क्या होगा एक्स एच एक टू का मास दिया गया है कितना 34 ग्राम मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर इसका मतलब x का मास और प्लस टू कितना आ गया 34 फोर एक्स का मास कितना हो गया थर्टी टू अब एक्स का मास आ गया तो एक्स ओ थ्री निकालने की बात कर रहा है एक्स ओ थ्री क्या हो जाएगा थर्टी टू और प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री थर्टी टू प्लस क्या हो जाएगा 48 कितना हो गया सर अपने पास 80 ग्राम हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 ग्राम सर सोचो ना अपने पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सोचो अपने पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में ये देख के आपको डर लगना शुरू जरूर हो जाता है ये देख के डर लगना शुरू जरूर हो जाता है जैसे ये क्वेश्चन है ये देखो ये क्वेश्चन देखो 0.2 पॉइंट टू मोल्स ऑफ एन अन कंपाउंड जीरो पॉइंट टू मोल्स ऑफ एन अनोन कंपाउंड इज फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम द अननोन कंपाउंड इज अनोन कंपाउंड कौन सा होगा सर किसी का एक जीरो पॉइंट टू मोल का मास इतना है जीरो पॉइंट टू मोल का मास कितना है फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम तो ये कौन सा कंपाउंड होगा एक मोल का मास कितना हो जाएगा वन मोल का मास कितना हो जाएगा वन मोल ऑफ कंपाउंड एक मोल का मास कितना हो जाएगा सर क्या करेंगे एक मोल के मास के लिए क्या करेंगे 5.6 डिवाइड बाय क्या करेंगे 0.2 ग्राम सर ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम और यही क्या हो जाएगा इसका मोलर मास हो जाएगा यही क्या हो टू मोल्स ऑफ एन अनोन कंपाउंड जीरो पॉइंट टू मोल्स ऑफ एन अनोन कंपाउंड कितना हो गया ट्वेंटी ग्राम ट्वेंटी ग्राम किसका मास होगा किसका मास होगा तो नाइट्रोजन का भी मास दिख रहा है अच्छा यहाँ दो लोगों का है क्या कार्बन का कितना है ट्वेल्व और सिक्सटीन अच्छा दो लोगों का आंसर आ गया चलो भाई इसमें दो लोग आ गए क्या हाँ फाइव पॉइंट सिक्स है डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू ट्वेंटी एट ग्राम ठीक है दो लोग आ गए चलो कोई दिक्कत नहीं दो आंसर्स आएंगे इसमें वन एंड थ्री दोनों आएंगे इसमें वन एंड थ्री दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों ही आ रहे होंगे ए एंड सी ऑब्वियस है मल्टीपल चॉइस चलो गलती से आ गया है एक अपने पास ऑप्शन कुछ अलग होना चाहिए था लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं पक्का श्योर हो अब देखो मेरे पास तो थोड़ा सा अब देखो अपने को हम लोग यहां तक आ चुके हैं हम लोग सारे मूल की कैलकुलेशन कर चुके हैं तो अब मैं थोड़ा सा एनसीआरटी पे जाता हूं एनसीआरटी जब आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी अच्छा हाँ यार एक बच्चे ने कुछ याद दिलाया है शायद एक बच्चे ने याद दिलाया है कि इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कंपाउंड बोला जा रहा है कंपाउंड बोला जा रहा है तो आंसर जो होगा ए नहीं होगा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा हाँ बहुत बढ़िया ठीक है आंसर जो होगा ए नहीं होगा सी होगा क्या बात है यार बच्चे लगे पड़े मैंने देखो इसको बोलते हैं दिमाग लगा के बैठना क्या हो जाएगा कंपाउंड बोला जा रहा है जब कंपाउंड बोला जाएगा तो उस केस में क्या करने वाले हैं जब कंपाउंड बोला जाएगा उस केस में हम लोग क्या लेंगे अपने पास एटम वाला कंपाउंड को नहीं लेंगे जो हेट्रोटोमिक है वो अपना क्या हो जाएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब चल देख भाई

के नाम दिए गए हैं, जैसे कुछ मेडिसिन बता दे रहा हूं आप जब एनसीआर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आपको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है ये सिस्ट प्लेटिन तो आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन में बट टैक्सॉल नहीं मिलने वाला सिमिलरली अगर मैं बात करूं एजी एजेड टी एजिडोथाइमेडीन तो इसके बारे में बात करें तो ये किस लिए होता है यूज इन एड्स ट्रीटमेंट ये किसके लिए यूज होता है यूज इन एड्स ट्रीटमेंट ये इसके लिए यूज होता है अब मैं थोड़ा सा एनसीआरटी के फ्लो पे आता हूँ, क्योंकि मैंने मूल कॉन्सेप्ट करा दिया है तो अब एनसीआरटी के फ्लो पे आऊंगा अभी ये सारी चीज एन के हिसाब से करेंगे इंपेरिकल फॉर्मुला मोलिकुलर फॉर्मुला तक फिनिश करेंगे फिर स्टॉशमेट्री पे आएंगे और उस पर अपने पास स्टमेट्री वो हम लोग करना शुरू करेंगे तो ये अपने पास नहीं सर ये अपने को सिस्ट मिल जाएगा में और एज जेट्टी जो होता है ये अपने को एनसीआरटी में दिया हुआ है ठीक है ओके वेरी गुड चलो अब देखो एनसीआर में एक चीज दी गई है यूनिट्स एंड डायमेंशन यूनिट्स एंड डायमेंशन यूनिट्स एंड डायमेंशन एनसीआर में क्या बोलता है कि भाई साहब आपको ना हर एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी जैसे अपने को यूनिट एंड डायमेंशन में आपके पास दो टाइप की यूनिट्स होती हैं आपको ही पता है यूनिट्स में अगर हम देखते हैं तो हमारी लाइफ में दो टाइप का होता है एक ऐसा यूनिट होता है और एक अपने पास सी यूनिट होता है एक ऐसा यूनिट होता है और एक क्या हो जाता है सी यूनिट होता है हम हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम ऐसा

सब्सटेंस हो गया इंटेंसिटी हो गई ये सब बेसिक चीजें आ गई सर यहां पे कैंडेला इसका हो जाता है इसका मोल हो जाता है इसका कैलविन इसका एम्पियर इसका सेकेंड इसका किलोग्राम इसका मीटर किसी को लगता हो कि इन सबसे क्वेश्चन क्यों आता है या क्यों पढ़ा रहे हो क्योंकि इस साल का जब रिपीट जो फोर्थ सितंबर का पेपर देखोगे तो पता आ जाएगा पता चल जाएगा अपने पास फोर्थ सितंबर का पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा कि भैया ए सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ठीक है ये देख लो ये अपने पास एस आई यूनिट्स होते हैं एस आई यूनिट्स जैसे ही पढ़ते हो एनसीआर में कि सर सात एस SI आई यूनिट यूज करेंगे इन्हीं को लेकर हम सारा यूनिट डायमेंशन पूरा फिजिक्स का पढ़ते हैं लेकिन सर यहाँ पे यहाँ पे एक चीज आती है एंड दैट इज वॉट प्रिफिक्स प्रिफिक्स में

टू मतलब टेन के पावर माइनस फिफ्टीन सर यहाँ पे जस्ट अपोजिट चलना शुरू कर दो एग्जाम हॉल में सर ये सब चीजें आपको आनी चाहिए रीजन कि आज के ये सब और आपको मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कम से कम जो सर्कल किए हैं वहां तक आपको याद होने चाहिए ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि यहां तक आपको चीजें याद होनी चाहिए सर

इसके बाद देखो मुझे क्या बोला गया जैसे यूनिट ऑफ इंटेंसिटी पूछना है तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या था कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है कैंडेला होता है ठीक है अब देख लो अपने पास जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एवरेज एडल्ट के पास कितना लीटर ब्लड है अब छोटे छोटे क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो सर एक लीटर ब्लड में अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा आपको अगर कन्वर्जन आता है कि वन लीटर इज नथिंग टेन की पावर थ्री सेंटीमीटर क्यूब और टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब या फिर वन डेसीमीटर क्यूब अगर आपको ये कन्वर्जन आता है तो एग्जाम हॉल में सोचना भी नहीं है सीधा सीधा आंसर क्या मार दोगे अपने पास बी सीधा सीधा आंसर क्या मार दोगे बी मार दोगे सीधा सीधा आंसर लेकिन हाँ जिनको नहीं आता है, वो एग्जाम हॉल में ऐसे छोट छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी क्या करेंगे अटक जाएंगे ऐसे छोट छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी क्या करने वाले अटक जाएंगे अपने पास तो ये चीज ध्यान रखना

आप अपने पास क्वेश्चन निकालने जाओगे तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे आपने पास ऐसे ऐसे अब देखो ना यूनिट एंड बेसिक क्वेश्चंस पे आप सब लोग करने फंसे हो सर सबसे बड़, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा ना तो आप हमेशा ही परेशान रहोगे ठीक है ये देख लो अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है कब ऐसा होगा कि जितना डिग्री सेल्सियस दिखाएगा उसका डबल फ़ारेनहाइट में दिखाएगा तो क्या हो रहा होगा एक सौ साठ डिग्री सेल्सियस अगर आप सेल्सियस में लोगे फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा तीन सौ बीस पक्का हो जाएगा ये देख लो अपने पास अब छोटे छोटे क्वेश्चन अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिंपल रूल्स पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिंपल रूल्स पढ़ते हैं इसका रूल क्या बोलता है रूल क्या बोलता है रूल नंबर अगर वन की बात करते हैं ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल नॉन जीरो डिजिट्स ऑल नॉन जीरो डिजिट्स ऑल नॉन डिजिट सिग्निफिकेंट सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं सर दूसरा रूल क्या बोलता है अगर रूल नंबर टू के बारे में बात करें तो रूल नंबर टू के बारे में बात करें तो यहां पे क्या बोलते हैं कि सर जीरो जीरो जीरोस प्रेसिडिंग टू या जीरोस लेफ्ट टू लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट सर जितने भी नॉन डिजिट जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरोज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट नहीं होते मतलब सर अगर आप डेसिमल से पहले जीरो से पहले ये देख लो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव वन लिखा हुआ है तो सर ये क्या होगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछोगे तो ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा कोई बोल रहा है ना कि सर क्यों अरे भाई ये बहुत अपने पास यही दिक्कत है ठीक है यही दिक्कत होती है ये क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है कभी भी अभी लास्ट टाइम पूछ लिया है अभी दोबारा पूछ सकता है भाई साहब ये देख लो जीरो नॉन जीरो जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो नॉन जीरो जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो राइट टू द राइट टू द डेसिमल प्लेस राइट टू द डेसिमल प्लेस ये क्या हो रहे होंगे अपने पास राइट टू द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट राइट टू द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट मतलब अगर आपके पास जीरोज जो हैं अगर ऐसा लिखा हुआ है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो वन डबल जीरो तो सर देख लो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे काउंट करके देख लो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे अगर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने जाऊं तो सर ये कैंसल आउट हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा बट ये, ये ये सिग्निफिकेंट ये, फिगर्स कितने हो जाएंगे पांच क्यों क्योंकि जीरो किसके बीच में इन बिटवीन नॉन जीरो चार और वन के बीच में जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट है सर इसके राइट right साइड में डेसिमल के राइट right साइड में जितने जीरो होते हैं डेसिमल के राइट right साइड मतलब राइट टू द डेसिमल प्लेस ठीक है राइट टू द डेसिमल प्लेस मतलब क्या हो गया राइट टू डेसिमल प्लेस ऑफ नॉन डी जीरो डिजिट ऐसा नहीं कि भाई नॉन जीरो डिजिट ठीक है तो ऐसा ले लेते हैं क्या बोल देते हैं सिग्निफिकेंट बोलना शुरू करते हैं ये देख लो अपने पास एंड द लास्ट वन अगर आपके कोई पूछ ले अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया अगर अगर कोई पूछ ले कि मेजरमेंट करने में अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है अगर ऐसा लिखा हुआ है हंड्रेड मीटर्स तो हंड्रेड मीटर्स में अपने पास अगर ये ऐसे कहीं लिखा हुआ है या काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के पास काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास क्या हो जाता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं इनके पास क्या हो जाते हैं अगर आप काउंटिंग कर रहे हो तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे मान लो कहीं पे ट्वेल्व एप्पल्स लिखें तो ट्वेल्व एप्पल्स में अगर तुमसे कोई पूछ दे तो भैया यहाँ पे क्या होंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे क्यों क्योंकि ये काउंट करके आ रहे हो जैसे मैं अकेला आ रहा हूं तो इसमें क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं वन टू थ्री फोर इनकी बातें कर लो ठीक है ये सब चीजें हो जाएंगी

ये डिजिट टू बी इफ द डिजिट टू बी रिमूविड अगर जिस रिमूव करने जा रहे हो इफ द डिजिट टू बी रिमूव इज सर ऑप्शन वन ग्रेटर देन वन होता है अगर ऑप्शन वन ग्रेटर देन वन होता है ग्रेटर देन फाइव होता है देन देन एड आड, एड प्लस वन टू तो प्रिस नंबर सो so, उससे पहले वाले नंबर पे आप क्या कर देते हो प्रेसिडिंग नंबर पे क्या करते हो प्लस वन ऐड कर देते हो क्या कर देते हो प्लस वन ऐड कर देते हो ये देख लो अपने पास अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है फोर नाइन nine... दिया हुआ है इसको मुझे राउंड अप करना है एक डेसिमल तक तो क्या करूंगा इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा फाइव कर दूंगा कैसे किया मुझे इस नंबर को रिमूव करना था इस नंबर को रिमूव करना था मैंने क्या देखा फाइव से बड़ा है जस्ट ऐड कर दिया सर सिमिलरली अगर लेस देन फाइव हो गया अगर लेस देन फाइव हो गया अगर लेस देन फाइव हो गया तो लेस देन फाइव में क्या करेंगे देन नो चेंज

Preceding number, जो उससे पहले वाला है उसको चेक कर लो अगर अगर वो वो है है no उसके अंदर कोई change नहीं होगा तब तो, तो no अगर उसमें even number है तब तो, तो no change. If it is odd, अगर ये ऑड हुआ तो उसके केस में आप क्या करने वाले हो प्लस वन टू द प्रेसिडिंग डिजिट प्लस वन करने वाले मतलब इसके केस में थोड़ा सा स्पेशल चलोगे जैसे मैंने ये बोल दिया कि सर आप ना एक काम करो 6.45 है और 6.55 है मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो कुछ नहीं आप इसको रिमूव करना चाहते हो आप पहले वाले नंबर को देखो इवन है ना कोई चेंज नहीं करना है और इसको रिमूव करना चाहते हो तो इसमें क्या है ऑड है तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है ये होता है राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है ये होता है लेस देन फाइव होगा लेस देन फाइव होगा तो ये सब चीजें होंगी ग्रेटर देन फाइव होगा तो ये होगा अगर इक्वल टू फाइव है तो उसमें चेक करो अगर इवन है अगर वो इवन है और ऑड है इवन में कोई चेंज नहीं ऑड वाले में क्या करते हैं प्लस वन कर देते हैं इवन वाले क्या हो जाएंगे प्लस वन सर इवन में कोई चेंज नहीं ऑड वाले में क्या करना है प्लस वन करना है पक्का हो गया तो देख लो राउंडिंग ऑफ करने चलोगे तो ये सब छोटी छोटी चीजें मिलेंगी ये सब छोटी छोटी चीजें मिलेंगी अब आते हैं छोटी सी चीज़ पे एंड दैट इज व्हाट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी के फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं हम लोग अभी शुरुआत में भेद लास्ट में हम लोग पिस्टॉइसमेट्री और पी वाई करने वाले अभी शुरुआत में हम लोग ये करने वाले प्लीज देखना अपने पास एनसीआरटी के फ्लो में और क्या क्या आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधा सीधा बोला जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधा सीधा सर किसने दिया था लेबवाइजर ने कब दिया था इसकी जरूरत नहीं है अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देख लो कब दिया था इसकी जरूरत नहीं है ठीक है कब दिया था इसकी जरूरत नहीं है लेबवाइजर ने दिया था और इस बंदे ने क्या बोला कि सर आज के बाद आप क्या करेंगे कभी भी किसी मैटर को ना क्रिएट करेंगे ना ही कभी डिस्ट्रॉय करने वाले मतलब किसी भी रिएक्शन में जाते हैं तो मास जो होगा टोटल मास जो होने वाला है इवन जो आप रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हो जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन होती है वो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर बेस्ड होती है? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जो होती है केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंसिंग होती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी रिएक्शन को तभी बोल पाओगे केमिकल रिएक्शन को जब वो किसको केमिकल रिएक्शन बैलेंस बोल पाओगे जब वो किसको फॉलो कर रहा हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा हो ये याद रखना अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पांच लॉज छह लॉज मिलेंगे लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कभी भी अपने पास कभी भी यूज़ हो सकता है कभी भी यूज़ हो सकता है ठीक है अपने भाई क्लास कब खत्म होगा चलेगा भाई आज तो खत्म करना है तुम ये सोचना भाई तो अपने पास एक दिन में तू पूरा चैप्टर खत्म कर रहा है यार ये चैप्टर पढ़ने के लिए लोग दस दस दिन लगाते बीस बीस दिन लगाते तो इलेवेंथ क्लास की चैप्टर याद कर तो भाई अपना मोटिवेशन तू खुद ही कम कर लेगा कंसिस्टेंसी कम कर लेगा तो कैसे काम चलेगा ठीक है हाँ सेवेंटी अरे ईयर के चक्कर में मत पड़ो ईयर में सेवेंटी फोर दिया है कोई एटी नाइन दिया है कुछ फर्क पड़ेगा नहीं एनसीईआरटी जो दिया है वही मान लेना ठीक है एनसीईआरटी जो दिया होगा वही मान लेना कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे नहीं उससे लेवाइजर से बहस छोड़ना का मर चुका है वो लेवाइजर जा चुका है क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है सेवनटीन फोर्टी थ्री दिया और क्या फ़र्क पड़ रहा है यार तुम बस इस काम से मतलब रखो कि इस बंदे ने क्या क्या बोला कि भैया बैलेंसिंग जो करोगे वो किसके ऊपर बेस्ड होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर और इसमें क्या बोलते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू तो मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन इसमें सर ये किसी को फॉलो नहीं करता इसका एक लिमिटेशन आता है इसका एक लिमिटेशन होता है ये कहां पे वैलिड नहीं होगा इसका लिमिटेशन याद रखना कि ये कहां वैलिड नहीं होता है या इसका ड्रॉबैक याद रखना ये कहां वैलिड नहीं होगा लिमिटेशन या ड्रॉबैक याद रखिएगा ये कहा वैलिड नहीं होता है सर केमिकल रिएक्शन में तो वैलिड होगा इट इज नॉट वैलिड फॉर इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व कन्वर्ट हो जाता है कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है कुछ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में E इज इक्वल्स टू डेल्टा एमसी स्क्वायर आपको पता होगा आज के टाइम पे आप अगर

हाँ अरे अभी पहुंचेंगे यार क्या बात पढ़ा रहे हो क्या बात कर रहे हो ठीक है अभी पहुंचेंगे कॉलेज पहुंचना है लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लो सिलेबस एनसीआर बेस्ड होता है यार आज के टाइम पे ना दिक्कत ये कि है कि एनसीआर बेस्ड होती हैं चीजें इजी चीजों में ज्यादा ट्रैप होते हो अगर तुमसे बोला जाए ना हंड्रेड प्लस हंड्रेड थोड़ा फास्ट फास्ट पूछना शुरू किया जाए तो आप हंड्रेड प्लस हंड्रेड क्या बोलोगे टू हंड्रेड टू हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फोर हंड्रेड और टू हंड्रेड्रेड प्लस मल्टीप्लाई करके बोल दिया जाए तो आप फंस जाओगे इसीलिए बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो कि यार मैं इस तरह की चीजों को अगर स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फंसना नहीं है इस बात की गारंटी है बेटा मैं बोल तो रहा रह इसी टाइम पे हम लोग सात मई को खड़े होंगे इस टाइम पे ही साथ में खड़े होंगे और हम डिस्कशन करके मजाक उड़ा रहे होंगे यार ये चीज हमने पढ़ाई थी ये बोला था ये चीजों पे ध्यान रखना और उस टाइम शायद कुछ लोग हो सकता है जो रो रहे हो कि यार यार सर ने बोला था उस टाइम गलती कर दी इसीलिए बोल रहा हूँ बेसिक -बेसिक थोड़ा सा रिवाइज ज्यादा करो, करो। क्यों क्योंकि सर एक बात बताओ हमें अगर नहीं करना हो तो सोचो ना आप मतलब आप विजन सोचो ये चीज यूट्यूब पे चल रही है फ्री में आप इसी के लिए पैसे देके कहीं पढ़ रहे थे या अभी तक किसी कोर्स में पढ़ रहे होंगे सोचो आप किस लिए है क्योंकि सर आप लोगों को जो लोग लास्ट स्टेप पे बचे ना उनको धक्का मार के कुछ रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए कुछ तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए ठीक है सर सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन अपट्रैक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते हो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स बता दिए एडिशन अपट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन आप फिजिक्स में पढ़ते हो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ते हो यूनिट डायमेंशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो यार बेसिक मैथ्स में वो भी चीजें आएंगी यूनिट डायमेंशन करोगे तो भी चीजें आएंगी नॉर्मलिटी आएगा नॉर्मलिटी हम लोग करेंगे जब रिएक्शन कर होंगे तब करेंगे ओके हाँ, जरूरी नहीं भाई तुम्हें आधा अधूरा आता है ठीक है आधा अधूरा आता है इसलिए अपने को थोड़ा सा आगे चलते हैं ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक तो भाई लगातार ही मैसेज किए जा रहा है ठीक है एक को तो मेरा नाम भी नहीं पता सोच वो ऐसे ही क्लास अटेंड कर रहा है ओके okay. डिनर का टाइम अभी थोड़ा ही ना होता है यार इंडिया में बैठे हो यार आठ सोलह पे थोड़ी ना डिनर होता है अभी चलते हैं बस ये लॉस लौ, कर रहे हैं लॉस के लेक्चर्स लॉस करेंगे और मास परसेंटेज इंपेरिकल फॉर्मूला ठीक है वो करके उसके बाद ब्रेक लेंगे फिर हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे स्टॉइशमेट्री और क्या करने वाले हैं लिमिटिंग रिजेंट प्योरिटी का ये सब कॉन्सेप्ट करने वाले हैं पक्का चलो मैं बोल रहा था इसके लिए कि लेवाइजर कंजर्वेशन ऑफ हाँ बहुत बढ़िया आप कुछ लोगों ने नाम बताना शुरू कर दिया है ठीक है नहीं नहीं डिनर ग्यारह बजे नहीं करना है यार हमें पहले पहले करना होता है नाइन थर्टी पर हमने बोला है नाइन थर्टी पर ब्रेक लेंगे उसके बाद बीस मिनट के ब्रेक के बाद फिर लिमिटिंग रिएजेंट स्टॉइमेट्री ये सब शुरू करेंगे और उसके बाद क्लास फिनिश हो रही होगी ठीक है मैं ही पूरा फिजिकल नहीं है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप बस अपने पास देख लो मेरी आज पहली क्लास थी कि बहुत बेसिक से उठाना था बेसिक से उठा के लेके जाना है क्योंकि अगली क्लास जो होगी जब आपकी बॉटनी जुलोजी फिजिक्स के बाद फिर केमिस्ट्री आएगी तो उस टाइम पे तब तक आप रिवाइज करके चीजें फिनिश करके रखोगे क्योंकि उसकी अगली क्लास में फिर से आपको दिक्कत ना आए ठीक है ना तो ये ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लो आपको सोल्यूशन में कराएंगे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का नाम मतलब क्योंकि वो वहां पे भी रिपीट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वहां हो जाएगा तो चला यहाँ पे फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा ना फिर बारह एक बज जाएंगे तुम तो निकल जाओगे मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा ठीक है तुम्हारा क्या है तुम तो बस हाँ सर कल कर लेंगे बाद में वीडियो देख लेंगे चलो देखो लॉ ऑफ अपने पास कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन ये भी किसने दिया भाई ईयर की गारंटी नहीं है मेरे पास प्राउस्ट ने दिया था प्राउस्ट ने दिया था क्या बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा होता है कि भाई कोई भी कंपाउंड तुम कहीं से लेके आ जाओ क्या रखना अपने पास कहीं से भी लेके आ जाओ आप किसी भी टाइप का जैसे पानी है अब पानी तुम सर घर से लेके आओ चाहे नव समुद्र से लेके आओ चाहे अपने उस है ना नाले से लेके आओ कहीं से भी पानी लेके आओ अपने को सर क्या होगा पानी का फॉर्मूला क्या होने वाला है सेम रहने वाला है मतलब वाटर का अगर देखोगे आप किसी भी सोर्स से लेके आइए वाटर के अंदर दो ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन होगा और सिक्सटीन ग्राम क्या होने वाला है ऑक्सीजन होने वाला है दो ग्राम क्या होगा हाइड्रोजन और सिक्सटीन ग्राम क्या होने वाला है ऑक्सीजन होने वाला है दो ग्राम हाइड्रोजन सिक्सटीन ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन और ये रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं आप पानी का कोई भी सोर्स हो जाए कोई भी सोर्स हो कोई भी मेथड से प्रिपेयर करो आपको यही रेशियो हमेशा मिलने वाला है याद रखना मास का रेशियो सेम रहेगा चाहे किसी भी सोर्स से लेके आइए कहीं से लेके आइए मास का सोर्स क्या रहेगा मार्स का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहने वाला है पहला चीज पहली चीज याद रखना पहली चीज़ क्या पड़ी सर लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन लेव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि सर पूरे रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है ठीक है दूसरा दूसरा क्या पड़ा कि सर कहीं से भी अगर कोई कंपाउंड फिक्स कर दिया एक बात बताओ मान लो मैंने सी टू फिक्स कर दिया कि सर सी टू ना कहीं से आया तो उसमें क्या हो रहा है बारह ग्राम कार्बन है और थर्टी टू ग्राम क्या है ऑक्सीजन है यही है बारह ग्राम कार्बन है थर्टी टू ग्राम ऑक्सीजन है तो रेशियो क्या हो गया ट्वेल्व इज टू थर्टी टू अब ये सीओ टू तुम चाहे लैब में बनाओ ये सीओ टू चाहे तो तुम क्या करो अपने पास ये सीओ टू क्या बनाओ लैब में बनाओ ये सीओ टू तुम सर अपने पास घर में या सांस से मिट्ट कर रहे हो कहीं से भी सीओ टू लेके आओगे वो रेशियो रेशियो मास का क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है वो मास का रेशियो क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है तो एच टू हो चाहे सीओ टू हो कोई भी रिसोर्स हो उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये कॉन्स्टेंट कंपोजिशन या डिफरेंट प्रपोशन क्या बोलता है इसके लिए कि सर हमेशा क्या होगा सेम रेशियो रहने वाला है इसका एक्सेप्शन देखोगे या इसका लिमिटेशन देखोगे तो इसका लिमिटेशन क्या हो जाता है इसका लिमिटेशन क्या हो जाता है कि सर इट इज नॉट वैलिड फॉर इट इज नॉट ट्रू फॉर या बोल सकते इट इज नॉट ट्रू फॉर सर किसके लिए सर आइसोटोप्स के लिए इट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोटोप्स आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं होगा अगर कहीं पे देख लो अपने पास अब वाटर है आप वाटर को क्या बोलोगे और एक और वाटर होता है इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ये क्या है वाटर यहां पे देखोगे तो यहां पर सर हेवी वाटर ड्यूटेरियम का मास कितना हो जाएगा फोर ग्राम

अब देखो सर पहला हो गया दूसरा हो गया थर्ड वन देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन की डोल्टन भाई साहब ने दिया और काफी इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा होता है इसमें दिक्कत पता है क्या होती है आइसोटोप्स के लिए तो वैलिड नहीं होगा ठीक है अभी अपने पास देख लो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रमोशन को ना ये स्टेटमेंट तुम पढ़ लो चाहे जैसे पढ़ना है मैं तुम्हें क्वेश्चन का एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं ध्यान से रखना अगर रिएक्शन दिया है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है अगर एक ही कंपाउंड है अलग अलग सोर्स से बोल रहा है तो वहां क्या लगाएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ लेकिन अगर ध्यान से देखना दो कंपाउंड हैं ये देख ले भाई ए प्लस बी दो एलिमेंट्स हैं अगर इनके कोई भी कंपाउंड बनते हैं ए बी बन रहा हो ए टू बी बन रहा हो ए थ्री बी थ्री बन रहा हो ए थ्री बी फोर बन रहा हो कुछ भी बन रहा हो सर यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक मैथ्स लगाओ तुम सबको पता है कि सर सबके आइटम्स का रेशियो क्या होता है सर या तो होल नंबर होगा किसी का आधा नंबर थोड़ी ना आएगा यार अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं अगर दो लोगों के बीच में बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं तो उसके केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा अगर आपका सर सबके बीच में जो नंबर का रेशियो है वो होल नंबर है वो मास वास छोड़ दो वो कहानी लिखी हुई है लिखे रहने दो कोई दिक्कत नहीं आप सिंपल सा तरीका पकड़ लो कि सर इसका रेशियो क्या है वन इज टू वन इसका रेशियो टू इज टू वन इसका रेशियो थ्री इज टू वन अगर एटम्स का रेशियो होल नंबर है तो उस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा अगर आप यहीं पर लिख देते कि सर ए वन बी टू पॉइंट सेवन तो इस केस में मैं कभी नहीं बोल पाता यहां law of multiple proportion valid नहीं होता सीधा सीधा सिंपल सी चीज याद रखना ठीक है आप सीधा सीधा याद रखो अरे कौन है भाई जिसको ईयर से बहुत फर्क पड़ रहा है ठीक है देखो देख लो भाई ज्यादा ईयर से फर्क मत पड़ा ठीक है हाँ देख भाई क्या बोल रहा हूँ लिखने का कौन टेंशन ले रहा है यार अब तो बहुत लंबी क्लास हो गई लिखने की टेंशन नहीं लेनी आप बस सुनो कहानी सुनना और ध्यान से धीरे धीरे अपने पास आज शाम को आज रात को मिल जाएगी पीडीएफ उससे बस इसके क्वेश्चंस फिर से दोबारा कर लेना ठीक है मैंने ये कहा कि सर देख लो ए प्लस बी दो लोगों के बीच में अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं तो आपको बस ये मैच कर लेना है कि इनका रेशियो जो है एटम्स का रेशियो एटोमिसिटी जो है वो होल नंबर होनी चाहिए पक्का होल नंबर होना चाहिए बाकी फ्रैक्शन में अगर आ गया तो यहां पर बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोशन इज नॉट ओबेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोशन इज नॉट ओबेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोशन बहुत ज्यादा अपने पास Important है कैसे ये देख लो अब तुम्हें एक्साम्पल में दिखाता हूं जैसे मैं तुम्हें ये बोल दूं कि सर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है nitrogen plus oxygen, इसके अब बहुत सारे compound बनते हैं no बन 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 गया 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 अरे भाई statement पे मत जा तू बस किसके होल में है? कोई दिक्कत नहीं तो ये क्या कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड हो रहा है यहां पे है लेकिन

हो जाएगा सर चलिए ये क्वेश्चन देखिए लॉ ऑफ रेसी प्रोकल्पोर्शन ऐसे सिलेबस में नहीं है लेकिन हाँ बेसिक बात जान जाओ एक सिंपल तरीका बताता हूं ये देखना सर यहाँ पे यहां देखना एक ही कंपाउंड था उसी को अलग अलग सोर्स से लेके आए तो उसका रेशियो सेम रखा इसको क्या बोला लॉ ऑफ डेफरेंट प्रपोर्शन यहां देख लो दो कंपाउंड से एग्जाम हॉल में ट्रिक पकड़ना एक मिनट देखना ध्यान से एग्जाम हॉल में ट्रिक पकड़ना अगर दो एलिमेंट से मिलके कंपाउंड्स बन रहे हैं एक दो चार जितने भी बन रहे हैं उन सब में क्या लगाओगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन श्योर हो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लगाओगे एक दो एलिमेंट से मिलकर एक से ज्यादा जितने भी कंपाउंड बना रहे उसको क्या बोलेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लेकिन अगर तीन एलिमेंट्स मिल गए और तीन एलिमेंट्स के बीच में कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए ये ध्यान से देख लो अपने पास ए बी सी ऐसे कंपाउंड्स बन गए तीन एलिमेंट्स के बीच में एक कंपाउंड ए का ऐसा मान लो ए बी टू बन गया इसका कंपाउंड बन गया ए सी फोर बन गया तो सर ऐसा बन जाए कहीं पे बी सी टू तो समझ जाना आपको कोई यह सब ऊपर नीचे की जरूरत नहीं आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाना ध्यान से सुन लो मैंने बोला दो लोगों के बीच में दो लोगों के बीच में ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं ए टू बी थ्री सर दो लोगों के बीच में ए थ्री बी फोर सर दो लोगों के दो एलिमेंट्स के बीच में ऐसा बन रहा है अगर ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लगाते हो यहाँ पे आप क्या लगाओगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाओगे यहाँ पे आप क्या लगाओगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाओगे एग्जाम हॉल में आप इतना ज़्यादा कहानी बना नहीं सकते आप याद रखना अपने पास ये याद रखना अपने पास आप सिंपल सा आपके पास ट्रिक क्या है कि सर आप ना ऐसे देख लो x प्लस वाई प्लस जेड अगर दो तो लोगों के बीच में ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं एक्स टू वाई वाई थ्री जेड अगर ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं वाई थ्री जेड और यहाँ पे क्या हो जाए एक्स टू जेड थ्री तो ये वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे ये वाला जो होगा जहाँ तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए और तीनों के आपस में दो दो के कम्बिनेशन में कंपाउंड्स बन रहे हैं आंख बंद करके लॉ ऑफ क्या लगा देना रेसी प्रोकल अगर भाई इसको अवॉइड भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है रीजन कि एन में है नहीं एन सी आज के टाइम पर ये बाहर जा चुका है एन सी आज के टाइम पर बाहर जा चुका है ठीक है बस ये देख लो ये देख लो अपने पास मैं क्या बोल रहा हूं ए बी टू ए सी टू आप तीन लोगों के बीच में यहां पर तीन लोगों के बारे में बात कर रहा होगा थर्ड एलिमेंट यहां तीन एलिमेंट जहां इन्वॉल्व हो गए आप लॉ ऑफ क्या कर देना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ क्या कर देना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पक्का हो जाएगा सर लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो जाएगा जब तक ये देख लो लास्ट वन गे लुजाक्स ऑफ गैसेज वॉल्यूम गे लुजाक्स लॉफ गैसेज वॉल्यूम क्या बोल रहा है कि कुछ नहीं भाई साहब अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि कोई गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो भी कैसा होगा अगर वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो वो कैसा होगा अपने पास वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो वो कैसा होगा सर अगर मैं इसका एक लीटर ले रहा हूं तो इसका एक लीटर और इसका कितना बनेगा दो लीटर वॉल्यूम का रेशियो भी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो की तरह ही होगा और वो भी हमेशा क्या होगा होल नंबर रेशियो में होगा या उनके स्टॉयोमेट्रिक कॉफिशियंट के इक्वल होता है जैसे मैं अगर ये रिएक्शन लिख देता हूँ एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एस थ्री एन टू लिख देता हूँ अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो याद रखो अपने पास ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अगर ये वन लीटर लेता हूँ ये थ्री लीटर और ये टू लीटर तो जिस रिएक्शन में सर वॉल्यूम का रेशियो अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है बेसिक चीजें आ रही हैं तो उस केस में क्या बोल देते हैं लॉ ऑफ वॉल्यूम, पक्का तो सर सिंपल से चीजें सिंपल से चीजें हैं ये धिम्बा सिंपल सा। पांच लॉज आए आपके पास पांच लॉज पांच लॉज को फटाफट पकड़ने की कोशिश करो पांच लॉज के पास फटाफट पकड़ने की कोशिश करो ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ पांच लॉज पकड़ने की कोशिश करो कौन कौन से अगर रिएक्शन दिया है और रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास के बारे में बात कर रहा है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ध्यान से सुनना अगर कोई रिएक्शन दिया है रिएक्शन के 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 अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मास बारे में बात कर रहा है कौन सा हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेकिन अगर रिएक्शन दिया है और वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगाते रिएक्शन दिया है मास की कंजर्वेशन की बात कर रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास

तीन एलिमेंट्स हैं, उनके आपस में कंपाउंड्स बन रहे हैं तो उनको कौन सा लॉ बोल देते हैं उनको हम लोग लॉ बोल देते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक बार देख लो फिर से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये देख लो मैंने बोला मेरे पास टोटल पांच लॉज हैं। अगर कहीं रिएक्शन दिया हुआ है मान लो ये रिएक्शन दी हुई है अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है ठीक है ये रिएक्शन दिया हुआ है तो अगर ऐसा लिखा जाए ए लीटर और ये बी लीटर और यहाँ पे सी लीटर अगर वॉल्यूम बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गे लॉ ये किसके बारे में बात करेगा गेलुजाक्स लॉ के बारे में बात कर रहा है सर एक चीज़ और अगर यहाँ पे इसका दे दिया जाए दस ग्राम इसका दे दिया जाए बीस ग्राम और यहाँ पे कितना लिख दिया जाए तीस ग्राम तो ये कौन सा लॉ की बात करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सर ध्यान से देख लो पांचों लॉज आपके एकदम टिप पे हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोई रिएक्शन दिया है तो उसके अंदर दो ही लॉ लग सकते हैं या तो गेजाक्स लॉ लगेगा या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा फिर से देखो अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और अगर सर कोई कंपाउंड है मान लो ए बी कंपाउंड है सोर्स वन से आया सोर्स वन से निकाल के लाए सोर्स वन से निकाल के लाए ए का मास का रेशियो बी का मास का रेशियो ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी आया सोर्स टू से निकाल के लाए सोर्स टू अलग अलग सोर्स से निकाल के लाए तो इसकी ट्वेंटी फोर इज टू फोर्टी सर सोर्स थ्री से निकाल के लाए तो इसका क्या हो गया सिक्स इज टू टेन सर ये सारे जगह पे देखोगे सोर्स अलग अलग हो सकते हैं आप हो सकता है एक ही कंपाउंड को अलग अलग जगह से जनरेट कर रहे हो बट जो मास का रेशियो है वो सेम रेशियो है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगने वाला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कौन सा लॉ लगने वाला है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन अगर मैं ये बोलता हूँ कि a प्लस या x प्लस y है x प्लस y दो लोग मिलके सर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं xy बना रहे हैं x2y बना रहे हैं x

अगर आपस में कंपाउंड बन रहे हैं तीनों के अलग-अलग लोगों के दो के कॉम्बिनेशन में बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल देंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल देंगे पक्का हो जाएगा सर यही सारा का सारा पूरा पांचों लॉज यही है आपके ऊपर पांचों लॉज पढ़ सारे के सारे श्योर है चलो बहुत बढ़िया अब देखो अपने पास तो एक लास्ट लॉ लॉ फिर ऑफ तो तो प्रेशर है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है अभी क्वेश्चंस करोगे तुम ही लोग विद इन सेकेंड अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज है ये लाइन आज के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बची नहीं है क्यों कोई भी गैस हो कोई भी गैस हो कोई भी गैस हो ठीक है कोई भी गैस हो क्या दिक्कत है यहाँ पे सर इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा एक सिंपल सी बात बताना इक्वल वॉल्यूम का मतलब मान लो अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ दस लीटर ऑफ एन टू गैस ले लेता हूँ और दस लीटर ऑफ सीओ टू गैस ले लेता हूं सर इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू टेन अपॉन क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर

सर देख लो अगर आपका वॉल्यूम इक्वल है अगर आपका वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आएंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल आए तो जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो एक सिंपल सी याद रखना एक सिंपल सी चीज अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे चलोगे कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो सर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज मतलब क्या हो गया इनके इक्वल मोल्स होंगे इक्वल मोल्स होंगे और इक्वल मोल्स होंगे तो इसीलिए अपने पास इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स हो सकते हैं हो भी ना भी हो लेकिन हाँ इन तीनों के बारे में तो आप कन्फर्म बोल सकते हो ये ध्यान रखना यही मेरा क्या कहलाता है यही मेरा अपने पास एफगेड लॉ कहलाता है भाई नीट पोस्टपोन होने का बेटा तू तो अगर नीट पोस्टपोन का सोच रहा है ना अगर उसकी टाइम पे देख रहा है अगर उसकी वीडियोज भी देख रहा है मतलब तू तो अब अगले साल का फिर वेट कर यार ठीक है हाँ सीधी सी बात है पक्का िटी भाई इस रेडॉक्स रिएक्शन में करेंगे अभी नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बात कर रहे थे इक्वल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा इक्वल मोल्स के और इक्वल क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स टोटल अपने पास टोटल अपने पास छह लॉज हैं इन छे लॉज को देख लो और इसके ऊपर छोट छोटे छोट छोटे क्वेश्चन निपटा दो छोट छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा दो ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा दो कैसा तो ये क्या होगा जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए देख ले अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके ऊपर होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंज कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पक्का हो जाएगा सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर हाइड्रोजन वाटर में लेके आते हो और हाइड्रोजन परऑक्साइड में लेके आते हो इनका परसेंटेज अलग-अलग है मतलब हाइड्रोजन H2O और H2O2 इनके परसेंटेज अलग अलग हैं ये किसका एग्जाम्पल हो गया ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया कि दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा ये लॉ ऑफ किसको फॉलो कर रहे हैं ये किसको फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्सन को ये किसको फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को क्यों क्योंकि सर अगर दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते और सब कुछ होल नंबर रेशियो में चल रहा है तो तो लॉ ऑफ मल्टीपल परपोशन पक्का ये देखो सर दो सैंपल्स को एनालाइज किया गया दूसरे में देखोगे तो एक में 1.2 ग्राम कार्बन है 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है परसेंटेज निकालोगे दूसरे में भी क्या आ रहा है सेम ही आएगा आप, आप, आप कैलकुलेट करना है तो 1.2, 4.8 उसी के आसपास आ जाएगा परसेंटेज तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर आसपास का परसेंटेज है आसपास का परसेंटेज है तो इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि आपके पास लॉ ऑफ क्या कहलाता है डेफिनेट पपोर्शन क्यों क्योंकि सर देख लो ना आप परसेंटेज निकालोगे कार्बन का तो ट्वेंटी के आसपास आएगा इसमें भी उसी का रेशियो मेंटेन किया गया है बस हो गया आंसर क्या आ जाएगा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रपोर्सन क्यों क्योंकि अलग अलग सोर्स से लेके आए दो अलग अलग सैंपल को एनालाइज कर रहे हो आंसर डायरेक्ट टिक मार दो तो। ये देख लो अपने पास नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं देखते ही आंसर बता सकते हो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स बन रहे हैं नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स बन रहे हैं ये किसके ऊपर वैलिड होगा ये किसके ऊपर वैलिड होगा नाइट्रोजन के दो एलिमेंट्स मिलकर दो तीन कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो ये किसके लिए होगा ये किसके लिए होगा किस तो ये होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये किसके इक्वल होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के इक्वल हो जाएगा ये किसके इक्वल होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के इक्वल हो जाएगा पक्का ये देख लो नेक्स्ट देखो वन लीटर कंबाइंस विद विद्री लीटर जहां वॉल्यूम का क्वेश्चन आया मैं आंख बंद करके कुछ भी नहीं पढ़ना सीधा सीधा आंसर क्या मार दो लॉ क्यों क्योंकि वॉल्यूम की बात एक ही लॉ में की जा रही है वॉल्यूम की बात सिर्फ एक लॉ में हो रही है कौन से लॉ में बात है इसमें सोचना ही नहीं गेलुजाक्स लॉ में वन लीटर दिस रियक्ट विद टू लीटर दिस तो हो गया भाई इस केस में क्या ही सोचना है अपने पास इस केस में क्या ही सोचना है सीधा सीधा आंसर दे दो सीधा सीधा आंसर दे, दे दो ये देखो अपने पास विच द हाइपोथेसिस कौन सा होगा ध्यान से देख लेना अपने पास हाइपोथेसिस में क्या हो रहा होगा ठीक है इक्वल वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ एटम्स नहीं ये जरूरी नहीं है रेट ऑफ डिफ्यूजन लॉ नहीं था आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वन तो सर छह लॉज थे ये छह लॉज थे और छह लॉज में अपने पास ये छह लॉज में ठीक है ये छह लॉज में भाई

अरे जिसको लॉग अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो लॉ ऑफ मल्टीपल किसके किसके बीच में होगा पहला ही ऑप्शन होगा क्यों क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्सन किसके किसके बीच में होगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्यों बाकी लोगों में क्यों नहीं हो रहा सर दो ही एलिमेंट चाहिए यहां देखो तीन एलिमेंट हो गए के बी आर और ये क्या हो गया के सी एल तो सर तीन एलिमेंट के बीच में तो लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्सन नहीं आता था यहां सर लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन वाटर और यहां पर डी टू ओ इसके केस में भी नहीं आएगा कैल्सियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड बाकी जगह पे मल्टीपल प्रपोर्शन तभी हो सकता है जब आपके पास दो ही एलिमेंट हो मल्टीपल पोर्शन तभी हो सकता है जब आपके पास क्या हो दो ही एलिमेंट हो उनके साथ करेगा पक्का हो जाएगा ये देख लो अपने को और क्या आने वाला है तो सर परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन अलग-अलग मेथड से निकाल के देख रहे हैं तो परसेंटेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है परसेंटेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है ठीक है परसेंटेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो इस केस में क्या हो रहा होगा परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ सी अलग अलग मेथड से निकाल के देखा परसेंटेज सेम आ रहा है तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये किसको फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को पक्का लॉ ऑफ किसको फॉलो कर रहा है कॉन्सटेंट कंपोजिशन को हो जाएगा सर श्योर हो तो अब छोट छोट चीजें हैं इसके बाद हम लोग देखना शुरू करते हैं एक सिंपल चीज और अब यहां पे ये देखो ये मेरे पास अब क्या आने वाला है ध्यान से देखो सारे लॉस हो गए सारे लॉस हो गए सारे के सारे लॉस कर लिए अब मेरे पास नई नई चीज़ें क्या क्या आती हैं उसको देखना शुरू करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कम्पोजिश सारे लॉस हो गए अब नई चीज़ क्या आती है मास परसेंटेज या उससे पहले और क्या चीज़ें आएंगी तो सबसे पहले हम लोग मास परसेंटेज से बात करेंगे क्योंकि अब इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला आने वाला है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला आने वाला है उसके बाद फिर हम लोग स्टॉयशमेट्री और उसके ऊपर चलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा उसके बाद हम लोग कहां चलेंगे स्टॉयशमेट्री पे चलने वाले इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला करने से पहले आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए क्या मास परसेंटेज किसी का मास परसेंटेज कैसे निकालते हो किसी का मास परसेंटेज कैसे निकालते हो मास परसेंटेज कैसे निकालते हो हाँ भाई ठीक है किसी का हाँ डिनर टाइम दे दूंगा भाई मैंने बोला था ना मैं दे दूंगा ट्राई करते अभी पहले यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पहले बेसिक चीजें फिनिश करेंगे इंपेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मुल मतलब बहुत सिंपल सिंपल चीजें बहुत इजी से है लेकिन हाँ, उसको जानने से पहले क्या पता होना चाहिए मास फॉर्मूला क्या कि सर मास परसेंटेज क्या होना चाहिए अगर मान लो कोई कंपाउंड है मान लो ये NaOH है तो किसने बोला सर इसमें ना एक बात बताइए सोडियम का मास 23 ऑक्सीजन का मास 16 और इसका मास 1 तो कितना हो गया 40 किसने बोला सर मास परसेंटेज ऑफ अगर सोडियम निकालना हो तो अरे भाई कुछ नहीं आपका खुद का परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू क्या कर दोगे हंड्रेड अब यार इसका क्या ही क्या ही अपने पास निकालने जाओगे सर ये देखो मास परसेंटेज सबसे मासिक कोई मास 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 तो क्या, तो क्या हो जाएगा हंड्रेड ये परसेंटेज आ गया किसने बोला सर ऐसे तो फॉर्मूला कोई बता दो फॉर्मूला कुछ नहीं आपको लगता है कि फॉर्मूला चाहिए तो मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो कुछ नहीं मास ऑफ ए डिवाइड बाई क्या कर दीजिए अपने पास मास ऑफ ए डिवाइड बाई क्या कर दीजिए टोटल मास इन टू हंड्रेड कर दीजिए यही मेरे लिए फार्मूला हो जाएगा यही मेरे लिए फार्मूला हो जाएगा यही मेरे लिए फार्मूला हो, हो जाएगा बस

वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज निकालना सबसे इजी काम लेकिन हाँ यहाँ पे, पे क्या होने वाला है यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे देख लो यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना सबसे इजीएस्ट पोर्शन है निकाल लेंगे लेकिन मास परसेंटेज से एक चीज निकालने को आती है वो क्या होता है वो क्या होता है वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला मास परसेंटेज से एक चीज निकालने को आती है वो क्या है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूले में देखो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला इससे पहले एक मिनिमम मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट आता है ध्यान से देखना इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से मिलेंगे मिनिमम मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है मान लो एक कंपाउंड है एक इंजाइम है एन इंजाइम ऐसे क्वेश्चन दे दिया बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनना इसके क्वेश्चन मिलेंगे एन इंजाइम है सल्फर या एट ऑक्सीजन बाई मास वॉट विल बी वॉट विल बी अब देख लो इसका सिंपल सा आपको मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ इंजाइम

आठ ग्राम होगा किसमें सौ ग्राम इंजाइम में सर इसीलिए हम क्या बोलते एक ग्राम किसमें प्रेजेंट होगा सौ बाई एट इतने ग्राम इंजाइम में अब किसने बोल दिया कि भाई साहब ये कैसे सर कुछ नहीं यूनिटरी मेथड लगा दो और तीसरी चीज एक बात बताना सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है कि मिनिमम मिनिमम आपका कितना आइटम होना चाहिए मिनिमम आपका कितना आइटम होना चाहिए एक आइटम होना चाहिए वन आइटम ऑफ दैट एलिमेंट कम से कम एक आइटम होना चाहिए उस एलिमेंट का एक आइटम होना चाहिए तो सर एक आइटम का मास कितना होता है सिक्सटीन ग्राम क्या हो जाएगा ग्राम ना लिख के आप किसी को लगता हो सर एटम का मास तो यू में लेते थे तो यू में लिख दो भाई एट यू लिखो या एट ऑफ दिस बिना यूनिट के लिख सकते हो आप कोई दिक्कत नहीं कोई ऐसा मत बोल देना अरे सर आपने तो बिना यूनिट का हंड्रेड ऑफ़ इंजाइम तो हंड्रेड यू अपने पास ऐसा भी लिख सकते हो सिक्सटीन यू के बारे में बात कर दो यू यू कर दो अपने पास कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं हंड्रेड बाई एट इंटू सिक्सटीन क्या हो जाएगा टू हंड्रेड यू ऑफ इंजाइम सर सीधी सी बात है एक आइटम का मास कितना ले लिया टू हंड्रेड पक्का सर यह देख लो अपने पास ये देख लो क्या होगा सर आठ ग्राम अपने पास आठ ग्राम प्रेजेंट है सौ ग्राम में मिनिमम मतलब मिनिमम का मतलब क्या हो गया एक आइटम तो होगा ना अरे आधा आइटम तो होगा नहीं, हो नहीं। मिनिमम एक आइटम ऑक्सीजन का तो होगा ही होगा मिनिमम एक आइटम ऑक्सीजन का पकड़ लो मिनिमम एक आइटम ऑक्सीजन का पकड़ लो पक्का हो जाएगा सर ये हो जाएगा मिनिमम मॉलिकुलर मास क्या हो रहा होगा मिनिमम मोलिकुलर मास में क्या हो रहा होगा मिनिमम मॉलिकुलर मास में ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे आप इसके क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ रुक जाओ एक मिनट कहाँ गया ये देखो ये देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपाउंड है हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर इट हैज वन अच्छा कुछ लोग इसका फॉर्मुला ही बना देते हैं कुछ लोग फॉर्मूला क्या बना देते हैं ये देख लो मैं बता देता हूँ इसी को फॉर्मूला बना देते हैं मिनिमम मॉलिकुलर मास कुछ लोगों को फार्मूला रटने की बीमारी हो जाती है या बोलते हैं शॉर्टकट ट्रिक क्या ट्रिक याद करने की कोशिश कर देते हैं तो कुछ नहीं ये देख ले अपने पास एटोमिक मास ये देख ले भाई कुछ नहीं एटोमिक मास इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई क्या करना है परसेंटेज ऑफ एटम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सर ये आपका अगर किसी को लगता है तो आप भाई ये फॉर्मूला रट लेना लेकिन हाँ मेरे हिसाब से अगर आपका बेसिक मैथ आता है तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि बेसिक फॉर्मूला आता है तो आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं है भाई ठीक है अपने को इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अटोमिक मास इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट निकाल लो हो जाएगा सर ऐसे भी करके निकाल सकते हैं मिनियोमोलिकुलर मास ऐसे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं किसी को लगता है सर ऐसे निकालो मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं क्या करूंगा सिंपल सा यूनिटरी मेथड यूज करना अपने लिए आसान है 5.6 पॉइंट सिक्स यू ऑफ आयरन फाइव पॉइंट सिक्स यू ऑफ आयरन क्वेश्चन पढ़ लो लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर फाइव क्या परसेंट बोलते हंड्रेड बाई फाइव पॉइंट सिक्स और एक आइटम कम से कम एक आइटम तो होगा ही होगा तो 56 सिक्स यू ले लेता हूं और 56 सिक्स यू के लिए क्या प्रेजेंट होगा कम से कम एक आइटम के लिए कितना प्रेजेंट होगा 5.6 पॉइंट सिक्स

हो जाएगा तो मिनियो मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट ये बोलता है मिनियो मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट ये बोलता है उसके बाद क्या बोला जाता है कि सर मिनियो मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट अगर हो गया तो यहां पे मास परसेंटेज निकाल दिया मिनियो मोलिकुलर मास आ गया तो अब मेरे पास एक छोटी छोटी चीजें और आती हैं और उसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला और क्या बोल देते हैं मोलिकुलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है देख लो ध्यान से इंपेरिकल फार्मूला क्या बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब सर ये देखना अपने पास ये बेंजीन है ये बेंजीन है ये देखने में अपने पास सुंदर सा दिख रहा था ये इसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला ये इसका क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला क्यों क्योंकि सर ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन किसने बोला सर इसको इतना क्यों भाव दे रहे हो एक काम करो ना इसके अंदर क्या करो सिंपलेस्ट रेशियो ले लो इंपेरिकल फार्मूला यूज कर लो क्या होगा इंपेरिकल फार्मूला तो ये क्या हो जाएगा सी वन एच वन सिंपलेस्ट रेशियो मतलब जहां पे वो कंपाउंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहे याद रखना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहे उसी को क्या बोल देते हैं मॉलिकुलर अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे को एफ, और जल्दी ये मॉलिकुलर फार्मूला देख लो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला ठीक है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी भी है डिफरेंस भी है कैसे ये देख लो अपने पास एक देख लो अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है मान लो ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है और ये एक इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है निकालना है मान लो ऐसा कहीं लिखा हुआ है सी टू एच फोर तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सिंपलेस्ट रेशियो क्या दिख रहा है कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो ये आ जाएगा किसने बोला सर एक काम करते हैं सी टू एच फोर ओ टू है क्या करेंगे सबको किससे डिवाइड कर दो सी एच टू ओ कर दो किसने बोला सर ये ऐसा लिखा हुआ है सी सिक्स

टू कंपाउंड्स कैन हैव सेम एंपेरिकल फार्मूला ये ध्यान ध्यान रखना कि दो लोगों का सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता है लेकिन दोनों के केस में अलग अलग क्या है यहां पे आपने क्या डिवाइड किया है किससे डिवाइड किया है टू से यहाँ आपने किससे डिवाइड किया है सिक्स से क्यों क्योंकि सिक्स यहां, है. यहां कौन सा कॉमन नंबर था टू से तो यहां पे एक चीज आती है और उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एन एन होता क्या है तो कुछ नहीं मॉलिकुलर फॉर्म मल्टीप्लीकेशन तो फैक्टर से ही आपको एंसर निकल के आएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से ही आपका एंसर निकल के आएगा ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ही बता रहा होता है कैसे निकालें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फार्मूला अपॉन या मास मास अपॉन पक्का हो जाएगा। शोर हो जाएगा श्योर अरे देख लो अपने पास फार्मूलाकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं या तो आप डायरेक्ट निकाल दो या फिर किसने बोला सर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है अगर किसने बोला मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा सर देख लो एन टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला किसने बोला सर मोलिकुलर फार्मूला का मास किसके इक्वल होगा मोलिकुलर फार्मूला का मास कितना होगा एन टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला मास सर आपके ऊपर है आप चाहो तो फॉर्मूला ये याद रखो मेरे हिसाब से आपके शॉर्ट नोट्स में ये फार्मूला होना चाहिए कि भाई मैं इसके साथ कर लूंगा श्योर हो पक्का अब यहां पे देख लो अब यहां पे देख लो ये सारी चीजें अगर ये आपको पता है तो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सबसे आसान सी चीज होती है इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला बता रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला अगर आप स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो ना तो कुछ नहीं एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सबसे आसान सा काम है एक काम कीजिए बस इधर क्या कीजिए ये देखो अपने पास एलिमेंट्स लिख दो एलिमेंट्स लिख दो ये एलिमेंट्स लिख दो इधर क्या कर दो परसेंटेज दिया हो चाहे परसेंटेज दिया हो चाहे अपने पास रेशियो दिया हो चाहे अपने को फ्रैक्शन दिया हो कुछ भी दिया हो किससे डिवाइड कर देना एटॉमिक मास से और यहाँ पे क्या कर देना सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल देना सिंपलेस्ट होल नंबर क्या कर देना रेशियो निकाल देना बस यही काम अपने को करना है यही काम अपने को करना है बस देख लो ये सिंपलेस्ट यहाँ देख लो मैंने क्या बताया तीन तीन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा तीन स्टेप में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है तीन स्टेप में आंसर आ जाएगा प्लीज देखो अपने पास तीन स्टेप में कैसे आंसर आएगा ये देख लो मैंने क्या बोला कोई एलिमेंट दिया मान लो कार्बन दिया है हाइड्रोजन दिया है ऑक्सीजन दिया है नाइट्रोजन दिया है बहुत सारे एलिमेंट दे सकता है अपने पास सल्फर दिया है कुछ भी दिया है परसेंटेज दिया हो मान लो इसका परसेंटेज ट्वेल्व परसेंटेज दिया हो तो ट्वेल्व बाई क्या करूंगा ट्वेल्व इसका परसेंटेज अपने पास ऑक्सीजन का मान लो थर्टी टू दिया है तो ये क्या हो जाएगा थर्टी टू बाई थर्टी टू वन हो गया सॉरी थर्टी टू बाई सिक्सटीन सिक्सटीन हो गया ना ऑक्सीजन एटम तो ये क्या हो गया वन अपने पास टू हो गया नाइट्रोजन के केस में मान लो अपने पास ट्वेंटी एट दे दिया तो ट्वेंटी एट बाई क्या हो जाएगा सर फोर्टीन इसके भी कितने आ गए टू सल्फर हटाओ छोड़ो कितना हो गया थर्टी थर्टी टू और ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी एट परसेंट तो सर सबका रेशियो आ गया अब जब सबका रेशियो आ गया सबसे छोटा नंबर कौन सा है अपने पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हो क्या एक काम करो इसको ट्वेंटी फोर कर देते हैं आ आ जाएगा जाएगा गया गया और ये कितना हो गया? 60 था, 24. 16 by 1, क्या हो था क्या सबसे छोटे नंबर सबको डिवाइड कर दो के लिए क्या करते है? से से कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा टू बाई टू क्या हो जाएगा वन ये क्या हो जाएगा टू बाई टू क्या हो जाएगा वन अगर इंपेरिकल फार्मूला निकालने गए तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा सी टू सॉरी सी वन C1 H कितना हो गया एट ऑक्सीजन कितना हो गया वन नाइट्रोजन कितना हो गया वन तो इंपेरिकल फार्मूला निकालना हो सिर्फ तीन स्टेप में निकाल सकते हो इंपेरिकल फार्मूला निकालना हो तीन स्टेप में निकाल सकते हो क्या हो जाएगा तो इंपेरिकल फार्मूला इज नथिंग C1 H8 O1 N1 याद रखना मैंने यहां सिंपल सेट ट्रिक बता दिया है, कुछ नहीं करना तीन स्टेप में इंपेरिकल फार्मूला आता है परसेंटेज दिया हो चाहे रेशियो दिया हो चाहे फ्रैक्शन दिया हो सीधा सीधा वैल्यूज पुट करोगे सीधा सीधा आंसर आना शुरू हो जाता है सीधा सीधा आना शुरू हो जाता है पक्का हो जाएगा पक्का ये देख लो छोट-छोट चीजें इंपेरिकल फॉर्मूला है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते बहुत डिफिकल्ट नहीं होते लेकिन हाँ दिक्कत ये है यहाँ पे कि आपको ये रेशियो निकालने में दिक्कत आने वाली है जैसे आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन जो इस साल के अपने पास क्वेश्चन थे अगर मैं क्वेश्चन दिखाना शुरू करूँ कहाँ गया भाई ये क्वेश्चन हाँ ये वाला 2021 का क्वेश्चन ये देखो 2021 का क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो 2021 का क्वेश्चन है इंपेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है तीन ही एलिमेंट दो ही एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन क्या करना है परसेंटेज बाई क्या करना है एटोमिक मास परसेंटेज बाई एटोमिक मास सेवेंटी एट क्या हो जाएगा ट्वेल्व सर ये कितना हो जाएगा सर बचा हुआ कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई क्या हो जाएगा वन सेवेंटी एट बाई ट्वेल्व करने जाएंगे ये कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव और ये कितना हो जाएगा 22 आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो कितना 6.5 अपॉन 6.5 ये क्या हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन 6.5 दैट विल बी 3.33 जिसको में क्या कर देंगे? कर देंगे तो सर इंपेरिकल फॉर्मूला है भैया सी एस थ्री से निकाल दो ठीक है सी एस थ्री अपने पास आंसर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा आंसर एग्जाम हॉल में देख लो ये थ्री पॉइंट थ्री थ्री का राउंड ऑफ करेंगे थ्री आएगा फोर मत कर देना थ्री पॉइंट थ्री थ्री का राउंड करेंगे क्या आएगा थ्री आएगा ठीक है पक्का हो जाएगा सर यहां तक कर लोगे सर इंपेरिकल फार्मूला क्वेश्चन कहीं भी आए कैसे भी आए कहीं भी आए कैसे भी आए अब इसके क्वेश्चन कहीं भी मिल रहे हो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर यहाँ पे देख लो अपने पास यहाँ मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है इंपेरिकल फार्मूला पूछ ही नहीं रहा लेकिन हाँ एक चीज बोली गई है इसमें ना अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज कितना दिया है 49.3 अपॉन क्या लिख दूं 12 हाइड्रोजन का कितना दिया है सिक्स पॉइंट एट डिवाइड बाई वन ऑक्सीजन जो बचा कुचा होगा वो कौन होगा ऑक्सीजन होगा तो कैलकुलेट कर लो अपने पास फोर्टी प्लस क्या हो रहा है सिक्स माइनस हंड्रेड अगर कर देता हूँ तो ये कितना बचा होगा फोर्टी थ्री पॉइंट एट सिक्स डिवाइड बाई इसको कितना कर दूंगा सिक्सटीन ये रेशियो ले लो फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व करके देख लो ये कितना आ रहा है फोर पॉइंट वन जीरो एट ये कितना आएगा सिक्स पॉइंट एट फोर और इसको देखेंगे अगर मैं इसको निकालता हूँ फोर्टी थ्री पॉइंट एट सिक्स डिवाइड बाई सिक्सटीन ये कितना हो गया 2.74 सर ये अपने पास आ गया इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप एग्जाम हॉल में ये एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस है थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है आप इसको देख लो किससे डिवाइड करोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2.74 6.84 डिवाइड बाय 2.74 और ये कितना हो गया 2.74 डिवाइड बाय 2.74 ये कितना आ गया 1 6.84 डिवाइड बाय 2.74 करेंगे 6.84 डिवाइड बाय 2.74 करेंगे ये कितना आ गया 2.5 और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4.108 डिवाइड बाय सेवन फोर तो ये कितना हो गया वन पॉइंट फाइव यहां देखो रेशियो जो आ रहा है वो गलत रेशियो आ रहा है क्यों क्योंकि सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस फ्रैक्शन को पॉइंट फाइव को नंबर में कैसे कंसिडर करते हो सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना टू से ये कितना हो गया थ्री ये कितना हो गया फाइव ये कितना हो गया टू तो सर देख लो इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया इंपेरिकल फार्मूला क्या आ गया सी थ्री एच फाइव ओ सी थ्री एच फाइव ओ टू इंपेरिकल फार्मूला का मास कितना आ गया इंपेरिकल फार्मूला का मास कितना आ जाएगा ट्वेल्व इंटू थ्री प्लस फाइव प्लस कितना आ जाएगा सिक्सटीन इंटू टू थर्टी सिक्स प्लस फाइव प्लस कितना हो गया थर्टी टू कितना हो जाएगा दैट विल बी सेवेंटी थ्री सर इंपेरिकल फार्मूला मास ये है आपसे बोल रहा हैं मोलिकुलर फार्मूला निकालो साथ में क्या दिया है वेपर डेंसिटी दी हुई है वेपर डेंसिटी दी हुई है तो सर वेपर डेंसिटी से क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास आ जाएगा क्यों क्योंकि वेपर डेंसिटी का ट्वाइस ही तो करना होता है तो सर ये क्या हो जाएगा टू इंटू सर वॉट इज एन फैक्टर एन फैक्टर क्या था मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास सर क्या हो जाएगा टू इंटू अपॉन क्या आ जाएगा सेवेंटी एन की वैल्यू कितनी आ गई एन की वैल्यू कितनी आ गई टू और जैसे ही एन की वैल्यू टू आई व्हाट इज मॉलिकुलर फार्मूला व्हाट इज़ मॉलिकुलर फार्मूला टू टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला सर देख लो क्या हो जाएगा टू टाइम्स सी फाइव टू टाइम्स सी फाइव सॉरी सी थ्री सी थ्री एच फाइव Two, तो इसका टू टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा C6H10O4 C6H10O4 क्या आंसर आ जाएगा C6H10O4 ये मेरा आंसर आ जाएगा पक्का ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा पक्का हो जाएगा श्योर sure हो चलो अब एक काम करते हैं अब एक काम करते हैं यहाँ पे अब स्टॉयसमेट्री शुरू करेंगे ब्रेक के बाद स्टॉयशमेट्री शुरू करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद अब एक काम करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अपने पास नौ बज रहे नौ बज रहे अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ठीक है ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेते ले हैं अब क्योंकि एक ही पोर्शन रहता है स्टॉयशमेट्री वाला पोर्शन स्टॉयशमेट्री वाला पोर्शन हम लोग यूज करने वाले हैं अब इसके बाद ब्रेक के बाद एक काम करते हैं हाँ लंच करने का तो हाँ बीस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ठीक है नाइन ट्वेंटी में मिलते हैं खाना खाने के लिए इतना ही टाइम चाहिए होता है नीस हाँ बीस मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं ट्वेंटी मिनट्स ब्रेक भाई थर्टी मिनट ज़्यादा हो जाएगा जल्दी निकलना भी है ना यार तुझे भी तुझे भी टाइम चाहिए ना सोने का भी तो टाइम चाहिए अगली क्लास भी तो है अगले कल शाम को भी तो क्लास होने वाली है तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए पढ़ाई भी करनी है स्टोशमेट्री लास्ट पोर्शन रहता है तो बीस मिनट का टाइम काफ़ी ठीक है पच्चीस मिनट कर लेते हैं चल भाई कोई बात नहीं कर देता हूँ पच्चीस मिनट जा खुश रहे ठीक है अब इससे ज़्यादा नहीं करने वाला जल्दी जल्दी करना शुरू करो ट्राई करो जिन लोगों का भाई रहता है कुछ लोग अब भाई पच्चीस मिनट में आ जाना नाइन ट्वेंटी फाइव पे शुरू करेंगे ताकि इलेवन ओ तक हम अपना फिनिश कर पाए ओके ट्राई करो चलो मिलते हैं तब तक आराम से बीस मिनट का ब्रेक लीजिए फिर मिलते हैं हाँ तो फाइनली फिर से अब स्टेशमेट्री शुरू किया जाएगा और स्टेशमेट्री शुरू करके फिर ये चैप्टर फिनिश किया जाएगा और आज की रात मूल कॉन्सेप्ट के नाम ठीक है सही है हाँ वेलकम 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 खा पी के आ गए सब लोग हाँ चलो अब नई जोश के साथ नई उमंग के साथ शुरू करेंगे स्टोशमेट्री देखेंगे और फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे वहां पे कर लेंगे सो डोंट वरी सोल्यूशन टर्म में सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट वहां पे कर रहे होंगे ओके okay? हाँ भाई मैंने अभी खाना नहीं खाया मैं एक बार में निपटा के ही खाऊँगा ठीक है हाँ बढ़िया तुम लोग खा चुके हो बैठ के पढ़ना शुरू करो सोचो हाँ हम सीधा अब एक बार में स्टूडियो से घर जाएंगे वहाँ पे जाके आराम से फिर कोटा वालों से कल मिलेंगे हाँ कोटा वाले भी जगे हुए हैं बताओ इस टाइम तक बहुत बढ़िया पीडीएफ मिल जाएगा भाई ये जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद अपने को पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी मिल जाएगा आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा शीट्स मिल जाएंगी जिसमें पचास क्वेश्चन होंगे आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसके अंदर ठीक है बहुत बढ़िया कुछ लोग तो अलग अलग जगहों से अपने पास जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हाँ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ये सब सब कुछ बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगली जो क्लास होगी ना सैटरडे को जो अपनी क्लास है उसमें अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करेंट ये सब कुछ बात करेंगे टॉमिक स्ट्रक्चर भी बड़ा चैप्टर है तो उस दिन में पाँच बजे बैठना है और ग्यारह बारह बजे तक हमें करना है फिनिश ओके उस टाइम भी खूब सारी बातें करने वाले हैं ओके चलो अब स्टाइशमेट्री शुरू करते हैं स्टोयशमेट्री अपने पास सबसे बेसिक सी चीज़ है स्टोशमेट्री में सबसे बेसिक सी चीज बात करने वाला हूँ आज हम लोग स्टाइसमेट्री की सबसे बेसिक सी बातें करने वाले सबसे पहले स्टॉयशमेट्री का शॉर्टकट सीखते हैं क्या होता है शॉर्टकट शॉर्टकट होता क्या है स्टॉयशमेट्री है क्या एक्चुअली अपने पास टर्समेट्री बोलता क्या है किसी रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है किसी रिएक्शन में किसका मेजरमेंट ज्यादा होगा किसका मेजरमेंट कम होगा ये सब कुछ बात करने वाले हैं हम लोग स्टर्शमेट्री के अंदर कौन सा रिएक्शन में कौन कितना प्रोडक्ट बनाएगा कैसे कैसे होने वाला है तो स्टर्शोमेट्री में एक तो होती है नॉर्मल अगर इसको चार टॉपिक्स में डिवाइड करे तो हमारे पास चार नॉर्मल टॉपिक्स आएंगे एक हो गई नॉर्मल अपने पास एक होता है इसके अंदर प्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक होता है इल्ड का कॉन्सेप्ट और एक अपने पास इल्ड बोल दो या फिर एफिशिएंसी बोल दो और एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट यही हम लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट यही चार टॉपिक्स होते हैं स्टैशमेट्री के अंदर सर यही चार टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, सब पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल नॉर्मल स्टैशमेट्री से नॉर्मल स्टैशमेट्री कैसा होगा किस तरह की चीजें होंगी उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है ना कोई रिएक्शन दी हुई है कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो इसके अंदर देख लो अपने पास कोई रिएक्शन दी हुई है कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है ये देखना अपने पास अगर ये रिएक्शन लिखा हुआ है सी एच फोर प्लस टू ओ टू टू प्लस टू एच टू इस रिएक्शन को पढ़ने का स्टाइल बस सीख लो इस रिएक्शन को पढ़ने का स्टाइल बस लिखा वहां क्या है स्टेशमेट्रिक ऑप्शन ध्यान से देखना इस रिएक्शन को लिखने का अपने पास इस रिएक्शन को लिखने का स्टाइल देखना इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूं इसका एक मॉलिक्यूल है सर इसका एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है टू मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इसके कितने बन जाते हैं वन मॉलिक्यूल बन जाते हैं और इसके कितने बनेंगे टू मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे यही होगा तो सर ये देख लो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स पक्का ये देख लो ये लाइन लिख दी अगर मैंने ये लिखा अब एक बात बताना एक सिंपल से स्टैचम का एक बेसिक रूल बता रहा हूं भाई इसको ना तुम चाहो तो टेन से मल्टीप्लाई कर दो टेन से मल्टीप्लाई कर दो यहां तुम एक के बदले दस लिख दो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर यहां लिख दो ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स लिख दो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन याद रखना सबको टेन से मल्टीप्लाई करना है ये चीज दिमाग में रखना क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा अगर आप सर किसी को टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको टेन से मल्टीप्लाई करना मैंने क्या बोला आपने एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को देखो इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को क्या करने वाले पक्का यहां देख लो अपने पास एक मॉलिक्यूल के बदले तुमने दस लिखा बीस लिखा दस लिखा बीस लिखा, लिखा मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक किससे मल्टीप्लाई किया टेन से मल्टीप्लाई किया पक्का

सर आप बस अपने हिसाब से देख लो आपने क्या किया आपने बस नंबर सर सा, दोनों साइड याद रखना शुरू से ले लास्ट तक सब कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो एक मूल से लेके दस मूल मल्टीप्लाई करना है बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ मल्टीप्लाई करते चले जाओ ये देखो अपने पास ये देख भाई एक मॉलिक्यूल से दस मॉलिक्यूल एक मोल दो मोल चार मोल ऐसे करके लिख दे पक्का ये लिखना आ रहा है सर कुछ बोले नहीं सर मुझे ऐसे नहीं लिखना मैं तो मास के टर्म में लिखना चाहता हूँ मास के टर्म में लिख दे इसका एक मोल का मास कितना होगा सिक्सटीन ग्राम इसके दो मोल्स का मास कितना होगा सिक्सटी ग्राम इसके सर इसके मास कितने हो जाएंगे अपने पास फोर्टी ग्राम और इसका मास कितना हो जाएगा थर्टी ग्राम किसने बोला सर मैं तो मास के टर्म्स में लिखूंगा सर कोई दिक्कत नहीं मास के टर्म्स में लिख दो कोई दिक्कत नहीं किसने बोला सर मास के टर्म्स में आपने ग्राम ग्राम में लिखा मैं एक काम करता हूं इसको केजी में लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं यार क्या दिक्कत है सबको लेकिन याद रखना सबको किस में लिखोगे केजी के टर्म्स में सबको किस में लिख दोगे केजी के टर्म्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं सर आपने क्या किया इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया थाउजेंड से थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया सर सिक्सटीन थाउजेंड ग्राम मतलब सिक्सटीन के जी सर सिक्सटीन के जी ये क्या हो गया सिक्सटी फोर के जी ये क्या हो गया फोर्टी फोर के जी ये क्या हो गया थर्टी सिक्स के जी तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करोगे ऐसे निकाल लोगे। पक्का ये देख लो। मैंने क्या बोला कोई भी रिएक्शन लिखोगे में कुछ नहीं आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करते पक्का ये देख लो अपने पास। मुझे किसने रिएक्शन लिख दी अगर किसी ने ये रिएक्शन लिख के दे दिया है एन टू प्लस थ्री एच टू गि एन टू प्लस थ्री एच टू गिफ्टनएस थ्री ध्यान से देखना इस रिएक्शन के बारे में क्या लिख रहा हूं सर इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं चाहूं तो इसका एक मोल लिख सकता हूं इसका तीन मोल लिख सकता हूं हाइड्रोजन के नीचे और इसका कितना होगा दो मोल्स अगर मैं चाहूं तो यहां एक मॉलिक्यूल लिख सकता हूं यहां पे एक मॉलिक्यूल लिख सकता हूं यहां चाहूं तो तीन मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूं और यहां चाहू तो टू मॉलिक्यूल्स भी लिख सकता हूं कैसे कर रहा हूं मैं तो सर यहां से यहां पे किससे डिवाइड कर दिया इस्टोमेट्रिक कोफिशियंट सबको डिवाइड कर दो सर देखो ना इधर भी किससे डिवाइड किया सबको शुरू से लेके लास्ट तक सबको डिवाइड

कोई दिक्कत नहीं किसने बोला सर मोल्स में लिख रहे हो मास में लिख रहे हो मॉलिक्यूल्स में लिख रहे हो वॉल्यूम में भी तो लिख सकते हैं लिख दो भाई वॉल्यूम कितना जल रहा है इसका रिएक्शन का 22.4 लीटर इसका कितना वॉल्यूम हो रहा है थ्री इंटू ट्वेंटी लीटर और इसका कितना हो रहा है टू इंटू ट्वेंटी लीटर सर इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम किसी ने बोला ये तो आपने स्टैंडर्ड लिख दिया कैसे ये देख लो कैसे लिखा है इसका एक वॉल्यूम एक मोल इसका तीन मोल इसका दो मोल एक मोल का वॉल्यूम टेन टू पॉइंट फोर इसके तीन मोल का वॉल्यूम इतना टू मोल्स का वॉल्यूम इतना अब आपकी मर्जी है कोई बोले कि सर मैं ना इसको 22.4 ml लिखूंगा कोई बोले नहीं सर मैं तो ये लिखूंगा 3 इंटू ट्वेंटी टू लिखूंगा तो भी चलेगा 2 इंटू ट्वेंटी टू लिखूंगा तो भी चलेगा किसने बोला सर एक काम करते हैं क्या किया आपने थाउजेंड से डिवाइड कर दिया क्या किया थाउजेंड से डिवाइड कर दिया किसने बोला नहीं सर एक काम करता हूँ मैं इसको एक एक लीटर लिख देता हूं इसको क्या करूंगा थ्री लीटर इसको क्या लिखूंगा टू लीटर यहां से यहां आते टाइम आपने किससे डिवाइड कर दिया ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से देख लो एक ही रिएक्शन को एक ही रिएक्शन को एक ही रिएक्शन को बार बार अलग अलग तरीके से बार बार अलग अलग तरीके से हम लोग देख लो कैसे लिख रहे हैं बार बार अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं लिखने की कोशिश कर रहे हैं एक ही मॉल अपने पास एक ही रिएक्शन को अलग अलग कभी मोल्स के टर्म में लिख रहे हैं कभी मास के टर्म्स में लिख रहे हैं कभी वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहे हैं कभी भी अपने पास ठीक है सर याद रखना मास कंजर्व होता है मास कंजर्व होता है कभी भी वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता मास कंजर्व होगा वॉल्यूम कंजर्व नहीं हो रहा है ठीक है मास कंजर्व होती है वॉल्यूम कंजर्व नहीं हो रही होती है पक्का ठीक है हो जाएगा श्योर हो तो यहाँ पे मास कंजर्व होता है वॉल्यूम कंजर्व नहीं हो रहा होता है चलो अब देखो अपने पास क्या क्या हो रहा है सर ट्वेंटी टू पॉइंट ये रिएक्शन किसी रिएक्शन को देख के अगर आप लिख सकते हो तो भाई लिख लो ये चीजें ट्राई करो कि हाँ भाई अपने पास इस तरह की चीजें डिवाइड बाई एन ए कोई मल्टीप्लाई पूरे रिएक्शन को करना है जब भी करोगे पूरे रिएक्शन को करना है हो जाएगा सर पक्का वन मोल थ्री मोल्स टू मोल्स ऐसे कर 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 रिएक्शन करते रहो इसका ट्वेंटी एट ग्राम इसका सिक्स ग्राम इसका कितना हो जाएगा थर्टी फोर ग्राम किसी भी रिएक्शन का कर, करते रहिए कहीं भी रिएक्शन लिखा हुआ है ये देख लो अगर कहीं रिएक्शन लिखा हुआ है ये देख लो अपने पास टू एच टू प्लस ओ टू क्या मिल जाएगा सर क्या मिल जाएगा अपने पास टू एच टू मिल जाएगा अब यहाँ पे इसको लिखने के तरीके अलग अलग है इसका चार ग्राम इसका क्या होगा थर्टी टू ग्राम और इसका कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स ग्राम किसने बोला सर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा मैं इसको केजी में लिखना चाहता हूँ लिख लो भाई चार केजी जी थर्टी टू के और इसको कितना लिख दोगे थर्टी सिक्स के कोई दिक्कत नहीं पूरे रिएक्शन को थर्ड उससे मल्टीप्लाई कर दो तो, ठीक है जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे चाहो उसको अपने पास मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी लगता है नहीं मास में नहीं बात करना सर मुझे मोल से बात करना है इसके दो मोल इसके एक मोल भाई लिख ले क्योंकि सॉरी ये बेसिक्स पढ़ ले क्योंकि यही अपने वो काम आएगा बाकी अपने पास बाकी कमेंट करता रह जाएगा कमेंट करने वाले अगले साल भी तुझे मिल जाएंगे इस टाइम पे वो हर एक जगह मिलते हैं वो प्राणी हर एक जगह होते हैं वो टेंशन मत ले अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ठीक है वो अगले साल भी कमेंट करेंगे तो उनके चक्कर में ज़्यादा मत फेड़ो देख रहा हूँ कुछ लोग पढ़ने वाले भी लगे पड़े जस्टिफिकेशन नहीं देना है किसी को आप अपने हिसाब से करो ठीक है आप अपने हिसाब से करो ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं आपके पड़ी हुई है वीडियोस आराम से कल देख लेना अभी इस टाइम पे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ओके कभी भी लगता है कभी भी लगता है ये देख ले टू मोल्स मॉलिक्यूल्स में मास में किसने बोला सर वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दो तो वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होना शुरू हो जाएगा वॉल्यूम के टर्म्स में अगर सबको मैं क्या ले लूंगा गैस गैस ले लूंगा ये गैस गैस ले लूंगा तो देख ले भाई वॉल्यूम के टर्म्स में क्या लिखूंगा टू इंटू ट्वेंटी लीटर्स ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू लीटर्स और ये कितना हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटी लीटर्स सर इसको चाहें तो सबको डिवाइड कर दीजिए इसको दो लीटर ले सकता हूँ इसको एक लीटर ले सकता हूं इसको भी दो लीटर ले सकता हूँ वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है ये याद रखना ठीक है ना वॉल्यूम कंजर्व नहीं होगा ठीक है सब कुछ अपने पास सब कुछ अपने पास देख लो सब कुछ किसी भी रिएक्शन को देख के हम ये चार पांच लाइन लिख सकते हैं मेरा काम हो जाएगा ये चार पांच लाइन अगर आप लिख सकते हो तो मेरा काम हो जाएगा कि कोई भी अपने पास चार पांच लाइन को देख के लिख सकते हो ये सारा कुछ ये मान लो कोई कोई बोल दे सर वॉल्यूम तो गैस का होता है भाई सब कुछ गैस ही है अमोनिया भी क्या होती है गैस होती है यहाँ एच टू प्लस ओ टू ये भी अपने पास क्या मान लिया हम लोगों ने गैस मान लिया अगर आप किसी रिएक्शन को ये चार लाइन्स लिख सकते हो ना तो अपने को सबसे सिंपल चीज़ होने वाली सबसे सिंपल कौन सा है भाई प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक है हाँ देखो भाई हाँ ठीक है ना जो लोग देखो दो टाइप के लोग हैं अपने पास प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है भाई इधर कौन सी प्रिंटिंग मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ हो रही है हाथ से लिख रहा हूँ शायद मैं प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ चल रही है ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक कौन सा चल रहा है कहीं कुछ हुआ है क्या कहाँ पे लिख रहा है भाई थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब ये बोल रहा है क्या कि आ, लीटर को चल कोई बात नहीं यार जो भी हो रहा है ठीक है ना हटा देख भाई कहीं हो रहा होगा कुछ एक दो गलतियां तो देख लेना मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे हाँ मतलब वो होता है ना कि दिख जाता है तो दिमाग वो चल रहा होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है ठीक है हो सकता है मैं अकेले यहाँ बड़बड़ा रहा हूँ ठीक है तुम पता चला कि हाँ चल रहे हो क्या सर ने यार डिवाइड किया ट्वेंटी कहानी होती कैसे। कोई भी में कोई पूछता है ना तो में क्या बोला जाता है? ये ध्यान रखना जैसे मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करता हूं शॉर्टकट यूज करना शुरू कर मैं पूछता हूं कि वॉट विल बी ऐसा पूछ दूं कि वॉट विल बी देखो अब क्वेश्चन एक लाइन में आंसर कैसे निकालना है वॉट विल बी सर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए वॉट विल बी रिक्वायर्ड वॉट विल बी दास रिक्वायर्ड एंड सर मोल्स ऑफ एंड मोल्स ऑफ एच टू एंड वॉल्यूम ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस्ड देखना अब एक बार में सारा क्वेश्चन मिक्स करने वाले वॉल्यूम ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस्ड इफ इफ टेन ग्राम ऑफ टेन ग्राम ऑफ मिथेन इज बर्न टेन बर्न टेन अगर 10 ग्राम मीथेन का कंबसन करते हो 10 ग्राम मीथेन का कंबसन करते हो तो उस केस में 10 ग्राम मीथेन की कम्बोशन से आप देख लो अपने पास 10 ग्राम मीथेन की कंबोशन से क्या हो रहा होगा 10 ग्राम मीथेन की कम्बोसन से क्या हो रहा होगा कितना ग्राम आपको क्या चाहिए कितना ग्राम आपको सी एच फोर चाहिए सॉरी ओ टू चाहिए कितना ग्राम एच टू ओ चाहिए कितना ग्राम कितना वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू मोल्स ऑफ एच टू ओ ठीक है हो जाएगा देख लो अब यहां पे देखो क्या करना है रिएक्शन लिखना शुरू करो मैंने ये रिएक्शन लिख दी मैंने ये रिएक्शन लिख दिया ध्यान से देखना अपने पास मैंने ये रिएक्शन लिख दिया अगर मैं ये रिएक्शन लिख देता हूं अब मुझे देखो शॉर्टकट क्या है भाई ध्यान से सुन लेना शॉर्टकट क्या है एग्जाम हॉल में शॉर्टकट कैसे काम करेगा ये शॉर्टकट देख ले भाई सीधा सीधा एक लाइन में आंसर निकाल देगा तुझे कुछ नहीं जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ निकालनी है ये दस ग्राम तुझे क्या है गिवेन दिया हुआ है देख ले भाई अब इसके बाद तू फटाफट शॉर्टकट यूज कर सकता है ये देख ले दस ग्राम गिवन है तुझे क्या चाहिए भाई इसका क्या चाहिए मास चाहिए इसका क्या चाहिए मोल्स चाहिए इसके क्या चाहिए मोल्स चाहिए और इसका क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए यही चाहिए ना अब एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना आप सिंपल सा क्या करना शुरू करो आप सिंपल सा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो अभी लिख रहे थे वो लिखना शुरू कर दो किसके टर्म में सर इसका वॉल्यूम तो लेंगे तो कितना लेंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर स्टैंडर्ड में इसका मोल्स लेंगे तो क्या लेंगे रिएक्शन देख के स्टैंडर्ड लिख सकते हो अभी जस्ट आपने ये रिएक्शन को देख के लिखना शुरू किया है ये किसी भी रिएक्शन को देख के आप लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन को देख के आप ये लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन को देख के आप क्या कर सकते हो ये लिख सकते हो आपको कुछ नहीं आप देख लो अपने पास आप रिएक्शन अभी आप कुछ लोग आ रिएक्शन लिखना नहीं आता है वेट एंड वॉच रिएक्शन इनऑर्गेनिक करते करते आपको आ जाएगा आप ये देख लो आप ये देख लो आपने क्या किया स्टैंडर्ड लिख दिया आपको सर पता है मास ऑफ फोटो निकालना है पता है क्या ट्रिक होती है ये देख लो भाई जिंदगी में कभी भी स्टॉशमेट्री का डर हट जाएगा मास ऑफ फोटो निकालना है पता है क्या करना है मास ऑफ फोटो निकालना है पता है क्या करना है अपने को ये दस ग्राम है ना गिवन दस ग्राम गिवन है इसको किससे मल्टीप्लाई करो जो गिवेन है ना सामने वाले इसका मास निकालना है ना इसका मास निकालना है कुछ नहीं ये दस ग्राम है इसको किससे मल्टीप्लाई करो सिक्सटी फोर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो डिवाइडेड बाई देख ले टेन इंटू सिक्सटी फोर डिवाइड बाई क्या कर दे सिक्सटीन कर दे कितना आ जाएगा फोर्टी ग्राम आ जाएगा कैसे किया तो सर कुछ नहीं आप ग्राम है ग्राम है ग्राम है कैंसिल आउट और क्या आ गया फोर्टी ग्राम क्या करना है इसका मास निकालना है ध्यान से देखना जिसका मास निकालना है इसको किससे जो गिवन है गिवेन को किससे मल्टीप्लाई करो जिसका स्टैंड जिसका मास निकालना है टेन इंटू सिक्सटी फोर डिवाइड बाई क्या कर दे सिक्सटीन ध्यान से देख अपने पास सर ये देखना मास ऑफ मास ऑफ सीओ टू सॉरी मास कह रहा वॉल्यूम ऑफ निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीओ टू निकालना है वॉल्यूम ऑफ सीओ क्या होगा ध्यान से देखना वॉल्यूम ऑफ सीओ टू निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सी टू कैसे निकलेगा ये देखना अपने पास गिवन गिवन है ना Given को क्या करो उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो देखना भाई बार बार कैलकुलेट करना तुम्हें विद इन सेकेंड आंसर मिलेगा टेन ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करो टेन ग्राम को ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर से और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सिक्सटीन ग्राम देखोगे आंसर आ जाएगा अपने पास सर ये आंसर आपको आ जाएगा लीटर्स में एक लाइन में आंसर आ रहा होगा एक लाइन में आंसर आ रहा होगा ठीक है एक लाइन में क्या हो रहा होगा आंसर आ रहा होगा ठीक है एक लाइन में अपने पास आंसर आ रहा होगा अगर मैं बोलता हूं मोल्स ऑफ एच टू निकालो तो मोल्स ऑफ एच टू क्या हो जाएगा ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे जो गिवन है सर क्या निकालना है ये निकालना है तो गिवन को किससे मल्टीप्लाई करो उसके स्टैंडर्ड से गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो उसके स्टैंडर्ड से और डिवाइड बाई क्या कर देना ये देखो ग्राम ग्राम कैंसिल बच क्या जाएगा मोल सर कितना आ जाएगा ट्वेंटी बाई सिक्सटीन मोल्स आ जाएगा सर सीधा आंसर आ जाएगा आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना बहुत ही ईजीली आप स्टेसमेट्रिक कर सकते हो बहुत ही ईजिली स्टॉइसमेट्रिक कर सकते हो जो चीज़ दी है बस आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है ऊपर स्टैंडर्ड लिख देना है जो जिसमें पूछ रहा हो जो जिसमें पूछ रहा हो उसके हिसाब से लिख दो जैसे इस ग्राम पूछ रहा था इसका स्टैंडर्ड ग्राम में इसका ग्राम गिवन था इसका स्टैंडर्ड ग्राम में इसका 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 वॉल्यूम वॉल्यूम पूछ पूछ रहा रहा था था तो स्टैंडर्ड में मोल्स बोल दू हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर फॉर्मेशन वॉटर फॉर्मेशन अगर ऐसा लिख दिया जाए वॉटर फॉर्मेशन कैलकुलेट कैलकुलेट मोल्स ऑफ एच टू रिक्वायर्ड कैलकुलेट मोल्स ऑफ एच टू रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ ओ टू रिक्वायर्ड सर एक आपको क्या करना है आपको 100 ग्राम पानी बनाना है 100 ग्राम पानी बनाना है किससे सर आपको रिएक्शन नहीं दी हुई है लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के पता चल रहा है कि सर H2 टू प्लस ओ बना के क्या बनाना है H2O बनाना है सर ये टू हो गया ये क्या हो गया टू हो गया ये देख ले अपने पास सर यहाँ पे सर इसका कितना मास दिया हुआ है कितना सौ ग्राम ये क्या करो आप गिवन लिख दो सर इसका मास दिया हुआ है इसका क्या निकालना है वॉल्यूम लीटर्स निकालना है इसका क्या निकालना है मोल्स निकालना है कुछ दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आप सिंपल सिंपल सा लॉजिक लगाना शुरू करो सिंपल सिंपल सा लॉजिक लगाना शुरू करो क्या करेंगे तो कुछ नहीं लिख दो जो चीज चाहिए उसी के टर्म में लिख दो स्टैंडर्ड उसी के टर्म में लिख दिया करो स्टैंडर्ड उसी के टर्म में लिख दिया करो और देख लो अब मुझे किसने बोला कि सर वॉल्यूम ऑफ ओटू निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओटू निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ़ कैसे आएगा? देखना एक बारेड इंटू क्या करने वाले मोल्स ऑफ एच टू निकालना है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मोल्स ऑफ एच टू कैसे आएगा हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड इंटू टू जो भी गिवन है उसको उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड बाई क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स सर

चलो ये देखो अपने पास अब क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल स्टमेंटरी क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन में अब यहाँ पढ़ने से देख लो अपने पास जो लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे यहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा यहाँ पढ़ेंगे तो पता चल रहा होगा ये देख ले अपने पास ये देख ले फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट विथ कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सर एस कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये देख लो रिएक्शन लिखने के लिए अभी आपको रिएक्शन नहीं आती कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ ट्राई करना क्या हो जाएगा एच सर रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यहाँ थ्री कर देता हूँ और यहाँ क्या बन जाएगा थ्री अपने पास यही रिएक्शन हो रही होगी आप देख लो यही पे अपने पास क्या हो जाएगा आ, थ्री एन एच हो गया और ओ एच और एच टू ठीक तो यहाँ पे देख लो थ्री एच टू हो गया ना ठीक हाँ, है तो अब देख लो इस रिएक्शन में कुछ नहीं आप पढ़ के देखो अपने पास आपको अगर मास पता है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे स्टैंडर्ड देख लो थ्री इन टू फोर्टी एक सौ बीस ग्राम स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा गया अगर आप स्टैंडर्ड लिखना जान गए तो इसका एक मोल रिएक्ट करेगा और इसके एक मोल का मास कितना होगा थ्री प्लस थर्टी वन प्लस कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर दैट विल बी सर एट और ये क्या हो जाएगा नाइन्टी एट ग्राम क्या आंसर आ जाएगा नाइनटी एट ग्राम आप सीधा सीधा रिएक्शन लिखो सीधा सीधा रिएक्शन लिखो

वेट ऑफ एसओ टू कैन बी मेड बर्निंग सल्फर इन फाइव फाइव ऑफ ऑक्सीजन सल्फर को अगर कंबसन करोगे बताओगे अपने पास वो बोल रहा है कि अगर आपको क्या करना है इसका पांच मूल दिया हुआ है बोल रहा है बताओ सल्फर का कितना मूल सल्फर इसका कितना मास बनेगा सल्फर का इसका कितना मास बनेगा? कुछ नहीं आपको ये निकालना है ना कोई दिक्कत नहीं आप इसको किस में लिख दो मोल, और इसको कितना लिख दो इसका मास कितना हो गया इसका मास कितना हो जाएगा अपने पास इसका मास हो जाएगा सिक्सटी फोर ग्राम सर आप सीधा सीधा इसका वैल्यू निकाल सकते हो मास ऑफ एसो टू कितना हो जाएगा मास ऑफ एसो टू प्रोड्यूस मास ऑफ एसो टू प्रोड्यूस कितना हो जाएगा दैट विल बी फाइव इन टू क्या था ये given था आपको ये given था, ये given था ये given था तो given को मल्टीप्लाई करो गिवन को इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड बाई दिस क्या हो जाएगा थ्री ट्वेंटी ग्राम थ्री ट्वेंटी ग्राम यही हमारा आंसर आ जाएगा थ्री ट्वेंटी ग्राम यही मेरा आंसर आ जाएगा पक्का ठीक है प्लीज देखो अपने पास थ्री ट्वेंटी ग्राम रिएक्शन नहीं आ रही भाई सल्फर प्लस ओ यार क्या नीट की तैयारी कर रहे हो यार अब सात मई को एग्जाम है तुम बोल रहे हो सल्फर प्लस ओ का रिएक्शन नहीं आ रहा एस प्लस ओ क्या देगा एसओ टू देगा ठीक है कुछ नहीं करना आपको क्या करना है जो गिवन है देखो ध्यान से इसको निकालना है स्टैंडर्ड को उसके हिसाब से लिख दो यहाँ पांच मोल दिया था तो मैंने स्टैंडर्ड को उसके हिसाब से लिख दिया इसका मास पूछ रहा है तो मैंने स्टैंडर्ड को उसके हिसाब से लिख दिया और मास ऑफ एसओ कैसे निकालूंगा तो कुछ नहीं फाइव टाइम्स सिक्सटी फोर फाइव टाइम्स सिक्सटी डिवाइड बाई वन यही क्या आ जाएगा मास ऑफ एसओ टू जाएगा यही क्या आ जाएगा मास ऑफ एसोटू आ जाएगा पक्का यही क्या आ जाएगा मास ऑफ एसोटू ये देख लो अपने पास फच फिफ्टी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉज कम्प्लीटली बॉन्टिन एयर फिफ्टी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉज कम्प्लीटली बॉन्ट इन एयर सर वॉट इज द मास ऑफ रेसिड्यू सर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कंबसन करते हो या डिकम्पोजिशन करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी ओ टू बन जाता है रेसिड्यू का मतलब क्या होता है जो सर रेसिड्यू मतलब जो बच जाए सी ओ टू गैस है सी ओ टू गैस क्या करेगा बाहर निकल जाएगा आपको कुछ नहीं करना आप अपना स्टैंडर्ड देख लो क्या निकालना है सर स्टैंडर्ड में इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम इसका मास कितना दिया है 50 ग्राम गिवेन है सर 50 ग्राम गिवेन है क्या पूछ रहा है सर 100 ग्राम से इसका मास स्टैंडर्ड में 56 ग्राम इसका मास निकालना है सर मास ऑफ CaO मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालोगे तो कुछ नहीं 15 टू फिफ्टी इंटू क्या करने वाले हैं फिफ्टी इंटू फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड सर कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट ग्राम कितना आ जाएगा ट्वेंटी एट ग्राम तो रेसिड्यू का मास ऐसे निकाल दो पक्का 28 ग्राम ठीक है कितना आ जाएगा 28 ग्राम कुछ नहीं आपको जो गिवन है ना ये स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे लिखते हैं ये देख लो आपको जिसमें दिया जाए उसको लिखना शुरू कर दो 100 ग्राम इसका मास दिया है तो इसको मास में लिखो इसका मास निकालना है तो इसका मास में लिखो आंसर निकालते चले जाओ जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर एल्युमिनियम का एल्युमिनियम की रिएक्शन दी हुई है कुछ नहीं एल्युमिनियम किससे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से क्या बनाएगा एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बनाता है एल टू ओ थ्री सामने सामने वाला इनडायरेक्ट वे में रिएक्शन दे रहा है इनडायरेक्ट वे में रिएक्शन दे रहा है आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ये कितना हो जाएगा यही होगा बोल रहा है कि 1.5 किसीजन कम्बाइन विध वन पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइन विध सीधा सीधा दिख रहा है मोल्स कितने कितने इससे कंबाइन हो रहा है टू मोल एल्यमिनियम से टू मोल एलुमिनियम का मास कितना हो जाएगा देख लो अपने पास सीधा सीधा क्वेश्चन के वर्ड्स को देखो अपने पास और आंसर निकालने की कोशिश करो कितना हो जाएगा 54 ग्राम ठीक है क्वेश्चन क्या हो जाएगा 54 ग्राम क्या हो जाएगा 54 ग्राम क्योंकि सर 1.5 ग्राम 0.5 ग्राम क्या हो रहा होगा अपने पास 54 ग्राम एक पॉइंट सीधा सीधा रिएक्शन बैलेंस कर लो कि सर ये थ्री बाई टू है ये क्या हो जाएगा टू एल्मीनियम ये क्या हो जाएगा फिफ्टी ग्राम हो जाएगा पक्का हो जाएगा श्योर है चलो अपने पास रेसिड्यू का मतलब जो नीचे बच जाता है भाई जो नीचे रह जाता है पोटेशियम क्लोरेट का अगर डिकम्पोजिशन करते हो सर देखो नॉर्मल स्टाइसमेट्रिक क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं अगर इसको डिकम्पोज करोगे तो के ये क्या बन जाएगा के प्लस क्या हो जाएगा ओ टू हो जाएगा सर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ थ्री हो जाएगा यहाँ टू हो जाएगा जिन लोगों को रिएक्शन लिखना नहीं आता इनऑर्गेनिक का वेट कीजिए वहां से आप कर सकते हैं सर कितना डिकम्पोज करे कि ये कितना आ जाए सिक्सटी सेवन पॉइंट टू लीटर्स इसकी वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू दी हुई है ये मेरे लिए गिवेन है मुझे बोल रहा है कि सर इसके मूल्स बताओ इसके मूल्स बताओ इसके मूल्स कैसे आएंगे सर सीधा सीधा आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है थ्री इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स टू लीटर्स होता है सिक्सटी सेवन पॉइंट टू लीटर्स के लिए स्टोशमेट्री से ही पता चल रहा है कि सर कितना हो जाएगा दो मोल हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा टू मोल आ जाएगा तो नॉर्मल स्टोशमेट्री जब भी पूछा जाएगा नॉर्मल स्टैशमेट्री जब भी पूछा जाएगा आप सीधा सीधा देख लो दो का क्वेश्चन देख लो नॉर्मल नॉर्मल स्टैशमेट्री के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मल स्टैशमेट्री के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा गया प्लीज देखना अपने पास नॉर्मल स्टैशमेट्री हैबर्स प्रोसेस किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस सर ये रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है और हैबर्स प्रोसेस देख लो रिएक्शन होती है और हैबर्स का इसका यूज करना शुरू कर दो ये देख लो अपने पास द नंबर ऑफ 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 मोल्स मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ammonia, 20 अमोनिया इसका मोल दिया हुआ है आप एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड करना शुरू कर दोगे सर अगर आपको हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए कुछ नहीं स्टैंडर्ड कंडीशन को किस में लिखना शुरू कर दो सर इसके कितने मोल्स हैं टू मोल्स इसके कितने हैं थ्री मोल्स सर इसकी वैल्यू निकालनी है सर हाइड्रोजन के मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना सबसे आसान है ट्वेंटी इंटू क्या कर दो थ्री डिवाइड बाई क्या कर दो टू सर ये कितना हो जाएगा थर्टी मोल्स कितना हो जाएगा थर्टी मोल्स सोचना है भाई एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन दिए गया है ठीक है एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे है. अब आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे नॉर्मल स्टेशमेट्री के ऊपर 2019 में क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल रहे इस तरह के क्वेश्चंस उठा 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 करते करते चले चले जाओ जाओ पक्का इस तरह के के क्वेश्चन अब आते हैं अपने पास कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल स्टॉइमेट्री हो गई एक होती है प्योरिटी कॉन्सेप्ट प्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है थोड़ा ध्यान से सुनना प्योरिटी का कॉन्सेप्ट में बस एक चीज याद रखना है यहाँ एक ही लॉजिक लगाना है प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में बस एक ही लिमिटेशन याद रखना कि याद क्या रखना है डोंट

परसेंट प्योरिटी इज डीकम्पोज ध्यान से देख लेना अपने पास डिकम्पोज कैलकुलेट द कैलकुलेट द ध्यान से देख लो अपने पास कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीओ टू रिलीज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीओ टू रिलीज देखो मैंने क्या लिखा है सर आपको ना गलती से भी सर कैल्सियम कार्बोनेट का रिएक्शन सबको पता होता है कैल्सियम कार्बोनेट का रिएक्शन सबको पता होता है कैल्सियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना देगा सी टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना देगा सी टू पक्का तो यही देख ले अपने पास ये क्या होगा ये डिकम्पोज होगा अब देखना अपने पास अगर आप स्टैंडर्ड लिखते हो तो इसका सौ ग्राम होता है और इसका कितना होगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर बनेगा गैस यही निकलेगी ठीक है यहां पे गलती से 300 ग्राम मत लिख देना क्योंकि 300 ग्राम लिखोगे ऑप्शन में दिया होगा इसलिए मैंने लिखा हुआ है वहां पे डोंट डोंट पुट टेक द गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सर कभी भी गलती से सेम क्वेश्चन में जो लिखा है वही मास नहीं होगा प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में सर मास ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो लेना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेजेंट है वो कितना है 300 ग्राम नहीं है कितना है तीन सौ का नाइन परसेंट मतलब टू सेवेंटी ग्राम है टू सेवेंटी ग्राम है ये मेरा रिएक्टेंट है ये मेरा रिएक्टेंट है ये गलत आंसर होगा ये मेरा रिएक्टेंट है ये डिसाइड करेगा कितना लीटर सीओ टू बनना है ये मेरा रिएक्टेंट है ये डिसाइड करेगा कितना लीटर सीओ टू बनना है तो सर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू कितना हो जाएगा सर आपको पता है ये गिवन है गिवन को किससे मल्टीप्लाई करना होता है देख लो सर टू सेवेंटी किससे मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से डिवाइडेड कितना कर दूं हंड्रेड से कर देता हूँ यह ध्यान रखना अपने पास ये गलती सेना थ्री हंड्रेड इंटू नाइनटी बाई हंड्रेड ये लेंगे आप कभी भी 300 ग्राम मत ले लेना क्योंकि अगर ये ले लोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ सीओ क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा पक्का वॉल्यूम ऑफ सी टू कितना आ जाएगा सर जितना भी आए वो सिक्सटी पॉइंट एट आए जितना भी आए बस ये ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चन में जो दिया हुआ रिएक्टेंट है उसी को मत ले लेना उसके हिसाब से करोगे गलत हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा सर ये देखो अभी अपने पास ये क्वेश्चन देखो सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly सेम टाइप का क्वेश्चन है ये फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप फास्ट कर सकते हो तो कर लो क्या हो रहा होगा सेम टाइप का क्वेश्चन है देख लो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट ही है सर हीटिंग करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा सी सर इसका दस ग्राम दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है सौ ग्राम स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है सौ ग्राम स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है सौ ग्राम है अभी कितना ले रहे हैं हम लोग दस ग्राम अभी कितना ले रहे हैं दस ग्राम ले रहे हैं। चेंज करना है। देखो ये देखो 100 ग्राम है 100 ग्राम से ये कितना बन गया 22.4 लीटर सर यहां गलती से भी 10 ग्राम मत लिख देना क्योंकि यही तुम्हें अवॉइड करना है दस ग्राम नहीं होगा सर यहाँ दस ग्राम का यहाँ वॉल्यूम निकालना है कोई दिक्कत नहीं सर दस ग्राम का कितना लोगे नाइन्टी परसेंट मतलब सर यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइन ग्राम अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा और नाइन ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से वॉल्यूम ऑफ सी कितना प्रोड्यूस होगा तो कुछ नहीं नाइन टाइम्स ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो जाएगा एंड दैट विल भी जितना भी आ रहा हो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा नाइन टाइम्स कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स नाइन टू जो Uh, uh, कितना हो रहा होगा नाइन एटीन ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन दो हज़ार ये अपने पास ट्वेंटी जीरोसा टू पॉइंट जीरोस आ जाएगा तो आंसर ऐसे निकाल सकते हो आंसर ऐसे निकाल सकते हो ठीक है आंसर ऐसे आ जाएगा ये अपने पास प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ये मेरे पास प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में कभी भी याद रखना प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में कभी भी अपने पास क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें रिएक्टेंट को सेम मत ले लेना टू थाउजेंड फिफ्टीन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है टू थाउजेंड फिफ्टीन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि बीस ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज होगा तो आठ ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है क्वेश्चन में लिया हुआ है प्योरिटी मतलब सर मैग्नीशियम कार्बोनेट 20 ग्राम मैं नहीं लूंगा मैंने बार बार बोला प्योरिटी कॉन्सेप्ट में सेम मत ले लेना प्योरिटी कॉन्सेप्ट में सेम मत ले लेना जैसे ये देख ले मैग्नीशियम कार्बोनेट है मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है सेम तरह से डिकम्पोज होगा यहाँ भी सेम चीज़ें मिलने वाली लेकिन सर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास निकालोगे तो ये एट्टी ग्राम हो जाता है और इसका मास निकालना है तो इसका मास कितना होगा 24 40 ग्राम हो जाएगा ये देख लो अपने पास इसका कितना गिवन है 8 ग्राम गिवन है आप पहले क्या निकालोगे सर 20 ग्राम पूरा सैंपल नहीं ले सकते आप यहाँ 20 ग्राम नहीं ले लोगे भाई साहब अगर 20 ग्राम लोगे गलती हो जाएगी 20 ग्राम नहीं लोगे आप पता है क्या करने वाले हो यहाँ पे आप पता है क्या करने वाले हो पहले ये निकालोगे मास ऑफ प्योर एम जी सी थ्री प्योर एम जी सी यू थ्री वो कैसे आएगा तो सर मास ऑफ प्योर एम जी सी यू थ्री कहाँ से आएगा स्टॉइस से कैसे सर आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एट टाइम्स एट्टी फोर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फोर्टी कितना हो जाएगा एट्टी फोर बाई फाइव दैट विल बी वन सिक्सटीन पॉइंट एट ग्राम सर आठ ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे मिलके बना होगा सिक्सटीन पॉइंट एट ग्राम से आठ ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे मिलके बना होगा सिक्सटीन पॉइंट एट ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से तो एक बात बताओ एक बात बताओ प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है परसेंटेज प्योरिटी सर आपके पास प्योर कितना है सिक्सटीन आपके पास ओरिजिनली कितना है बीस ग्राम परसेंटेज प्यूरिटी निकालने जाएंगे तो परसेंटेज 84 के आसपास पहुंच जाएगी परसेंटेज कैसे निकालते हैं याद रखना 20 ग्राम मत पुट कर देना 20 ग्राम कब जब भी पुट करोगे जब तक पुट करोगे अपने पास आंसर गलत हो जाएगा पक्का हो जाएगा सर सर हो जाएगा श्योर हो तो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट में क्या करना है रिएक्टेंट का मास कभी भी पुट नहीं करना है ये देख लो अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर इल्ड का कॉन्सेप्ट या एफिशिएंसी का क्वेश्चन दे दिया गया एफिशिएंसी का क्वेश्चन दे दिया गया तो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट में देख लो अपने पास एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दे दिया गया तो पता है क्या करना होता है एफिशिएंसी में क्या करना होता है सिंपल सा लॉजिक लगाइए एफिशिएंसी मतलब जैसे मान लो ये रिएक्शन है ये रिएक्शन है मान लो अपने पास ये रिएक्शन हो रही है सी प्लस ओ इसके बगल में लिखा हुआ है फिफ्टी परसेंट एफिसियंसी अगर इसके बगल में लिखा हुआ है फिफ्टी एफिशिएंसी लिखी हुई है तो यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे attempt? कैसे करेंगे अपने पास ये कैसे करेंगे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए इफ टेन ग्राम या ऐसा लिख दिया जाए अगर ऐसा लिख दिया जाए ट्वेंटी ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न ट्वेंटी ग्राम ऑफ कार्बन इज कैलकुलेट द कैलकुलेट द बगल में लिखा हुआ है उसका एफिशिएंसी कितनी है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस एक बात बताओ अपने पास एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है एफिशिएंसी का मतलब क्या हो रहा होता है एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि जैसे अभी तुम्हारे साथ होता है कि हम सर सोच के तो बैठते हैं कि पांच बजे से लेके लगातार पढ़ते जाएंगे लगातार पढ़ते जाएंगे लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा होता है नंबर डिक्रीज होता है क्योंकि अब अपनी एफिशियंसी बेकार होनी शुरू हो जाती है अगर आप पढ़ रहे होते हो ना तो अब आपकी एफिसियंसी क्या हो जाती है बेकार होनी शुरू हो जाती है जैसे अब कुछ लोग होंगे जो आराम से ये सोच रहे सोचो मतलब इतना टाइम अपने पास बैठे हुए कि हाँ भाई छोड़ के जाने का ऑप्शन भी नहीं सोच रहे हो आराम से बैठे हुए कुछ कुछ कमेंट कर रहे हो ठीक है तो अपने पास वैसे लोग भी बैठे हुए सोच अपनी एफिशिएंसी क्या हो उनका काम ही जिंदगी भी यही है डेढ़ सौ रुपए पर लेक्चर ऐसा कुछ है ना ठीक है कोई बच्चा रेट बता रहा था कि सर डेढ़ सौ रुपये के मिलते है ठीक है हाँ चलो चलो अब देखो ज्यादा नहीं लिमिटिंग रीजन इसके बाद है उसके बाद खनिश करेंगे लिमिटिंग रीजन पार्क हाँ भाई बच्चे ऑब्वियस कम होंगे रात का टाइम होता जा रहा है धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे लेट होते जाएंगे कुछ लोग बीच में अगर ब्रेक हो जाएगा तो खत्म होता चला जाएगा ठीक है हाँ डेढ़ सौ रुपये नहीं है अच्छा और कम है ओके सौ रुपये भाई सौ रुपये में कौन इतना टाइम वेस्ट करता है वो भी इतनी बेकार सी चीज़ कौन सुनता है यार यहाँ शाहरुख खान की पठान मूवी पे ना कोई इतना मूवी वो करे सौ रुपये में स्पैम करे यार चलो ठीक है ठीक यार क्वेश्चन करते एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है जैसे हम लोग पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते तो टाइम कैसा बनाते कि सर मैं सुबह से लेकर शाम तक बारह घंटे पढ़ूंगा अब बारह घंटे में तुम्हें भी पता है रियलिटी में बारह घंटे में से रियलिटी में कितनी देर पढ़ाई होती है छे घंटे अगर आप किताब खोल भी लेते हो तो आधे टाइम तो दिमाग इधर उधर चल रहा होता है आधे टाइम इधर उधर दिमाग चल रहा होता है तो यही हालत होती है यहाँ रिएक्शन में भी क्या लिखा हुआ है कि सर आप जो इस रिएक्शन में करिएगा आपके पास कितनी एफिशिएंसी आएगी फिफ्टी परसेंट आपके पास कितनी आएगी फिफ्टी परसेंट आएगी अच्छा रात में दस बजे के बाद पांच रुपए पे आ जाते हैं हम लोग अच्छा ठीक है ओके हाँ अब तुम लोग स्पैमर वालों को मजे ले रहे हो कि हाँ भाई पांच रुपये दस रुपये पे आ गए बच्चे ठीक है हाँ सोचो ठीक है पाँच रुपये दस रुपये सोच भाई चल ठीक है मुझे तो पाँच रुपये गया दस रुपये भी देगा तब भी नहीं यार इस लेक्चर में कौन जाता है यार ठीक है कहीं और जाके स्पैमिंग कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ समझ में भी आएगा यहाँ पे पढ़ाई का यार चल रहा है क्या ही छोड़ चल देख भाई क्या चल रहा है अपने पास यहाँ देख सर इस एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं जैसे मुझे ना ये रिएक्शन दी है नॉर्मल केस में इसका 12 ग्राम कम्बन होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर नॉर्मल स्टैंडर्ड तो यही कह रहा है स्टैंडर्ड तो यही कह रहा है तुमने भी क्या किया स्टैंडर्ड के हिसाब से तुमने गिवेन क्या लिख दिया सर इसका बीस ग्राम गिवेन है देख भाई अगर तुमने बीस ग्राम गिवेन है ध्यान से देखना इसका वॉल्यूम निकालना है अब तुमने क्या किया अरे सर मैं देखो ना कैसे निकालता हूँ ये देखो मैं कैसे निकाल देता हूं? ये रहा सर आपने क्या किया आपने क्या किया किताब से अपने पास आपने क्या किया जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप टाइम टेबल बिना सोचे बना देते हो आप सोचते ही नहीं हो कि आप थक रहे हो आप बना देते हो वैसे यहाँ पे अरे सर कुछ नहीं ये रहा ट्वेंटी इंटू कितना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर बाई कितना हो जाएगा ट्वेल्व ये मेरा क्या आ गया थ्योरेटिकल इल्ड ये मेरा क्या आ गया थ्योरेटिकल इल्ड मतलब कॉपी पे निकालेंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल इल्ड आ जाएगा लेकिन सर एक्चुअली मेरे हाथ में इतना आएगा क्या नहीं आने वाला है एक्चुअली मेरे हाथ में इतना आएगा क्या नहीं आने वाला है क्यों क्योंकि एक्चुअल इल्ड की बात करेंगे एक्चुअल इल्ड क्या होता है एक्चुअली मेरे हाथ में कितना आएगा सर इसका फिफ्टी परसेंट जो भी मैं निकाल रहा हूं ना थ्योरी में जो भी निकाल रहा हूं उसका कितना परसेंट लूंगा फिफ्टी परसेंट लेने वाला मेरी लाइफ में इतना ही आएगा जितना भी अपने पास आंसर निकाल ले जितना भी अपने पास आंसर निकालोगे उसका 50 परसेंट क्यों क्योंकि किसने बताया सर यहां लिखा हुआ था 50 पचास परसेंटिशंसी पचास परसेंटी परसेंटी जैसे ही 50 परसेंट एफिस दिखी मैंने क्या किया थ्योरेटिकल इल्ड का फिफ्टी कर दिया यही मेरा क्या आता है एक्चुअल इल्ड आता है यही मेरा क्या आता है एक्चुअल इल्ड आता है ये ध्यान से देख लेना अपने पास ये ध्यान से देख ले भाई सर एक होता है थ्योरेटिकल इल्ड एक होता है थ्योरेटिकल इल्ड और थ्योरेटिकल इल्ड और एक्चुअल इल्ड परसेंटेज अगर निकालना है परसेंटेज निकालनी है या परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है परसेंटेज निकालनी है या परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो कुछ नहीं आप क्या करते हो एक्चुअल इल्ड को किससे डिवाइड कर दो एक्चुअल इल्ड को किससे डिवाइड कर दो थ्योरेटिकल इल्ड से आपको सर एग्जाम हॉल में थ्योरेटिकल इल्ड आप स्टॉइशोमेट्री से निकाल सकते हो लेकिन एक्चुअल यील्ड के लिए एफिशिएंसी का पता होना जरूरी है एफिशिएंसी का पता होना जरूरी है कि सर ये एफिशिएंसी के लिए जरूरी होता है सर ये देख लो एक्चुअल क्या है सर जो अपने आप से जो एग्जाम हॉल में मिलेगा मुझे जैसे इस एग्जाम इसमें क्या दिया था दिया था 50 परसेंट डिफिशेंसी दी थी तो मैंने क्या किया 50 परसेंट कर दिया थ्योरेटिकल इल्ड क्या हो रहा होता है थ्योरेटिकल इल्ड क्या होता है जो आप निकाल रहे थे अभी तक जो निकाल रहे थे उसी को क्या बोल देते हैं थ्योरेटिकल इल्ड बोल देते हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं थ्योरेटिकल इल्ड बोल देते हैं पक्का तो सर एक्चुअल इल्ड और थ्योरेटिकल इल्ड में डिफरेंस है कैसे देख लो अब जैसे क्वेश्चन आएगा तो ये देख क्वेश्चन कैसा होगा क्वेश्चन दिया हुआ है अगर मैं क्वेश्चन कहीं दे देता हूं मान लिए कोई क्वेश्चन दे देता हूं ऐसा लिख देता हूं कि एक रिएक्शन है एक रिएक्शन है अपने पास ए प्लस टू बी गिवर सी इस रिएक्शन के बगल में लिखा हुआ है सेवेंटी फाइव परसेंट एफिशियंसी लिखी हुई है इसके बगल में लिखी हुई है सेवेंटी फाइव परसेंट एफिशियंसी कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड Calculate the moles of C produced if, 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 if 10 moles of, 10 moles of B is reacted with, 10 moles of B is reacted with excess of, reacted with excess of, reacted with excess of do A. एक्सेस ऑफ ए एक के एक्सेस ऑफ क्वांटिटी से लेके उसके बाद हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं अगर मुझसे ये दिया हुआ है सोचो अपने पास सी का कितना इल्ड आएगा सी का कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस इफ टेन मोल्स ऑफ बी इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ ए सर क्या होने वाला है सर आप एक बात बताओ यहाँ पे आप क्या डिसाइड कर रहे हो सर सिंपल सा इसके दो मोल्स है इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं चार मोल्स इसका क्या दिया हुआ है दस मोल दिया हुआ है इसके मोल्स कितने आएंगे सर थ्योरेटिकली तो आप निकाल सकते हो अभी सीखा है थ्योरेटिकल इल्ड क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल इल्ड क्या हो जाएगा टेन इंटू टेन इंटू फोर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू तो ये कितने हो जाएंगे ट्वेंटी मोल्स हो जाएंगे लेकिन ये थ्योरेटिकल इल्ड है ये हाथ में नहीं आने वाला सर आपके हाथ में पता है कितना आएगा एक्चुअल इल्ड ऑफ एक्चुअल इल्ड कितना आएगा एक्चुअल इल्ड ऑफ सी कितना आएगा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ एक्चुअल इल्ड कितना आएगा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ट्वेंटी सर ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन मोल्स आ जाएगा आपके हाथ में कितना आएगा सी के सर सी कितना बनेगा फिफ्टीन मोल्स आने वाला है क्यों क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा जितना आप सोच रहे होगे ना जितना आप सोच रहे होगे उसके सर सेवेंटी फाइव परसेंट ही मिलने वाला है कहाँ दिया था एग्जाम हॉल में बगल में लिखा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा फिफ्टीन मोल्स पक्का तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं को यूज करना है हमने क्या कर लिया नॉर्मल स्टर्च मेट्रिक कर लिया है नॉर्मल स्टर्च मेट्रिक कर लिया है सर प्योरिटी का कॉन्सेप्ट कर लिया इल्ड का कॉन्सेप्ट कर लिया अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद थोड़ा सा रिलेटिव एटोमिक मास रहता है वो बताना है मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास रहता है वो बताना है मुझे उसके बाद ये नोट्स अपने को भाई कल मिलेंगे अभी तो अपने पास चीजें देखेंगे मेरे पास लास्ट कॉन्सेप्ट स्टॉयमेट्री का दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है एक्चुअली देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं एक ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाए जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए जिस बाकी लोगों से पहले अगर मान लो बाकी लोग अपने पास जो बच जाएंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट को हम बार बार शॉर्टकट में एल लिखेंगे और एक्सेस रिएक्टेंट को क्या लिख देंगे सर ई आर लिख देंगे सर कुछ ऐसे लोग होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की बात सुनना ध्यान से लिमिटिंग रिएजेंट की बात सुनना ध्यान से लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो रहे होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं ठीक है तो ये देख लो अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट वो है मान लो मैं ऐसे रिएक्शन करा रहा हूं ये देखना अपने पास ए प्लस ये क्या दे रहा दे रहा रहा है है अगर मान लो तो सर इसका एक मोल इसके कितने से रिएक्ट कर रहा है दो मोल से ठीक है ध्यान से सुनना इसका एक मोल इसके कितने से रिएक्ट कर रहा है दो मोल से अगर मैं दोनों का अगर मैं दोनों के दस दस मोल दे दूं तुम्हें अगर मैं दोनों के दस दस मोल गिवन दे दूं अब मुझे बताओगे सर इसके कितने मोल्स बनेंगे ध्यान से देखना अपने पास सर कितने मोल्स इसके बनेंगे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ वर्ड्स में अभी नहीं दे रहा हूँ ध्यान से देखना लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते हैं ये देख लो अपने पास ठीक है ये देखो लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालेंगे एक मोल से कितना बनेगा दो मोल बस दो लाइन लिखनी होती है दो लाइन लिखनी होती है ये दो लाइन लिखनी होती है और दो लाइन से ही अपना आंसर आएगा मैं एक सिंपल सी चीज़ लिखने वाला हूं फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ जिन लोगों को शॉर्टकट नहीं सीखना एक लाइन में सीख लो ये ज्यादा जरूरी है फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ टेन मोल्स ऑफ ए ए के टेन मोल्स अगर रिएक्ट करने हो तो बी के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा टेन इंटू टू डिवाइडेड बाई सर वन कितना हो जाएगा बीस मोल रिक्वायर्ड होगा इतना दिया है क्या नहीं दिया हुआ है मतलब ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल है मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सर ए के सारे, के सारे कर के दस मोल रिएक्ट करेंगे तो बी के कितने चाहिए बीस मोल कभी पॉसिबल ही नहीं है मतलब ए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता ए कंप्लीटली कंज्यूम हो ही नहीं सकता अपोजिट चल लो आपको एग्जाम हॉल में बस ये

सर ये देख लो सर दस मोल पूरा का पूरा बी रिएक्ट कर जाए तो सर ये क्या होगा सर पांच मोल इसका रिएक्ट करेगा मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है बी पूरा का पूरा कंप्लीटली फिनिश हो सकता है तो बी मेरा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गया मतलब ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट सर एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया बचेगा कौन एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया दो में से एक ही होगा अब ए हो गया कितना अमाउंट बच जाएगा अमाउंट ऑफ ए अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा अमाउंट ऑफ ए अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा सर दस में से कितना ही यूज कर पाओगे दस में से पांच ही मोल यूज कर पाओगे तो इसका कितना हो जाएगा फाइव मोल सर मोल ऑफ़ क्या रहेगा बता दूंगा बट बस दो लाइन ध्यान रखना शॉर्टकट ही बता दूंगा बट दो लाइन ध्यान रखो जिसको लगता है कि मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कभी समझ में नहीं आया एक सिंपल सी लाइन इसको पूरा पूरा लिख लो उससे आंसर निकाल लो कौन सा पॉसिबल होगा कौन सा नहीं होगा ये देख लो पक्का उसमें देख लो अपने पास इसके हिसाब से क्वेश्चन कर लो फॉर कंप्लीट रिएक्शन इसके बीस मोल इसके कितने हो जाएंगे पांच मोल सर आप देख लो कौन सा पॉसिबल है जो पॉसिबल है वही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया जो बचा वो एक्सेस रिएजेंट होगा अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ या मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस सर मोल्स ऑफ सी कैस कितना प्रोड्यूस होगा मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बताए कितना होने वाला है मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस कितना होगा लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा सर उससे डिसाइड करेंगे टेन इंटू फाइव डिवाइड बाई फाइव ट्वेंटी फाइव मोल्स ऑफ

मोलर रेशियो जिसका होगा जिसका मोलर रेशियो कम होगा वही क्या हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट लेकिन ये तभी काम कर पाएगा जब आपके पास मोल्स दिया होगा जब आपके पास क्या दिया होगा मोल्स दिया होगा जब आपके पास मोल्स दिया होगा ठीक है जो आपके पास क्या चाह रहा होगा मोल्स दिया होगा पक्का सा मोल्स अपॉन कोफिशिएंट वही कर लो लेस मोलर रेशियो वही क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा पक्का

जो पॉसिबल है वही क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट जो नहीं पॉसिबल है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होने वाला है पक्का जो पॉसिबल है वही लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है श्योर हो तो देख लो अपने पास क्वेश्चन देख जैसे मान ली ये क्वेश्चन दिया हुआ ध्यान से देखना अब रिएक्शन आती है नहीं आती है सर देख लो रिएक्शन देखो कैसे करेंगे ये रिएक्शन लिखना शुरू कर दो आपको पता चल जाएगा मोल्स का हिसाब किताब तो बहुत सिंपल सा होता है एन थ्री पी ओ फोर बस याद रखना बैलेंस रिएक्शन लिखना है क्या बनेगा सर बेरियम फॉस्फेट बनेगा बेरियम क्या बन जाएगा फॉस्फेट बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा एन बन जाएगा ये क्या बन जाएगा एन बन जाएगा तो यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं थ्री और यहाँ क्या होने वाला है अपने पास ये टू यहाँ क्या हो जाएगा सिक्स यही हो रहा होगा अब सर आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ आपको क्या क्या दिया हुआ है इसके कितने मोल्स दिए हैं जीरो पॉइंट फाइव मोल्स इसके कितने मोल्स दिए हैं जीरो पॉइंट टू मोल्स इसके कितने मोल्स दिए हैं जीरो पॉइंट फाइव इसके कितने मोल्स दिए जीरो पॉइंट टू सर मुझे क्या निकालना है इसके मोल्स निकालने ठीक है लेकिन अगर ये दोनों गिवेन है अगर ये दोनों गिवेन है तो सर या तो शॉर्टकट से कर लो इसका रेशियो और इसका रेशियो निकाल के देख लो या फिर आपको जो लोग अभी अभी सीख रहे होंगे उनके लिए बता देता हूं कि आप कुछ नहीं आप स्टैंडर्ड लिख लो जो जिन लोगों को शॉर्टकट समझ में आ गया कि सर इसका डिवाइड बाई इसका रेशियो निकाल लो इसका डिवाइड बाई इसका रेशियो जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता भाई आप ना ऐसे लिखा करो अगर आपको थोड़ा भी ज़्यादा भी कन्फ्यूजन होता है आप सीधा सीधा ये लिखा करो कि सर अगर कंप्लीट रिएक्शन जीरो पॉइंट फाइव मोल बी एस सी एल टू का कराऊंगा तो सर मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट कितना रिक्वायर्ड होगा आप ये लिख लिया करो ये कितना रिक्वायर्ड होगा आप लिख लिया करो कैसे होगा सर ये निकालना है कैसे आएगा 0.5 पॉइंट फाइव इंटू टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू डिवाइड बाई क्या कर दूंगा 0.5 पॉइंट फाइव इंटू टू डिवाइड बाई क्या करूंगा 3 तो सर ये कितना हो गया 1 बाई थ्री जीरो इतने मोल्स बी एस सी एन के दिए हुए हैं क्या नहीं दिए हुए हैं अगर आपको नहीं दिए हुए हैं मतलब ये क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट कभी हो ही नहीं सकता अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो ऑब्वियस है ना भाई अगला लाइन लिख के करना चाहो लिख के कर लो नहीं तो अपने पास पता चल जाता है शॉर्टकट का भी शॉर्टकट मार दो कि सर एक लाइन में पता चल गया ये लिमिटिंग रीजेंट नहीं है तो यही होगा निकाल के देख लेते यही देख लेते अपने पास निकाल के क्या हो रहा होगा जीरो पॉइंट टू मूल ऑफ सर सोडियम फॉस्फेट अगर कंप्लीट कर, रिएक्शन करना चाहता है तो मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सर बी एस सी एल टू कितना रिक्वायर्ड होगा मोल्स ऑफ बी एस सी एल टू कितना रिक्वायर्ड होगा ये देख लो कितना हो जाएगा सर इसके लिए कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू के लिए कितना होगा जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट टू थ्री डिवाइड बाई जीरो पॉइंट टू थ्री डिवाइड बाई टू कितने मोल्स होंगे जीरो पॉइंट थ्री सर ये पॉसिबल है अगर ये पॉसिबल है तो तो क्या हो जाएगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यही होगा और यही मैं चाह रहा था लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही मिला लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही मिला अब मैं प्रोडक्ट बता सकता हूँ अब मैं प्रोडक्ट बता सकता हूं कि सर इसके टू मोल से इसके कितने बनते हैं टू से इतने तो मोल्स ऑफ सर एग्जाम हॉल में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग पहली बार बहुत सारे लोग पहली बार कर रहे होंगे इसलिए मैं इतना लिख लिख के करा रहा हूँ अदर एग्जाम हॉल में बहुत फास्ट कर सकते हो आप जीरो पॉइंट टू इंटू वन डिवाइड बाई टू सर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन बोल ये मेरा आंसर आ जाएगा ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जिन लोगों को शॉर्टकट पता है जिन लोगों को शॉर्टकट पता है वो अपने पास कर सकते हैं जिन लोगों को शॉर्टकट पता है वो अपने पास शॉर्टकट से कर सकते हैं जिसका रेशियो कम आता है वही क्या हो जाता है लिमिटिंग रीजन लेकिन जिनको नहीं पता है वो देख लो अपने पास आप ऐसे किया करो शॉर्टकट ये होता है कि लिमिटिंग रीजन निकालना है तो आप कुछ नहीं गिवन मोल्स को किससे डिवाइड कर दो स्टॉशमेट्रिक ऑफिशंट से गिवन मोल्स को स्टॉसमेट्रिक ऑफिशंट से डिवाइड कर दो जिसका रेशियो सबसे कम आता है यही तो लिखा था मैंने जिसका रेशियो सबसे कम आता है लेस मोलर रेशियो मतलब कि पर गिवन मोल्स ये देख लो गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टॉइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप गिवन मोल्स को किससे डिवाइड कर दो स्टॉइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अगर आप इससे डिवाइड कर देते हो जिसकी वैल्यू कम आती है लेस लेस वाली जो कम आएगी वही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट वही क्या होगा लेस वाला ही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा पक्का हो जाएगा सर ये देख लो अपने पास क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखना अगेन वही क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है फास्ट फास्ट निकाल सकते हो क्या अब हर एक बार उतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करने वाले लिमिटिंग रिएजेंट का रिएक्शन नहीं आती कोई दिक्कत नहीं भाई साहब लिखेंगे आएगा सर बी एस सी एल टू का रिएक्शन सर आपने टेंथ में पढ़ा है ये सब चीजें कि बी एस सी एल टू एच टू एस फोर के साथ रिएक्ट करेगा एग्जाम हॉल में तीन चीजें दी हुई हैं बाकी चीजें आप खुद से भी गेस कर सकते हो ये क्या हो जाएगा टू एच सी एल सर देख लो इसका कितना गिवन है एक मोल और इसका कितना गिवन है जीरो पॉइंट फाइव मोल आप सर स्टार्समेट्रिक ऑप्शन दिया हुआ है वन मोल और इसका कितना दिया हुआ है वन मोल सर दोनों के केस में सबसे लेस रिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा सबसे लेस रेशियो किसका होगा इसका रेशियो निकालने जाओगे 0.5 0.5 आ जाएगा 1 अपॉन वन वन इसका कम आ गया यही मेरा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा बी कितना बनने वाला है तो बी कितना बनने वाला है ये देख लो एक मोल से कितना बनेगा? मोल मोल तो 0.5 से कितना बनेगा जीरो पॉइंट फाइव मोल बनेगा 0.5 मोल्स बनेगा। तो ये मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा लिमिटिंग रीजन डिसाइड करते हैं। अगर मोल्स दिया है तो ऐसा डिसाइड होगा पक्का हो जाएगा चलो ये देखो अपने पास ये क्वेश्चन ये अपने पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है तो ट्राई करते हैं इसको अटेम्प्ट करेंगे इसको अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करेंगे एक रिलेटिव एटॉमिक मास रहता है वो बता के मैं आपका टॉपिक फिनिश कर दूंगा ठीक है रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये देख लो अपने पास क्या करना है सर एच टू प्लस ओ टू एच टू प्लस ओ टू ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं टू एच टू ये देखो क्या बोल रहा है कि सर इसका भी मास मैंने आपको दस ग्राम दे दिया इसका मास सिक्सटी फोर ग्राम दे दिया ये दोनों गिवन दे दिए मैंने आपको अब मैं पूछ रहा हूं इसके मोल्स बताइए कोई दिक्कत नहीं सर कैसे निकालूंगा तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रिएक्टेंट दिए हुए हैं तो ये चार ग्राम हो गया ये कितना हो गया थर्टी टू ग्राम हो गया और इसके कितने हो गए दो मोल्स हो गए सर फिर से वही लहाने लिख दिया जाए कि अगर सर किसी एक बंदे को पकड़ लेते हैं कंप्लीट रिएक्शन ऑफ अगर कंप्लीट रिएक्शन दस ग्राम हाइड्रोजन का कराना हो दस ग्राम हाइड्रोजन का कराना हो तो मास ऑफ ओ रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा मास ऑफ ओ रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा दस ग्राम का कराना हो तो मास ऑफोटो कितना हो जाएगा टेन टाइम्स थर्टी टू डिवाइड बाई फोर कितना आ जाएगा अस्सी ग्राम हो जाएगा अस्सी ग्राम ओ टू दिया है क्या नहीं दिया है तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं और जैसे ही पता चल गया कि ये कभी पॉसिबल नहीं होगा ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा तो यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये डिसाइड करेगा ये कितना बनेगा तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना होगा तो सर सीधा सीधा सिक्सटी फोर इंटू टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा थर्टी टू कितना हो जाएगा चार मोल हो जाएगा सर यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है यही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है सर आपके अपने पास आए हुए क्वेश्चन देख लो विद इन सेकेंड कर सकते हो आपको जैसे एक ही लाइन में काम हो गया क्यों क्योंकि सर ये रिएक्शन अगर नहीं पॉसिबल है लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता अगर लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता तो उस केस में हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस में हमारे पास कौन सा हो जाएगा अगर लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन नहीं है तो इस केस में हम लोग बोलना शुरू करेंगे कि भाई अपने पास ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन होगा तो उसके केस में निकालते चले जाओ पक्का अब चलो अपने पास कुछ कुछ चीजें हैं कुछ कुछ चीजें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं जैसे मुझे किसने दे दिया ये वाले अब थोड़ा सा लास्ट में लिमिटिंग रीजेंट के बाद एक लास्ट चीज़ रहती है अब लिमिटिंग रिजेंट स्टॉइसमेट्री हो गई है एक अपने पास एक छोटी सी चीज़ रह गई थी वो मैं अभी बता देता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास बस इसके बाद हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करते जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देते हैं राम बोल देते हैं शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देते हैं राम बोल देते हैं सर ये देखो रिलेटिव एटॉमिक मास किस क्या बोलते हैं अगर किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम निकालना है किसी एटम का निकालना है किसी एलिमेंट का निकालना है तो कुछ नहीं क्या करते हैं हम लोग तो मास ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय सर ट्वेल्व टाइम्स सॉरी वन बाई ट्वेल्व ऑफ वन बाई ट्वेल्व ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व एक्चुअली कुछ नहीं आप ए एम यू से डिवाइड कर देते हो एक्चुअली ये किसको डिफाइन करते थे ये किसको डिफाइन करते थे सर किसको डिफाइन करते थे ये किसको डिफाइन करते थे एक ए एम यू का डेफिनेशन था तो सर रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं एक एटम के मास को एएमयू से डिवाइड करना है लेकिन दिक्कत ये सर अपने पास ना ध्यान रखना सॉल्यूशन में कॉन्सनट्रेशन टर्म्स पूरा का पूरा सॉल्यूशन में पढ़ने को मिलेगा तो वहां पे बात कर ठीक है वहां पे बात करेंगे सॉल्यूशन के बाद ठीक है चलो ये देखो अपने पास क्या बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी निकालने को बोला जाएगा तो मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ट्वेल्व टाइम्स मास ऑफ वन एटम सर कभी भी किसी का निकालने को बोला जाए याद करो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आज जब सेशन स्टार्ट कर रहे तब पढ़ा था कि एक एटम का मास कितना होता है किसी एलिमेंट का तो सर एक आइटम का मास जो होता है वो कितना होता है मास नंबर इंटू मास नंबर इंटू क्या कर देते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं यही पढ़ा था सर नॉर्मल केस में रिलेटिव एटॉमिक मास देखना रिलेटिव एटॉमिक मास नॉर्मल केस में कितना होता है सर सामने वाले का क्या ले लेंगे मास नंबर इनटू क्या कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन सर वन बाई ट्वेल्व टाइम्स मास ऑफ वन एटम मतलब क्या हो गया मास ऑफ वन एटम का मतलब क्या हो गया सर कार्बन के एक आइटम का मास कितना हो जाएगा यही होगा ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसिल एम पी से एम पी कैंसिल रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो नथिंग रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है मास नंबर होता है रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है मास नंबर होता है प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो प्रॉपरली डेफिनेशन क्या होती है यही प्रॉपर डेफिनेशन होती है यही क्या हो जाती है प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है ये रिलेटिव एटॉमिक मास की प्रॉपर डेफिनेशन होती है लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं चेंजेस पे हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भैया मोल्स में मिलेगा ठीक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोल्स में मिलेगा ध्यान रखना अपने पास मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली देखो तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास नॉर्मल केस में किसके इक्वल होता है मास नंबर के ये देख लो कैसे होगा ये देखो अब मेरे पास अलग अलग लोगों के अब देखना मैं तीन टाइप के मास को कंपेयर कर रहा हूं अगर 16 ए दिया हुआ था तो ये क्या था मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन था 16 ए एम दिया है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया है अगर यही 16 ग्राम दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे मास ऑफ वन मूल एटम बोल देते थे मास ऑफ वन मूल एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल देते थे लेकिन अगर 16 लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बिना यूनिट के लिखा हुआ है तो ये क्या है रिलेटिव एटोमिक मास है ये क्या है रिलेटिव एटोमिक मास है रिलेटिव एटोमिक मास में कोई यूनिट नहीं होता ये यूनिटलेस होगा इसका कोई यूनिट

अगर नई डेफिनेशन लेते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग रिलेटिव एटॉमिक मास को उन्होंने नया डेफिनेशन क्या दे दिया कि सर मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट तो आप ले रहे थे आप लीजिए लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया आप इसको क्या कर दीजिए वन बाई सिक्स कर दीजिए मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व सर देखो अगर उसने फॉर्मूले में ये चेंज कर दिया उसने बोला कि आज से ये होगा तो वॉट विल बी ध्यान से देखना अपने पास वॉट विल बी द पढ़ ले रखी है ना ये सब क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कुछ नहीं थोड़ा सा थ्यूरी उठाना है रिलेटिव एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है कोई दिक्कत नहीं सर मास ऑफ एक एटम ऑक्सीजन का मास नंबर तो फिक्स ही रहेगा ये क्या किया एम पी डिवाइड बाई सर ये क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स इन टू सर ये कार्बन के एक आइटम का मास कितना होगा इतना ही होगा सर एम पी से एम पी कैंसल आउट सिक्स से क्या हो गया टू और टू से ये कितना हो गया एट तो क्या हो जाएगा एट आ जाएगा पहले एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना था रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था सिक्सटीन था अब कितना हो गया अब कितना हो गया अब कितना हो गया तो देख लो अब कितना हो गया एम पी से एम पी गया ये सिक्स से कितना हो गया टू और सिक्सटीन बाई एट कितना हो गया सिक्सटीन बाई टू कितना हो गया एट हो गया तो ये देख लो अपने पास ये छोटी छोटी चीज़ें आपका सर जैसे ही आपने डेफिनेशन चेंज करी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा एवरेज ये सारा कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर बैठा हुआ है आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आज ही पढ़ा है एन ए इंटू ए एम यू किसके इक्वल होता है वन ग्राम के इक्वल होता है ए एम यू किस में लेना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फोर ग्राम सर ये कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री तो ये छोटी छोटी चीजें हमने कर रखी पक्का हो जाएगा सर श्योर होगा पक्का तो अब सर रिलेटिव एटॉमिक मास ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए अब वो क्वेश्चंस कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग अभी नहीं करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग अभी नहीं करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी लाइफ में आएगा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कौन सा कौन सा चैप्टर जब सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे सर ग्राम आइटम हाँ ग्राम आइटम के बारे में बता रहा हूँ तो ग्राम आइटम के बारे में पहले बता देता हूँ ग्राम आइटम के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ कि देख लो ग्राम ऐटम के बारे में पहले बता दूँ तो क्या होगा ये देखना अगर इफ एक ग्राम अगर ग्राम इज यूज एज प्रीफिक्स अगर ग्राम इज यूज ग्राम को यूज कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करेगा किसको रिप्रेजेंट करता है मोल्स को रिप्रेजेंट करता है मतलब देखना ध्यान से ये टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है दो ग्राम ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो ये क्या दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन लेकिन अगर यहीं पर दो ग्राम एटम ऑफ

मॉलिक्यूल लिखा हुआ है टेन ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वाटर का तो टेन ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा कि सर ये क्या है सर दस ग्राम या दस मोल मॉलिक्यूल है टेन मोल मॉलिक्यूल हैं किसके एच टू ओ के टेन मोल मॉलिक्यूल हैं एच टू ओ के तो सर ये छोटे छोटे चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी ये छोटी छोटी चीज़ें जो छूटी हुई हैं एक दो चीज़ें कुछ कुछ अगर रहता है तो मैं अगली क्लास में देख लूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा अगला चैप्टर है इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट भाई साहब अपना जो आता है वो रेडॉक्स में आता है इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट जो होता है अपना अपने पास रेडॉक्स में आता है यूडियोमेट्री स्टेट्स ऑफ मैटर में आती है थोड़ा सा वेट कीजिए सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी आज के लिए आपके लिए काफ़ी है आपने आज इतना सारा मेहनत किया एवरेज मास निकाला बहुत सारी चीजें शुरू करी तो आज अपने पास, हम वहाँ पे बात करेंगे, जब करेंगे. आज अपना पहला दिन था उम्मीद के लिए तो आज हम लोग पांच, पांच करते अगले चैप्टर में स्ट्रक्चर होने वाला है वो भी एक बड़ा चैप्टर होने वाला है बड़ा चैप्टर होगा वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी, अच्छी अच्छी आने वाली हैं लेकिन सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई चलो अलग कहानी है लेकिन हाँ जो बच्चे अपने रियली करना चाहते हैं जितना इस क्लास में जा रहा है उसको बार बार रिवाइज कर लो इसके क्वेश्चन कर लेना रीजन के इसके क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेंगे असाइनमेंट करो जितना हो सकता है और ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो पक्का तो फिनिश करे फिजिकल केमिस्ट्री में अगला चैप्टर स्टोमिक uh, स्ट्रक्चर है फिर स्टेट्स ऑफ मैटर जो एनसीईआरटी का फ्लो है वही होगा ठीक है तो सबको इतनी रात तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का भी तुम लोगों के अंदर काफी डेडिकेशन दिख रहा है कि भाई इस टाइम तक जगे हुए हो इस टाइम तक अपने पास लगे हुए हो वालों के लिए भाई कोई बात नहीं अगर आप पहले दिन ये मत पढ़ लेना भाई ये कोई बंदा किसी सजेस्ट भी मत करना ये खासकर उन लोगों के लिए जो ट्वेल्थ में है या एक बार कर चुके हैं सिलेबस उन लोगों के लिए खास करे ये ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए जिनको बेसिक थोड़ा बहुत आता है ऐसा नहीं कि हाँ भाई यही शुरुआत में कोई बच्चा टेंथ पास करके आया उसको यही दिखा दिया ले देगा बेहोश हो जाएगा वो ठीक है कल अपने पास हाँ बॉटनी का लेक्चर होगा डेली आपके पास कोई ना कोई एक चैप्टर आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैं सॉल्यूशन में कराता हूँ तो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज आ जा जाएगा नोट्स आपको मिल जाएंगे डोंट वरी ओके नोट्स मिल जाएंगे कल भी आपको मिल जाएंगे डीपीपी भी मिल जाएगी वो चीज़ें भी आ जाएंगी न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपने पास रेडॉक्स में नंबर ऑफ इक्कीवैलेंट्स जब कराए जाते हैं तो वहाँ पर आता है इज दिस सफिशियंट यस सर मोर देन सफिशियंट इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आने हैं वो इसी से आएंगे बाकी जैसे न्यूट्रलाइजेशन कोई पूछ रहा है तो वो थर्मोडानेस में भी आता है रेडॉक्स में भी आता है अगर कोई पूछ रहा है कि सर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट में आता है तो कुछ कुछ चीजें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहाँ आती हैं सर अपने को नॉर्मलिटी मोलारिटी ये सब कब आती हैं? जब हम लोग कहाँ होते हैं सर हम लोग सोल्यूशन टर्म में पढ़ते हैं तो वहां पर बात करेंगे ओके बाकी हाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ये सब चीजें बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत बढ़िया कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अभी बताओ पाँच हजार लोग जग के पढ़ रहे हैं यही तो होता है कंपटीशन सोचो ना कंपटीशन से देखो कैसे कैसे लोग बाहर होते जा रहे हैं अपने आप ही लोग बाहर होते जाते हैं शुरुआत में दस हजार लोग होते हैं बीस हज़ार लोग होते हैं शुरुआत में देख रहा था ट्वेंटी थाउजेंड के करीब लाइव पढ़ रहे थे धीरे धीरे कम हो रहे हैं रीजन क्या होता है वो रीज़न क्या होता है कुछ लोग इसको दो महीने बाद भी देखेंगे कुछ लोग अगले साल भी देखेंगे ठीक है रीजन वही है कि आप कहाँ पे किस तरह की चीजें करना चाहते हो उसको देखो आप अगर इस साल करना चाहते हो इस साल पढ़ना चाहते हो तो अभी के अभी लग जाओ डेली के डेली चैप्टर्स करते जाओ डोंट वरी आपके लिए पूरा प्लान है कुछ लोग है कि सर कितने चैप्टर्स हो पाएंगे सारे चैप्टर्स करा दिए जाएंगे हो सकता है कुछ छोटे चैप्टर्स हो जैसे रेडॉक्स रिएक्शन छोटा चैप्टर है तो उस दिन एक छोटा चैप्टर और कराया जा सकता है साथ में कि भाई इस दिन दो चैप्टर छोटे छोटे कर लो तो उस दिन क्या होगा दो चैप्टर निकल जाएंगे ठीक है ना तो वो वाली चीजें करनी ओके चलो सब लोग इन्जॉय करो मिलते हैं अगले सेशन में अगले सेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले सबको गुड नाइट थैंक यू सबको इतने देर तक आप पढ़ते रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ना डीपीपी आपको आज मिल जाएगी आपको कल मिल जाएगी कल सुबह सुबह मिल जाएगी तो आज अभी आप फिनिश कीजिए और फिर डीपीपी को क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ओके गुड नाइट बाय बाय टाटा